हेलो एवरीवन, बायो डीटीएस के पेपर 11 के डिस्कशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम आ गए हैं। शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्ड्स लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस ले एग्स ए, यहां हमें कुछ भरना है। व्हाइल बर्ड्स इन कैप्टिविटी ले एग्स बी, हियर ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले पक्षी ए, यहां हमें कुछ भरना है, अंडे देते हैं, जबकि पालतू पक्षी बी अंडे देते हैं, और यहां ए और बी किसे बता रहा है। ये प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि दो अलग अलग सिचुएशन या कंडीशन में पक्षी हैं। एक को हम पाल रहे हैं, पालतू हैं, हम उन्हें कृत्रिम प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल टाइप के उनके कंडीशन हमने रखे हुए हैं, और दूसरा वाइल्ड नेचुरल कंडीशन में पक्षी है। अब ऑप्शन ए है कि थ्रू आउट द ईयर एंड सीजनली, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये अंडे कब देते हैं, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो बर्ड्स लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन ले एग्स ए थ्रू आउट द ईयर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से पक्षी पूरे साल अंडे देंगे तो उनके ऊपर जो ऋतुएं हैं, जैसे कि बहुत सर्दी पड़ रही है, उस सबका असर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ए की जगह ये आना कि थ्रू आउट द ईयर, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर पक्षी अंडे नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम किसी जगह इनको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में पाल रहे हैं तो हम उनको इस तरह की परिस्थिति उपलब्ध करा सकते हैं जिससे वो वर्ष भर अंडे दें। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि क्यों पक्षी आमतौर पर सर्दियों में अंडे नहीं देते हैं। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, ये कह सकते हैं कि लाइट पीरियड कम हो जाता है, फोटो पीरियड ड्यूरेशन कम हो जाता है, और फोटो पीरियड का असर सीधा हॉर्मोन्स पे पड़ता है। तो पक्षियों के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने वाले, उनका नियमन करने वाले हार्मोन है, सर्दियों में अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइट ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो दिन की अवधि कम हो जाती है। लेकिन जब हम पक्षियों को पालते हैं बंद जगहों पर, वहां पर हम कृत्रिम लाइट या आर्टिफिशियल लाइट लगा देते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट लगा के हम चाहे तो उसको जितने घंटे भी उसको प्रकाश में रख सकते हैं, जिससे कि हार्मोन का रेगुलेशन उनका बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे बसंत यानी स्प्रिंग के मौसम में होता है। तो इस तरह से हम पूरे वर्ष पक्षी को अंडे देने के लिए तैयार रख सकते हैं। अगर मुर्गियों की बात चले तो मुर्गियों की जाति जैसे लेग हॉर्न या फिर व्हाइट लेग हॉर्न देती है 250 अंडे प्रति वर्ष, और एक HS260 ये देती है 260 अंडे प्रति वर्ष। पूरे साल एक तरह से मुर्गी से अंडे प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन हम उनको कृत्रिम प्रकाश में रखते हैं इसलिए। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है कि एक ही जगह थ्रू आउट द ईयर ये आए, ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा है थ्रू आउट द ईयर एंड समटाइम्स, ये थ्रू आउट द ईयर गलत है, पूरे वर्ष प्राकृतिक परिस्थिति में रहने वाले पक्षी अंडे नहीं दे सकते, तो पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तीसरा है सीजनली एंड थ्रू आउट द ईयर, ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले पक्षी तो ऋतु विशेष में देंगे, किसी विशेष सीजन में देंगे, जैसे स्प्रिंग सीजन आ गया उसमें देंगे, स्प्रिंग सीजन में बसंत का मौसम, और जो पालतू पक्षी हैं उनको हम आर्टिफिशियल लाइट या आर्टिफिशियल कंडीशन में रख रहे हैं, तो पूरे वर्ष उनसे हम अंडे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीसरा वाला आंसर, ये तीसरा वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है, यही होना चाहिए। और चौथा जो ऑप्शन है सीजनली, ये वाली बात तो जुड़ रही है, एंड वेन एवर दे लाइक, जब उनकी इच्छा होती है तब देते हैं, जब हम उनको पालते हैं, तो ऐसा नहीं है हम अपने लाभ के लिए उन्हें पाल रहे हैं, तो लाभ के लिए पाल रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि वो पूरे वर्ष भर दें। अब ये वाली चीज हमारी NCERT बुक में दी हुई है बहुत साफ साफ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये NCERT बुक में लेके आया हूं। इस NCERT बुक में अंतर केवल ये है कि किसी के पास पुरानी NCERT है तो उसमें पेज नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, तो मैं चाहकर भी पेज नंबर कोट नहीं कर पाऊंगा। ये नई NCERT है, बिल्कुल इंग्लिश की है, और इसमें पेज नंबर 9, आप में से जिनके पास ये नई वाली NCERT है उसके पेज नंबर 9 को आप जरूर देख सकते हो। पुरानी NCERT में वो पेज हो सकता है थोड़ा आगे पीछे बदल गया हो, लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ है बर्ड्स लिविंग इन नेचर
lay eggs only seasonally. However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए. थर्ड आंसर हमारा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन आर लाइकली टू बी फाउंड इन एनिमल शोइंग. समुचित भ्रूणीय देखभाल और सुरक्षा उन जंतुओं में मिलने की संभावना है जो दर्शाते हैं. अब इस बात को याद रखिए कि समुचित देखभाल अगर करनी है तो सबसे पहले अंडों को निषेचित शरीर के अंदर करना चाहिए. ऐसा नहीं कि स्पर्म और ओवा या एग को बाहर छोड़ दिया और उनको अपने पूरी परिस्थिति जो अगर खराब भी है उससे जूझना पड़ रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. शुक्राणु अंडाणु यानी स्पर्म और एग मादा के शरीर या फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो जाए और एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट, भ्रूण का पूरा विकास भी मादा शरीर के अंदर ही होना चाहिए. तब जाके हम कहेंगे कि पूरी तरह सुरक्षा या प्रोटेक्शन मिल रहा है और एम्ब्रियो की अच्छे से केयर हो रही है. इस दृष्टि से जो ये ऑप्शंस आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाय निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो बेकार है उसके लिए. इसके लिए होना चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन और पूरा डेवलपमेंट एम्ब्रियो या भ्रूण का फीमेल के बॉडी के अंदर चलना चाहिए. तो इस हिसाब से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑप्शंस बेकार हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही लग रहे हैं तीन और चार ऑप्शन में. लेकिन आगे लिखा है ओवीपैरिटी यानी अंडप्रजक्ता और चौथे ऑप्शन में वीवीपैरिटी और जरायुजता. अब आपको मालूम है कि ये ओवीपैरिटी का मतलब होता है अंडे देना और वीवीपैरिटी का मतलब होता है शरीर के अंदर बच्चे का पूरा विकास हो और बच्चे का जन्म हो जब वो विकसित हो चुका हो, जब वो डेवलप हो चुका हो. इस दृष्टि से सबसे अच्छी सुरक्षा, सबसे अच्छी केयर हमें तब मिलेगी जब निषेचन अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और साथ में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट अंदर हो रहा है, जिसे कहते हैं वीवीपैरिटी यानी कि ये हो गई जरायुजता. तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वीवीपैरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन कह रहा है, इन ह्यूमंस टेम्परेचर अराउंड 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इज कंड्यूसिव इन. मनुष्यों का 34.5 से 35 डिग्री तापमान किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि ये तापमान अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री कम लिख रहे हैं. शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 2.5 डिग्री कम कर लो तो कितना आएगा, 35 या 34.5. तो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो हम देखते हैं कि स्पर्म्स ये अच्छे से बनेंगे, क्योंकि स्पर्म बनाने वाले जो सेल्स होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, फिजियोलॉजिकली भी एक्टिव रहेंगे कार्य के रूप से भी, और ये अपने बड़ी तेज काम करेंगे. और अगर इनको हाई टेम्परेचर यानी कि हमारे शरीर के तापमान पर रख दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए टेस्टिस जो होते हैं वो वृषण कोश या स्क्रोटम में आ जाते हैं जिससे उनको ये वाला टेम्परेचर मिल सके. लेकिन ये चीज सही केवल शुक्राणु जनन या स्पर्म बनाने के लिए ही है, क्योंकि ओवा तो ओवरी में बनते हैं और ओवरी ये तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, मतलब उदर गुहा के अंदर होती है जहां टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. तो उस ऊजेनेसिस में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में है जो हाई टेम्परेचर पे नहीं होता. तो इसीलिए ये जो पहला ऑप्शन है केवल शुक्राणु जनन में, केवल अंड जनन में, शुक्राणु जनन अंड जनन दोनों में और यौवनावस्था प्राप्ति में, इन चार में से साफ नजर आ रहा है कि पहली वाली चीज सही लग रही है, क्योंकि ओजेनेसिस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ओवरी वैसे ही अंदर है शरीर के, 37 डिग्री सेल्सियस को वो एंड्योर कर रही है, वो सह रही है. और स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि ओजेनेसिस की वाली बात नहीं हो रही मैच. अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के लिए ये टेम्परेचर कंड्यूसिव नहीं है. प्यूबर्टी का लेना देना टेम्परेचर से डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि अटेनिंग प्यूबर्टी इस टेम्परेचर पे अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. तो इस हिसाब से हमारा जो ये पहला ऑप्शन है यही बेस्ट ऑप्शन है. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है,
साइट ऑफ इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल आर रेस्पेक्टिवली। मानव मादा में वीर्य सेचन और निषेचन के स्थल कौन से हैं? अब वीर्य सेचन का मतलब होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को फीमेल के अंदर डिपॉजिट करना, ट्रांसफर करना, तो किस जगह पर ट्रांसफर किए जाते हैं, और दूसरा जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा तो कौन सी जगह पर वो होगा। तो ये आसान है क्वेश्चन, क्योंकि मेल जो होता है, नर जो होता है, वो वेजाइना या योनि में स्पर्म को डाल देता है। यहां से स्पर्म चलते हुए अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला क्षेत्र में या एम्पुला रीजन में जाकर वो एग से फ्यूज होते हैं। तो यानी कि इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन तो हुआ वेजाइना में, और ये वाले जो आपस में इनका मिलना है, जो एग और स्पर्म का, वो हो रहा है एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। तो इस हिसाब से पहला लिखा है इंसेमिनेशन, बाद में लिखा है फर्टिलाइजेशन, तो इंसेमिनेशन होना चाहिए वेजाइना में और फर्टिलाइजेशन होना चाहिए एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। इस हिसाब से इंसेमिनेशन इसके लिए वेजाइना पहले आना चाहिए और फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब आना चाहिए। इस हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी सब इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन ओवरी एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ओवरी में या अंडाशय में कौन सी संरचना एक अस्थायी, या टेम्परेरी पे ध्यान दो, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। अस्थायी यानी जो हमेशा नहीं थी, हमेशा रहेगी नहीं, एक टेम्परेरी चीज है, थोड़े समय के लिए बनेगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है विटेलाइन मेम्ब्रेन या पीतक झिल्ली। विटेलाइन मेम्ब्रेन ह्यूमन एग में नहीं होता, विटेलाइन मेम्ब्रेन जैसी चीज जोना पेल्यूसिडा जरूर होती है, तो इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है ओवरी के अंदर का पूरा फाइब्रस पार्ट है, यानी ओवरी के बाहर की तरफ हमारी ट्यूनिका एल्बुजीनिया एक पूरे एक स्तर है, एक लेयर है, एक तरह की वॉल कह सकते हैं उसको, उसके अंदर जितना भी पार्ट होता है वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, उस पूरे को स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा में ब्लड वेसल भी मिलती हैं, उस स्ट्रोमा में ये जो अंडाशयी पुटक हैं यानी फॉलिकल्स जो हैं, ओवेरियन फॉलिकल, वो भी अपनी डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में बैठे रहते हैं। लेकिन पूरे स्ट्रोमा से क्या हार्मोन बनेंगे, या दूसरी बात क्या वो कभी कभी रहेगा, अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो इसका आंसर है नहीं भाई, स्ट्रोमा कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, वो तो परमानेंट चीज है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम लिखा है ये सबसे सही लग रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद, यानी यौवनावस्था प्राप्त करने के बाद हर महीने तो बनेगा, क्योंकि 13-14 साल की जब कोई फीमेल हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, इसमें जब जब ओव्यूलेशन होता है, जब जब अंडो उत्सर्ग होता है, उसके बाद ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 10 दिन तक काम करता है, और उसके बाद एक कॉर्पस एल्बिकेंस नाम की वाइट और बड़ी डीजेनरेट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो उसके बाद फिर हार्मोन नहीं निकालता वो, तो वो 10-15 दिन के बीच में काफी हार्मोन निकालता है ओव्यूलेशन के बाद, तो यानी कि वो एक अस्थाई टेम्परेरी चीज है। तो इस हिसाब से ये फिट हमारा बैठ रहा है। डिस्कस प्रोलीजेरस। ये जो डिस्कस प्रोलीजेरस है वो असल में एक ब्रिज जैसी रचना है, यानी सेतु या पुल जैसी रचना है। हम ग्रेफियन फॉलिकल में अगर देखें तो ग्रेफियन फॉलिकल में अंदर की तरफ ये एग है, इसके चारों तरफ ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स हैं, ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स हो गए। अब एक पुल जैसी, जैसे ये देख रहा है ना, ये ब्रिज में बना रहा हूं यहां पे, ये पुल जैसी चीज डिस्कस प्रोलीजेरस है, जो कि इसको बाहर वाली ग्रैन्यूलोसा लेयर से जोड़ रही है। ग्रैन्यूलोसा के सेल्स बाहर भी हैं, ये देखिए, ये जो हम बना रहे हैं इस समय, ये ग्रेफियन फॉलिकल बना रहे हैं। इसके सबसे बाहर क्या होगा, इसके सबसे बाहर थीका, एक्सटर्ना थीका, इंटरना वगैरह जैसी चीजें होंगी, बस उसको छोड़ दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन थिंग इज यहां पर डिस्कस प्रोलीजेरस आपको दिख पा रहा है, तो ये जो है
लेट मी शो यू दिस पार्ट, ये वाला पोर्शन देखो, ये इतना हिस्सा, ये डिस्कस प्रोलीजेरस आपको दिख रहा है। तो ये डिस्कस प्रोलीजेरस कोई वैसा नहीं है जिसमें से हॉर्मोन्स निकलते हो, थीका में से जरूर निकलते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसमें थीका कहीं भी नहीं लिखा है इन चारों ऑप्शन में, नहीं तो हम कह सकते थे कि थीका इंटरना, इससे भी ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, लेकिन यह हमारे ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो हम तो आंसर चुनेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल इज बाउंड बाय थ्रेड टू कॉज कंप्लीट कॉन्स्ट्रिक्शन, देन व्हिच प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड। अगर मादा की फैलोपियन नलिकाओं को धागे से बांधकर पूरी तरह संकीर्णन कर दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। अब देखिए, फैलोपियन ट्यूब दोनों को हमने धागे से कस के बांध दिया। अब कैसे बांध दिया है ये बात मैं जल्दी से एक छोटे से डायग्राम से इसको समझा देता हूं। ये देखिए, ये गर्भाशय है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं यहां और इधर निकली हुई, इन फैलोपियन ट्यूब्स को अपने ऐसे बांध दिया, इस तरह से, ऐसे दिख रहा है। ये कैसे बांधा है हमने, ये फैलोपियन ट्यूब जो हैं, इनको हमने इस तरह से धागे से बांध दिया। यहां पे एक धागा कसके बांध दिया, यहां धागा कसके बांध दिया। अब ये पूरी तरह से बंद हो गई है एक तरह से। तो बताइए वो कौन सी वाली चीज है जिससे अफेक्ट पड़ेगा, यानी कौन सी वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो आपको पता है यहां पे ओवरी है, ये जो है यहां ओवरी है, यहां ओवरी है, ओवरी में से एग तो निकलेगा, एग, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आएगी एग निकलने में, ठीक है, एग यहां जाएगा इसके अंदर, लेकिन स्पर्म जो इधर से आ रहा होगा वो स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अफेक्टेड हो गया, यहां पे ओव्यूलेशन लिखा है, ओव्यूलेशन तो हो रहा है, ये देखो एग बाहर आ रहा है, ये हमने दिखाया है, एग बाहर आने में तो कोई परेशानी नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अफेक्टेड, स्पर्मिएशन प्रोसेस, फेलोपियन ट्यूब से कुछ लेना देना है ही नहीं उसका। स्पर्मिएशन प्रोसेस का अर्थ होता है कि स्पर्म जब बन रहे हैं तो जब वो पूरे बन जाते हैं उस समय सर्टोलाइज सेल से वो खाना ले रहे होते हैं, और फिर जब वो पूरे बन गए तो अपना सिर वो सर्टोलाइज सेल के साइटोप्लाज्म से हटाते हैं। तो सर्टोलाइज सेल में से जब स्पर्म अपना सिर बाहर निकालता है उस घटना को स्पर्मिएशन कहते हैं। यहां पर फैलोपियन ट्यूब के संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। और लास्ट आता है ऊजनेसिस। ऊजनेसिस प्रोसेस तो इसके अंदर होगी भाई, यहां पर एक एग बन रहा होगा, फैलोपियन नलिका के या फैलोपियन ट्यूब के बांध देने से इस प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये चीज अब क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इफ एट द एंड ऑफ मैन यूजेनेसिस वी आर हैविंग टोटल 36 पोलर बॉडीज कंसिडरिंग द फर्स्ट पोलर बॉडीज हैड ऑल्सो डिवाइडेड। कई अंडजनन प्रक्रियाओं के बाद, अब देखना कई सारी यूजेनेसिस हुई है यहां, एक अकेली नहीं हुई है, पहली बात तो कई सारी यूजेनेसिस साइमल्टेनियसली चल रही है। तो कई सारी यूजेनेसिस प्रोसेस जब हुई है और लास्ट में आपको दिख रहा है कि टोटल 36 ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी मिली है, तो बताइए कितने अंडाणु उस दौरान बने होंगे। तो आपको इसके लिए सिंपल सीधी सी बात करनी है कि ये बनाया एक एग, इसको ऐसे डिवाइड कराया, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा बना, इस छोटे को कहते हैं पोलर बॉडी, ठीक है, इसने आगे फिर डिवीजन किया एक बार और मियोसिस सेकंड से, फिर एक बड़ा बना, एक छोटी पोलर बॉडी बनी, फिर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी कई बार डिवाइड हो जाती है, और हमारे क्वेश्चन में लिखा ही है कि हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड हुई है, तो ये दो और पोलर बॉडी बन गई, तो इसका मतलब नाउ वी आर हैविंग 3 पोलर बॉडीज, 3 पोलर बॉडी हमारे पास आ गई, और वन एग आ गया, वन एग, एक एग है। तो आप ये खुद देखो, 3 पोलर बॉडी जब आपको मिलती है तो एक एग मिलता है, ठीक है, एक एग आपको कब मिलता है, जब 3 पोलर बॉडीज मिलती हैं। इसका मतलब अगर 36 पोलर बॉडी मिली हैं तो कितने एग बने होंगे, तो देखो 3 से कितने का गुणा करूंगी, 36 आए 12 का,
12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 36 आएगा, तो इस एग से भी तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 एग आएंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि ये वाली जो घटना हो रही है यहां पे, ये 12 बार अलग अलग जगह हो रही है, 12 चल रही है, तो उसमें टोटल 12 बार जब ये प्रोसेस चलाओगे तो टोटल पोलर बॉडीज 36 मिल जाएंगी और एग कितने मिलेंगे, 12। तो जब 3 पोलर बॉडी हमको अंत में मिल रही है और एक एग मिल रहा है, तो 36 पोलर बॉडीज अगर मिलती हैं तो इसका मतलब टोटल एग कितने बने होंगे, 12। तो ये हमारा आंसर यहां पे आना चाहिए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट सपोज टू बी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है एक आदर्श गर्भ निरोधक, उससे इस चीज की अपेक्षा आप नहीं करते, यू डू नॉट मतलब आप ये चाहते नहीं हो कि वो ऐसा भी करे, ठीक है, कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट सपोज्ड टू बी, आप ऐसा नहीं सोचते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा भी करेगा। पहला, यूजर फ्रेंडली, अरे भाई इस्तेमाल में आसान तो होना चाहिए, इस्तेमाल में आसान, यूजर फ्रेंडली ये तो होना चाहिए, ये तो हम अपेक्षा करते हैं, ये तो हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव हो, गर्भ निरोधक उपाय एक ऐसा हो जो कि आराम से यूज किया जा सके। दूसरा, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, ये भी हम चाहते हैं कि आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। तीसरा, इफेक्टिव इवन आफ्टर मेनोपॉज, रजो निवृत्ति के बाद भी प्रभावी। अब इसकी क्या जरूरत है, ये खुद सोचो, जब मेनोपॉज आ गया, जब अंडाणु बन ही नहीं रहे, जब एग्स बन ही नहीं रहे, तो फिर गर्भ निरोध की जरूरत ही क्या रही। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये वाली चीज की अपेक्षा हम नहीं कर रहे, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी दिस थिंग रिलेटेड टू आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हम इसमें ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई गर्भ निरोधक हमको प्राप्त हो जाए, हमको कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जो कि मेनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी को रोके। अरे मेनोपॉज के बाद तो प्रेगनेंसी वैसे ही रुक जाएगी, तो इसीलिए ये वाली चीज गड़बड़ है, हम नहीं अपेक्षा करते कि रजो निवृत्ति बाद भी वो प्रभावी होगा। रिवर्सिबल, ये तो अपेक्षा है भाई, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई प्रभाव अगर इसका है कॉन्ट्रासेप्टिव का, कोई भी असर अगर हमारे ऊपर हो रहा है तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहें कि प्रेगनेंसी हो अब, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज बंद करेंगे और वापस से फर्टिलिटी को रीगेन कर लेंगे, तो रिवर्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए 3rd आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट अफेक्ट, एक आदर्श गर्भ निरोधक उपाय को निम्न पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए, यानी गर्भ निरोधक उपाय जो भी होते हैं वो किसी ना किसी चीज को रोकते हैं जिससे कि गर्भ ना ठहरे, प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए किसी ना किसी पार्ट को वो रोकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन ना हो जाए, यूट्राइन वॉल पे जाके वो चिपक ना जाए एम्ब्रियो, उसको रोक देंगे, अलग अलग चीजें, ओव्यूलेशन को रोक देंगे, इस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन एक चीज वो नहीं करना चाहिए उनको, और वो क्या चीज है, नंबर 1, लिबिडो, यौन इच्छा या काम इच्छा। बिल्कुल सही बात है, यौन इच्छा या काम इच्छा मींस सेक्स डिजायर, सेक्स की इच्छा, इस पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल एक एक्टिविटी है, ये एक नॉर्मल चीज है, और इस पर प्रभाव अगर डाल दिया कॉन्ट्रासेप्टिव ने, इसका मतलब ये नॉर्मल कार्य की पे प्रभाव डाल रहा है और जीवन के बहुत नॉर्मल चीजों को फिर वो डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी चीजों में प्रभाव डाले कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर लो तो पिल्स जो लेते हैं गर्भ निरोधक गोली जैसे माला डी, वो ओव्यूलेशन को रोकती है, फर्टिलाइजेशन को रोकने वाले हमारे यही कॉपर निकालने वाले IUD हो गए, या बैरियर मेथड हो गया कंडोम वगैरह, फर्टिलाइजेशन को रोक लेते हैं, इम्प्लांटेशन IUD रोकता है इम्प्लांटेशन को, तो इस तरह से ये वाली 3 चीजें तो रोकी जा सकती हैं, रोकना चाहिए भी, अगर गर्भ निरोधक उपाय है तो इनको रोक सकते हैं, इन 3 चीजों को। पर पहली चीज यौन इच्छा काम इच्छा, तो सेक्स डिजायर पर इसका असर नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा लिबिडो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI employs, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम वीर्य सेचन में प्रयुक्त है। अब ये क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केवल एक ही मतलब है कि हमने सीमेन या स्पर्म को किसी आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से
फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचा है। अब उसमें आप कांच की एक नली भी यूज कर सकते हो जिसे पिपेट कहते हैं, केमिस्ट्री लैब में यूज की होगी। तो वो पिपेट की सहायता से हमने लिया थोड़ा सा सीमेन यानी वीर्य और मादा की योनि में यानी वेजाइना में या अंदर गर्भाशय तक पहुंचा दिया। ये वाली चीज हम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसी को कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फायदा यह होता है कि हम उस सीमेन को पहुंचाने से पहले सीमेन को काफी गाढ़ा बना लें, यानी कि हम अगर उसमें स्पर्म का नंबर कम है तो उसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय तक लगातार इकट्ठा करते रहें करते रहें करते रहें, और जब उसमें स्पर्म का काउंट काफी ज्यादा हो जाए उस समय हम लेकर उसे फीमेल के अंदर डाल दें। हाँ, आर्टिफिशियल मीन्स से डाल दें। अब अगर ऐसा कुछ होगा, आपने सीमेन या स्पर्म को पहुंचाया है, तो ये वाला फर्टिलाइजेशन कहां होगा? शरीर के अंदर, फीमेल के शरीर के अंदर ही करने के लिए तो डाला है आपने। तो इसका मतलब अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन हो रहा है तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी जीवे निषेचन, जीव के अंदर निषेचन करा रहे हो आप, ये किसी पात्र में नहीं करा रहे हो, ये इन विट्रो नहीं है। इन विट्रो तो वो होता है जिसमें हम बाहर निकाल लें अंडाणु को, स्पर्म को निकाल लें और इसको किसी टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश कांच की प्लेट वगैरह में रख के और फिर उसका फर्टिलाइजेशन कराएं। ऐसा हम नहीं कर रहे, हम तो स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के अंदर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब जीवे निषेचन करा रहे हैं, पात्र निषेचन नहीं करा रहे हैं। तो वन और टू तो दोनों सही हो ही नहीं सकते, पहला ही सही है और निषेचन तो होगा ही भाई, वीर्य सेचन कराई क्यों रहे हो, नहीं तो इंसेमिनेशन कराई क्यों रहे हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इससे थोड़ा करा रहे हो, फर्टिलाइजेशन तो चाहते हो आप, पर स्पर्म डाले अंदर जिससे कि इन विवो हो, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन शुड बी आर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अराउंड, वर्तमान की भारत की कितनी है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? अब हमारी एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको एक लाइन वहां पर लिखी हुई मिलती है और वो लाइन ये लिखी हुई है कि हमारी ग्रोथ रेट, ये देखो एनसीईआरटी बुक में यहां ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, लेस देन 2% लिखा है। अब 2% के लेस करो और 2% से बिल्कुल पास रहना, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे हम तो 2% के पास भी रहे और उससे कम भी रखें, तो ये तो हो नहीं सकता 2.3, 1.7, 1.41, अब 2 के सबसे पास वाली फिगर ही है, यही हमारा आंसर है 1.7%। वैसे मैं सही बताऊं वर्तमान में ये कितनी चल रही है, मतलब मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं, ये चल रही है 17.64 प्रति हजार प्रति 10 वर्ष 10 ईयर। तो यहां पे जरा ध्यान से देखो, हर हजार लोगों की बात चल रही है, हजार लोग 10 साल, तो हर हजार लोग पर 10 सालों में कितने लोग बढ़ जाते हैं? 17 लोग। तो आप ऐसा सोचो इस चीज को, मान लो 2011 में 1000 लोग होंगे, अब 2021 चल रहा है, 10 साल बीत गए, अब कितने हो गए होंगे वो 1017.6 इतने हो गए होंगे। पर ये तो 10 साल का हिसाब है और 1000 लोगों पे है। अगर मैं कहूं कि 100 लोगों पे बताओ भाई और हर वर्ष बताओ, पर ईयर, 10 साल नहीं, एक साल में 100 लोगों पे कितना बढ़ा, तो आप क्या करोगे, इस 17.64 को लिख दोगे 1.7% हो जाएगा। ये परसेंट क्यों करोगे, क्योंकि प्रति 100 में से निकाल रहे हो, तो ये 1.7% आ गया। वैसे हर 10 साल में काउंटिंग होती है जनसंख्या की, उस हिसाब से लिखते समय आप इस तरह दिखाते हो 17.64 प्रति 1000 लोग प्रति 10 साल, और अगर प्रति साल प्रति 100 लोग होगा तो 1.7% हो जाएगा। तो ये करंट डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 1.7% बिल्कुल सही है, इस हिसाब से हमारा आंसर थर्ड आंसर सबसे सही है। अगला है, माला डी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, माला डी गर्भ निरोधक गोलियां कैसी होती हैं, क्या ये स्टेरॉइड है? तो देखो स्टेरॉइडल है बट विथ सर्टेन साइड इफेक्ट इन सम फीमेल, स्टेरॉइड गोलियां जो कुछ स्त्रियों में कुछ दुष्प्रभाव दर्शाती हैं, ये सही है। आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा है कि जितने भी गर्भ निरोधक उपाय हैं
उनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव कुछ में पड़ता है, कुछ फीमेल्स में पड़ जाता है। जैसे कि हो सकता है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाए, अनियमित, थोड़ी सी बिगड़ जाए, अनियमित हो जाए। हो सकता है उनको वॉमिट जैसा फीलिंग होने लगे उसका यूज करने पर, कुछ का वजन भी बढ़ जाता है, कुछ का सिर दर्द भी होता है, लेकिन ये सभी फीमेल में नहीं होता। और अगर ये दुष्प्रभाव हो भी रहे हैं तो उनका कारण है कि हम पिल्स के रूप में या चीज जो भी उसको गर्भ निरोधक दे रहे हैं उसमें स्टेरॉइड होते हैं, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जैसे स्टेरॉइड होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जैसे स्टेरॉइड्स के कारण ये दुष्प्रभाव होते हैं। तो पहला सबसे अच्छा लग रहा है ऑप्शन हमको, फिर भी चलिए दूसरा पढ़ते हैं। स्टेरॉइडल पिल, ये तो सही है, मालाडी स्टेरॉइडल है विद नो साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं है भैया, साइड इफेक्ट कुछ फीमेल में तो है तो ये नहीं चुन सकते हम। तीसरा है नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल, ये गलत हो गया। स्टेरॉइडल है ये तो कंबाइंड पिल है, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन है जो कि आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रॉन है, लेवेनोजेस्ट्रल नाम का, और इसके साथ थोड़ा सा ईस्ट्रोजन भी है। तो ये जो है इथेनाइल एस्ट्राडियोल, ईस्ट्रोजन का एक रूप, थोड़ा छोटा थोड़ा सा है वो। और दूसरा क्या है, लेवेनोजेस्ट्रल जो कि कृत्रिम प्रोजेस्ट्रॉन है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रॉन है, इससे बनाई गई है मालाडी। तो कंबाइंड पिल है, ये वाली बात भी गलत हो गई। और चौथा है नॉन स्टेरॉइडल, ये तो गलत ही है। तो इसमें ये वाली चीज गड़बड़ हो गई, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है। कहने का अर्थ है हमारा आंसर तो होना चाहिए ये। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरजेंसी पिल्स और एमरजेंसी आईयूडी शुड बी यूज्ड। अब ये एमरजेंसी वाली बात कर रहा है, आई पिल जिसको कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर ये अगर इमरजेंसी पिल या इमरजेंसी चीजें कर ली जाए तो गर्भ नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी नहीं होती। ये चीज 72 आवर के अंदर होना चाहिए। तो इस बात को हम अपनी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से अगर देखें आकस्मिक गोली या आकस्मिक आईओडी का प्रयोग कब होना चाहिए, तो ये क्या 72 आवर बिफोर कोइटस, क्या लैंगिक संसर्ग के 72 घंटे पूर्व, मैथुन करने के 72 घंटे पूर्व का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैथुन हो चुका है उसके 72 घंटे के अंदर होना चाहिए, लैंगिक संसर्ग के 96 घंटे पूर्व, अरे पहले नहीं लेना है, मैथुन करने के बाद लिए जाती है चीज, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर लेनी चाहिए। तीसरा है अप टू 72 आवर्स आफ्टर कोइटस, लैंगिक संसर्ग के पश्चात 72 घंटों तक, हाँ ये सही है, 72 आवर्स तक ले लेना चाहिए, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ कोइटस, लैंगिक संसर्ग के 72 आवर बीत जाए उसके बाद तो वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा, फिर इमरजेंसी वाली बात कहां आई। तो इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए अप टू 72 आवर्स आफ्टर कोइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है प्लेसेंटा डज नॉट सिक्रेट, अपरा स्रावित नहीं करता है। इसमें कुछ हॉर्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं जो प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होंगे, स्रावित नहीं होंगे। सबसे पहला ईस्ट्रोजन, भाई ईस्ट्रोजन तो करता है, ये तो ईस्ट्रोजन तो जरूर होता है प्लेसेंटा से, ये लिखा हुआ है हमारे बुक में। दूसरा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में लिखा कुछ नहीं है, लेकिन हम आगे पहले पढ़े लेते हैं क्योंकि हो सकता है हमको एक क्लियर कट आंसर वैसे ही मिल जाए। तीसरा है एलएच, एलएच हार्मोन, अब आपको याद होगा एफएसएच और एलएच ये गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं और ये केवल पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो आउटराइट हमको एलएच वाली चीज तो समझ में आ रही है। लास्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन तो निकलता है भाई, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो पूरा जो एंडोमेट्रियम है या बेबी जिससे चिपका हुआ है वो वाली चीज मेंटेन नहीं रहेगी। तो एंडोमेट्रियम या प्लेसेंटा को हमें मेंटेन करके रखना है तो प्रोजेस्टेरॉन तो निकलना ही चाहिए। तो ये जो प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, ईस्ट्रोजन निकालता है, ये वाली चीज एलएच ये वाली चीज कभी नहीं निकाल सकता क्योंकि एलएच नाम का हार्मोन गोनेडोट्रोपिन जो कि एफएसएच के साथ मिलकर गोनेडोट्रोपिन कहलाता है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। तो हमारा आंसर एलएच होना चाहिए। अब बात रह गई कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। देखिए कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्लेसेंटा से तब निकलता है जब बिल्कुल प्रसव का समय आ जाए, पार्चुरेशन का टाइम हो जाए और 9 महीने पूरे हो गए,
जब बेबी के 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं उस समय आपको दिखेगा कि बेबी यानी जो फुली ग्रोन फीटस है, पूरी तरह विकसित जो भ्रूण है और प्लेसेंटा, इनसे कुछ रसायन या केमिकल निकल रहे हैं, और उन केमिकल के निकलने से गर्भाशय या यूट्रस की वॉल में हल्के हल्के कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मंद मंद संकोचन। इन हल्के हल्के कॉन्ट्रेक्शंस को आप कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि माइल्ड कॉन्ट्रेक्शंस जो गर्भाशय दीवार में, वो कौन से केमिकल के कारण हो रहे हैं? आंसर है प्लेसेंटा से निकलने वाले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फुली डेवलप्ड फीटस के शरीर से निकलने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा से। तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल प्रोस्टाग्लैंडिन फीटस से निकल रहा है और प्लेसेंटा से निकल रहा है CRH, इन दोनों के कारण ये कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से, लेकिन ये बिल्कुल जब एंड टाइम आ जाता है, जब बिल्कुल बच्चा पैदा होने वाला होता है उसी समय निकलता है। तो उसी के आसपास रिलैक्सिन भी निकलता है, आपने नाम सुना होगा रिलैक्सिन हार्मोन, वो भी उसी समय निकलता है। तो ये रिलैक्सिन हुआ, CRH हुआ, ये कुछ ऐसे हार्मोन है जो प्लेसेंटा बिल्कुल एंड में निकालेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए कि भाई LH हार्मोन जो है वो नहीं निकलेगा प्लेसेंटा से, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द हार्मोन्स विच आर एक्चुअली द पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो जो भी हार्मोन पिट्यूटरी वाले हैं उनसे रिलेटेड है LH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लीवेज डिविजन्स आर ऑब्जर्व्ड इन, विजन प्रदर्शित किसमें होते हैं? देखिए क्लीवेज जो होता है उसका मतलब है माइटोटिक डिविजन्स, समसूत्री विभाजन। तो ये माइटोसिस को आप क्लीवेज क्यों कहते हो या कब कहते हो? जब ये जायगोट में होते हैं, जायगोट में होंगे या भ्रूण एम्ब्रियो में होंगे। तो एम्ब्रियो या जायगोट में अगर कोई डिविजन चल रहे हैं तो आप कह सकते हो ये है क्लीवेज। पर क्या क्लीवेज केवल जायगोट में ही होते हैं? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी अंडे को केवल सुई चुभोएं, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडा है, सुई चुभोएं और उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस की परिभाषा है या उसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एन एग, अंड से बिना निषेचन के भ्रूण का बनना। अब ये एम्ब्रियो बनेगा कैसे? डिवीजन होगा तभी तो बनेगा। तो ये याद रखो, एक एग चाहे वो फर्टिलाइज हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, वो क्लीवेज दिखा सकता है। तो जो क्लीवेज बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं यानी हैप्लॉइड एग में होते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित में, उनको आप कहते हो पार्थेनोजेनेटिक क्लीवेज। तो ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइज एग में अकेले होते हैं? नहीं, केवल आप अनफर्टिलाइज एग में होते हैं, केवल अनिषेचित अंडों में? नहीं, ये तो दोनों में हो सकते हैं ना। तो हमारा आंसर बोथ 1 एंड 2, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ओनली मैमेलियन एग का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैमल में भी होंगे, एम्फीबिया में भी होंगे, रेप्टाइल में भी होंगे, बर्ड्स में भी होंगे, ये तो हर एक एग में होंगे। तो इस हिसाब से बोथ 1 एंड 2 ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर हाईएस्ट ड्यूरिंग, गर्भाधान की सर्वाधिक अवसर इसके दौरान होते हैं, यानी प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन कब आप एक्सपेक्ट करते हो कि होना चाहिए? पहला है लैक्टेशन पीरियड, यानी जब दूध बन रहा हो माता में, तो जब मदर के अंदर दूध बन रहा है उस समय। दूसरा मेंसेस, यानी जब ब्लीडिंग चल रही है, यानी आपको पता है कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें शुरू के 5 दिन जो होते हैं वो ब्लीडिंग वाले दिन माने जाते हैं, उनको उसको कहते हैं मेंसेस। जो ब्लीडिंग होती है उसे मेंसेस बुलाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस या रज श्राव, उस दौरान क्या सबसे ज्यादा चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के? या फिर अर्ली ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल प्रावस्था के बिल्कुल शुरू में होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस, और अंत में है लेट ल्यूटियल फेज यानी ल्यूटियल प्रावस्था के अंत में। तो सीधी बात है, ल्यूटियल शब्द कॉर्पस ल्यूटियम के कारण आया है, और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग, जब अंडाणु बाहर ग्रेफियन फॉलिकल के बाहर निकल के आ जाएगा तब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तब कॉर्पस ल्यूटियम वाली ल्यूटियल फेज शुरू होगी। तो अंडाणु बाहर आ चुका है, एग ओवरी के बाहर आ गया है और अब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है और ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गई। अब आप देखो ये अंडाणु, ये एग जो निकल के आया है,
ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, 12 से 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है ल्यूटियल फेज जब शुरू होती है उसके अर्ली यानी शुरुआत में ही, यानी मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस, कॉन्सेप्शन का मतलब है प्रेग्नेंट होना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं? अर्ली ल्यूटियल फेज में, क्योंकि ये ल्यूटियल फेज अर्ली यानी शुरुआती आरंभ की, इसका अर्थ है कि अभी अभी ओव्यूलेशन हुआ है, अभी अभी एग निकला है ओवरी से, और वो एग अब फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और अगले 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसमें आंसर आना चाहिए अर्ली ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डायरेक्टली अफेक्ट स्पर्म मोर्टेलिटी, निम्न में से एक गर्भनिरोधक उपाय प्रत्यक्ष रूप से शुक्राणु गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। अब इसमें से आप देख लीजिए कि शुक्राणु को प्रभावित करना, शुक्राणु के चलने को, तो शुक्राणु के चलने को प्रभावित करने में सबसे पहले कंडोम का प्रयोग, तो कंडोम तो शुक्राणु को रोकेगा, उसके चलने पर असर नहीं डालेगा, वो उसको केवल रोक रहा है। तो रोकने वाली चीज चलने पे असर कहां डालती है? ये तो हमने कहा ही नहीं, वो तो रोक रही है, चल तो वो अभी भी सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ आईयूडी हैविंग कॉपर वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो कॉपर वायर से कॉपर आयन निकलेंगे ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं, ये इसकी मोर्टैलिटी को सप्रेस करते हैं, ये वर्ड्स हमारे एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। तो इसका मतलब वो धीमे धीमे चलने लगेंगे कॉपर आयन के कारण। तो एक तो ये हो गया। यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेली, शुक्राणु नाशक क्रीम और जेली का प्रयोग, बिल्कुल सही है। शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली अगर लगाते हैं या रखते हैं और उस स्पर्म उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने लगती है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने या खराब होने लगेगी, बाहर से पानी अंदर आने लगेगा, स्पर्म जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनका चलना धीमा होगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पर्म मोर्टेलिटी पे असर तो डाल रहा है स्पर्मिसाइडल क्रीम, यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, 2 और 3 दोनों सही है, ये बिल्कुल सही है। तो हम स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज करें स्पर्म को मारने वाली या कॉपर आयन को निकालने वाले आईयूडी का, दोनों में ही स्पर्म मोर्टेलिटी प्रभावित होती है, उसकी गतिशीलता प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ओव्यूलेशन अकर्स इन रेस्पॉन्स टू, ओव्यूलेशन किसके कारण होता है? तो भाई सीधी सीधी बात है, ओव्यूलेशन के लिए एक हार्मोन याद रखो। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 28 दिन का जो चक्र है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बिल्कुल बीच में 14वें दिन होता है, 14th डे। तो 14वें दिन आप देखोगे ओव्यूलेशन हो रहा है, उस समय कौन से हार्मोन ज्यादा बढ़ गए हैं? तो आपको एक लाइन बहुत साफ साफ एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में। ये देखिए, ये वाला जो पेज है जिसपे ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम को देखो, ये वाला जो डायग्राम बना दिख रहा है, इसके साइड में एक लाइन लिखी है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूसिंग रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये वाली लाइन हमारी साफ साफ लिखी हुई है इसमें, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। इसमें लिखा हुआ है कि 14वें दिन के पास आते आते LH और FSH दोनों बढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे वाली लाइन में लिखा है कि LH के अचानक बढ़ने से ग्रेफियन फॉलिकल ग्रेफियन पुटक फूट जाता है और अंडाणु बाहर आ जाता है एक बार, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। तो भाई सीधी बात है, क्वेश्चन है अंडो उत्सर्ग किसकी प्रतिक्रिया है? क्या डिक्लाइन इन FSH क्या कम हो जाता है? तो नहीं, हमारी एनसीईआरटी तो वही कह रही है कि FSH और LH दोनों ही 14th डे के पास में आके बढ़ते हैं, तो डिक्लाइन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ये फिर देखो डिक्लाइन इन LH, ये भी गलत हो गया, डिक्लाइन इन बोथ, डिक्लाइन शब्द ही गलत है, यहां पर कमी नहीं हो रही FSH LH की, दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइन के हिसाब से जो एनसीईआरटी में लिखा है उसमें साफ लिखा है LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब है अचानक LH का बढ़ना। तो 14वें दिन तक तो वो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था, 14वें दिन के पास आता एकदम बढ़ गया। तो ये चीज हमको बहुत साफ इस वाले डायग्राम में दिख रही है। आप ये वाली चीज देखो ब्लू कलर से, एकदम ब्लू कलर की लाइन सीधी आ रही थी, अचानक ऊपर चढ़ गई।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एलएच सर्ज इज रेस्पॉन्सिबल एज पर एनसीईआरटी बुक। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये सडन राइज इन एलएच जो लिखा है ये सबसे बेस्ट है, इसको एलएच सर्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोड्यूस इन मेमोरी ग्लैंड से सक्ड आउट फ्रॉम, स्तन ग्रंथियों में उत्पादित दूध किस भाग से चूषण द्वारा मुक्त होता है, यानी चूषण द्वारा चूसने के द्वारा किस हिस्से से बच्चा उसको चूसेगा या निकालेगा। तो सीधी बात है कि यहां पर मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों में, ये चित्र देख रहे हो आप एनसीईआरटी का यहां पर, इसके बारे में सारी बात यहां छोटे से जगह समझाई गई है और इसमें बहुत साफ लिखा हुआ है सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू, अब देखो ये बोल्ड या बड़े बड़े उसमें लिखा है, लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, सकिंग का मतलब होता है चूसना, तो लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, यानी लैक्टिफेरस डक्ट वो चीज होती है, वो लास्ट वाला हिस्सा होता है जिसमें से दूध को चूसा जाता है। तो ये जो है लैक्टिफेरस डक्ट, इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा साफ नजर आ रहा है, बाकी मेमोरी एम्पुला, ये मेमोरी एम्पुला मिलकर आपस में ये बनते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी एम्पुला कई सारे आपस में मिल जाते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, और ये मेमोरी लोब जो होते हैं ये ऑलमोस्ट 15 से 20 होते हैं हर एक ब्रेस्ट के अंदर, ये हर फीमेल में लगभग कॉमन बात है। मिल्क एल्वियोलाय, ये मेमोरी लोब के अंदर मिल्क एल्वियोलाय यानी क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स मिलते हैं, पर इनका कोई रिलेशन नहीं है, दूध को चूसा जब जाता है तो वो तो इस वाले हिस्से से निकलता है लैक्टिफेरस डक्ट से। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से ध्यान रखना ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, गलत बात कौन सी है, गलत कथन को पहचान। अब सबसे पहला देखते हैं, इन ऊजेनेसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओव्यूलेशन, अब देखो जरा यहां पे क्या लिखा है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लिख रहे हैं, आप खुद सोच के बताओ क्या मियोसिस पहले ही हो जाता है। अगर मैं यहां पर एक ये देखिए, ये 2N एग है और इसको हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, ये प्राइमरी ऊसाइट है, 2N है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, ध्यान रखना। अब ये बटेगा किससे बटेगा, मियोसिस फर्स्ट से, मियोसिस फर्स्ट क्या बनेगा, एक बड़ा और एक छोटा सेल, बड़ा सेल जो है उसको कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है ये एन है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो बना ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है 23 क्रोमोसोम पर। तो ये जो चीज आप यहां देख रहे हो ये सब किसके अंदर घटित हो रहा है, ये सब चीज चल रही है ओवरी के अंदर, ओवरी में, और यहां पे मैं बता दूं कि ये फिर बाहर निकल के आएगा ओव्यूलेशन, ये बाहर आएगा आउटसाइड ओवरी, और कहां पहुंच जाएगा उसके बाद, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, और यहां पर ये सेकेंडरी ओसाइट अगर स्पर्म इसको पंक्चर करेगा या स्पर्म इसको भेदेगा तब जाके ये अपनी मियोसिस सेकंड पूरी कर पाएगा। तो ओव्यूलेशन कब हुआ, मियोसिस फर्स्ट पहले हो गई उसके बाद दिख रहा है ओव्यूलेशन होता हुआ आपको, ये जो पहला लिखा है ना इन ऊजेनेसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ये गलत है, आफ्टर ओव्यूलेशन तो मियोसिस सेकंड होता है, और वो भी तब जब स्पर्म इस सेकेंडरी ऊसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छेदेगा तब होगा। तो इसका मतलब ये पहला ही गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा और पहला ही हमारा आंसर साफ नजर आ रहा है, पर फिर भी देख लेते हैं भाई बाकी क्या सही है या बाकी भी गलत है। इन ऊजेनेसिस सेकंड मियोटिक डिवीजन अकर्स ओनली इन फेलोपियन ट्यूब, देखो अब सेकंड मियोटिक डिवीजन फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये सही बात है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, अब जाके आप देखोगे कि ये होगा दो हिस्सों में बटेगा, एक छोटा एक बड़ा, ये बड़ा वाला है ओवम, ये छोटा है सेकंड पोलर बॉडी, ये हो गया मियोसिस सेकंड,
लेकिन मियोसिस सेकंड कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद जो लिखा ये सही लिखा है। तो अंड जनन प्रक्रिया में अर्धसूत्र विभाजन सेकंड केवल फैलोपियन नलिका में ही होता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, फर्स्ट पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट न्यूजेनेसिस, यानी अंड जनन प्रक्रिया में अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट ये दिख रहा है के पश्चात प्रथम ध्रुवीय काय बनती है, बिल्कुल सही, ये रही पहली ध्रुवीय काय, ये बनी हुई है फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी है, सही है ये बात भी। अंत में ओव्यूलेशन अकर्स इन सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज, ओव्यूलेशन जो होता है वो सेकेंडरी ऊसाइट बन की अवस्था में होता है, सही है, सेकेंडरी ऊसाइट ये ओव्यूलेशन हो गया, बिल्कुल सही, यानी आपके 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, 1 ही गलत है, गलत ही पूछा गया था, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डीएनए कंटेंट ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी इज 2pg फाइंड द डीएनए कंटेंट ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट, अगर प्रथम ध्रुवीय काय की डीएनए मात्रा 2pg है तो बताएं सेकेंडरी ऊसाइट या द्वितीय ऊसाइट की डीएनए मात्रा कितनी है। तो ये फिर से वही बात है, आपको मान के चलना है ये प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, ये कैसा होता है 2n होता है, लेकिन अभी हमें केवल डीएनए की बात करनी है, हमें नहीं पता अभी इसमें कितना डीएनए, हमें तो एक बात बताई गई है और वो बताई गई है कि फर्स्ट पोलर बॉडी और ये दो सेल जो बने हैं इसमें ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, और ये क्या है सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, यहां क्या हुआ है, यहां पे हुआ है मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ये एन और ये एन दो सेल्स बन गई, दोनों अनइवन उसकी हैं साइज की, एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन आप अगर देखोगे दोनों एन एन है, यानी डीएनए दोनों में बराबर बट गया है, केवल साइटोप्लाज्म दोनों में अनइक्वल बटा है, तो दोनों एन एन है और इसमें क्वेश्चन में लिखा है अगर फर्स्ट ध्रुवीय काय यानी इसमें डीएनए मात्रा 2pg के बराबर है, तो डीएनए अगर इसमें 2pg है और मैं कह रहा हूं दोनों में डीएनए बराबर बटा है तो इसमें भी तो 2pg होगा, इसमें भी 2pg, पीजी मतलब पिकोग्राम, तो 2 पिकोग्राम एक काल्पनिक हम यहां ले रहे हैं कि 2 पिकोग्राम अगर इसमें तो 2 इसमें भी होगा भाई, क्योंकि दोनों में डीएनए या क्रोमोसोम तो बराबर बटे हैं, मियोसिस फर्स्ट में यही तो होता है कि जो भी क्रोमोसोम है या जो भी डीएनए है वो दो में बराबर बराबर आधा आधा बढ़ जाता है, तो ये चीज यहां पर भी है, इसमें 2pg है तो इसमें भी 2pg होगा, डेफिनेटली हमारा आंसर ये है, यहां पर जरूर 4pg होगा, एक आइडिया में लग रहा है 4pg डीएनए दो हिस्सों में इस तरह मिल गया, एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया आधा, तो यहां 4pg रहा होगा तभी इसको 2pg मिला और इसको भी 2pg मिलेगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2pg जो है वो तो एक काल्पनिक हमने लिया हुआ है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें डीएनए इक्वल बटता है, जो जितना इसके पास होगा उतना इसके पास होगा, हाँ साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्म कम है, इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइना ऑफ फीमेल इज इंक्लूडेड इन, स्त्रियों की योनि किसमें सम्मिलित की जाती है, अब जो वेजाइना है वो किस तरह का पार्ट है, ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, इसको सहायक जनन पथ में शामिल करते हैं, यानी कि जिसमें भी अंडाणु आप देखोगे कि निकलता हुआ जा रहा है वो जिस जिस रास्ते से होके गुजरेगा या तो अंडाणु या भ्रूण, तो वो जो चीज है वो पूरा सहायक पथ में आता है, उसमें फेलोपियन ट्यूब आ जाएगी, उसके अंदर आपका यूट्रस आ जाएगा, उसमें सर्विक्स आ जाएगा, उसमें वेजाइना आ जाएगी, तो इस हिसाब से वो सारा रास्ता जिससे होकर या तो एग या फिर एम्ब्रियो वो सब गुजरता है वो सहायक या एक्सेसरी में आता है। अब इस हिसाब से आप अगर देखें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हो ही नहीं सकता, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो ओवरी होते हैं, अंडाशय, क्योंकि ओवरी दो काम करते हैं, एक तो एग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दूसरा काम इनका है ईस्ट्रोजन जैसा इंपॉर्टेंट हार्मोन निकाल रहे, जिससे कि फीमेल के जितने भी करेक्टर हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो डेवलप हो रहे हैं, तो दो काम कर रहे हैं, इसीलिए ओवरी को प्राइमरी मानेंगे, वेजाइना को नहीं। दूसरा लिखा एक्सेसरी जेनिटल डक्ट, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी में कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेसरी डक्ट में रखा हुआ है, उसमें वेजाइना का भी नाम है। तीसरा दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, इन तरह की चीजें आती हैं। तो इसमें वेजाइना का नाम तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्राइमरी तो है ही नहीं। इस आधार पर हमारा आंसर एक्सेसरी जेनाइटल डक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिचुएटेड, मेल या नर में प्रोस्टेट ग्रंथि कहां बैठी है। अब भाई ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से देखना है। आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं प्रोस्टेट को उन्होंने कहां दिखाया, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे। देखो जरा ध्यान से, ये यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, इसके ठीक नीचे प्रोस्टेट दिखाई, जस्ट नीचे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक नीचे बैठी होती है यूरिनरी ब्लैडर के, जैसे कि हमको यहां पे दिख रहा है। इसकी संख्या एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अकेली एक है, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, नीचे उसके प्रोस्टेट। और यह भी मैं बता दूं कि यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकल रही है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्र नलिका, वो इस प्रोस्टेट के बीच में से होके जा रही है, प्रोस्टेट के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हुई ऐसे जा रही है। तो ये बात है, ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, उससे आपको आंसर आराम से पता चलेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है। बिलो द यूरिनरी ब्लैडर बढ़िया है, बिहाइंड तो है नहीं सेमिनल वेसिकल के, बिलो द टेस्टिस भी नहीं है, अबव द यूरिनरी ब्लैडर हो ही नहीं सकता। सो आवर आंसर शुड बी कि पहला ही होना चाहिए, मूत्राशय के नीचे, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीमेल वुल्वा और वेस्टिब्यूल हैज, मादा में भाग या वुल्वा में क्या स्थित होता है। अब देखिए, भाग या वुल्वा वो होता है जहां पर योनि द्वार होता है, यानी वेजाइनल ओरिफाइस। तो वेजाइनल ओरिफाइस जहां पर है वहां पर आपको क्या और मिलेगा। तो यहां देखिए ये वाला डायग्राम, एनसीईआरटी के इस डायग्राम में वेजाइनल ओरिफाइस यानी कि योनि द्वार यहां दिखाया गया है। ये लिखा हुआ है वेजाइनल ओरिफाइस, ये देखो, ये वेजाइनल ओरिफाइस जिस जगह खुल रहा है उस जगह को कहते हैं वुल्वा या वेस्टिब्यूल। अब ये वुल्वा या वेस्टिब्यूल में और क्या खुलता है, और क्या चीज आपको दिख सकती है। तो इसमें सबसे पहला दिया है एकल मूत्र नलिका योनि संयुक्त द्वार, यानी जो यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास होती है और जो वेजाइना है जो कि जेनिटल डक्ट है, वो एक ही छेद से उधर खुल रहे, एक ही ओपनिंग है क्या उनकी, या फिर उन दोनों की सेपरेट ओपनिंग है। तो यहां पर डायग्राम की हेल्प लेंगे, ये वाले डायग्राम की, और यहां देखेंगे कि इसमें इन्होंने यूरेथ्रा अलग दिखाया। ये देखिए लिखा है यूरेथ्रा, ये अलग खुल रहा है, और ये है वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइना अलग, यानी यूरेथ्रा आगे की ओर, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग पीछे की ओर, ये दोनों ओपनिंग सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग दो ओरिफाइस यानी द्वार से बाहर वो वुल्वा में खुल रहे हैं। उस हिसाब से मूत्र नलिका और योनि के पृथक द्वार, सेपरेट यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओरिफाइस, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और ओनली यूरेथ्रल ओरिफाइस, ओनली वेजाइनल ओरिफाइस सही नहीं है, हमारा आंसर होना चाहिए सेपरेट। तो सेकंड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी हैव फॉलोइंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, पॉजिटिव फीडबैक दैट इज स्टिमुलेशन, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, इनिशियली पॉजिटिव बट लेटर ऑन नेगेटिव। गर्भाशय भित्ति में संकुचन और मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के श्रावण के मध्य परस्पर संबंध होता है। धनात्मक पुनर्भरण, ऋणात्मक पुनर्भरण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, आरंभ में धनात्मक बाद में ऋणात्मक। देखो सीधी बात यह है कि किस तरह से बेबी बाहर आता है उसके लिए कौन से प्रेरण होते हैं, कौन से स्टिमुलेशन होते हैं, बात उसकी है। एक तरफ लिखेंगे हम यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन यानी गर्भाशय की भित्ति में संकुचन, और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन का स्राव। अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीटोसिन और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है, इसमें शुरुआत हमेशा होती है यूट्रस के हल्के हल्के कॉन्ट्रेक्शन से, बिल्कुल हल्के हल्के कॉन्ट्रेक्शन शुरू होते हैं। हल्के कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं FER, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वो क्यों होते हैं, क्योंकि
फीटस के शरीर से, यानी जो पूरा बन चुका है भ्रूण, पूरा विकसित हो चुका है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके शरीर से एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 alpha, और प्लेजेंटा भी उसी समय निकालने लगता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इन दोनों केमिकल्स के कारण यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार में हल्के हल्के मंद मंद माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं जिनको कहते हैं FER। और अगर ये हल्के हल्के हैं तो ये मदर की पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी पे असर डालेंगे और उससे थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन निकलवाएंगे। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इसे प्रमोट कर रहा है, प्लस का साइन लगा रहा हूं यानी प्रमोशन, ठीक है, तो प्रमोट कर रहा है। ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव साइन बढ़ा रहा है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा तेज हो गए तो वो इस पे और ज्यादा असर डालेंगे, पॉजिटिव। अगर ये ज्यादा निकला तो ये और ज्यादा इसे बढ़ाएगा, इससे क्या होगा अंत में, बेबी कम्स आउट, बेबी इज डिलीवर्ड, बेबी डिलीवरी हो जाएगी, बेबी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, पॉजिटिव असर डाल रहे हैं। कॉन्ट्रेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा निकलता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन भी उतना ज्यादा हो जाता है, एक दूसरे पर चलते हैं, इसको पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं आप। और ये पॉजिटिव फीडबैक लूप का अंतिम परिणाम होता है, अंतिम रिजल्ट होता है कि बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। तो ये चीज हमको बता रही है कि ये पॉजिटिव फीडबैक वाली बात है, इसमें हो ना हो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, नेगेटिव फीडबैक का कोई मामला बनता ही नहीं है यहां पर, एक दूसरे को ये प्रेरित कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया सीन थ्रू द वेंट्रल फेसेस ऑफ लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा आर। अब लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के अधर तल, अब इसमें अधर पर बस ध्यान दो आप, तो आपको ये पहले तो जानना है कि अधर तल होता क्या है, वेंट्रल फेस। हमेशा याद रखिए, पीठ हमारी डॉर्सल या पृष्ठ होती है, पीठ माने पृष्ठ या डॉर्सल, और हमारा चेहरा ये होता है साइड वेंट्रल, तो हमारा ये वाला हिस्सा पूरा है वेंट्रल यानी कि अधर, तो अधर ही लिखा है यहां पर, ठीक है, अधर तल। तो अगर बाह्य जननांग की बात की जाए फीमेल में, तो अधर तल पे लेबिया माइनोरा के और लेबिया मेजोरा के आप क्या देखते हैं, ये लिखा हुआ, तो आसान है ये चीज। अगर फीमेल का, अगर हम ये वाला पेट वाला हिस्सा ये मान लें, इसको हम क्या बोलेंगे, यह है अधर तल, वेंट्रल, ठीक है, ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल फेस, और फीमेल की ये बैक मान लें, ये फीमेल का बैक पार्ट है, ये पीठ की तरफ है, यानी ये हो गया डॉर्सल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ बनाए, तो यहां पर आपको इसके ठीक अधर वेंट्रल साइड वो चीज मिलती है, इसे कहते हैं क्लिटोरिस, ये है क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, तो क्लिटोरिस यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये क्लिटोरिस है। अब इसके बाद लेबिया मेजोरा बनाता हूं, लेबिया मेजोरा थोड़े बड़े वाले होंठ हैं, ये बड़े वाले होंठ, ये लीजिए, इनको ऐसे ऐसे हम रंग देते हैं, ये बड़े वाले होंठ हैं, इन बड़े वाले होंठ के इस तरफ क्या है, ये है पेड़ू वाला हिस्सा, इसको अपन हिंदी में कहते हैं पेड़ू, नाभि के नीचे, टुंडी के नीचे, ये वाला हिस्सा कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। तो लेबिया मेजोरा के वेंट्रल में मॉन्स प्यूबिस, और ये जो है लेबिया माइनोरा के वेंट्रल में क्लिटोरिस या क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को हिंदी में भक्षिष्ण कहते हैं। तो ये चीज लेबिया माइनोरा पहले लिखा है, लेबिया मेजोरा बाद में लिखा है, तो लेबिया माइनोरा के पहले यहां पर जो क्लिटोरिस मिल रहा है उसकी बात पहले करो, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस की करो, तो इसका मतलब सीधी बात है क्लिटोरिस पहले आना चाहिए, मॉन्स प्यूबिस बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसी क्रम में ये दो बातें लिखी हुई हैं, तो इस हिसाब से क्लिटोरिस पहले आना चाहिए, मॉन्स प्यूबिस बाद में आना चाहिए, हमारा आंसर होगा क्लिटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस, ये हमारा आंसर है। तो ये आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि वेंट्रल साइड कौन सी होती है, और वेंट्रल साइड इन दोनों के लिए, यानी कि सबसे पहले लेबिया माइनोरा के वेंट्रल में क्या मिल रहा है और लेबिया मेजोरा के वेंट्रल में क्या मिल रहा है, बस उसको देखना है आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स आल्सो इज आर. गर्भ निरोधक उपकरण जो उपयोगकर्ता को एड्स से भी सुरक्षा देते हैं. अब ये चीज हमारी एनसीईआरटी ने बहुत साफ लिखी है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो कि एड्स से भी सुरक्षा व्यक्ति को देंगे. तो एड्स से सुरक्षा के लिए ये देखिए यहां पर बहुत साफ लाइन लिखी हुई है कि जो कॉन्डम कंडोम है, अब वो चाहे मेल या फीमेल किसी के भी हो, ठीक है, कंडोम आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर, और ये फीमेल के लिए भी होते हैं, जस्ट बिफोर कोइटस फीमेल उसको रख लेती है. अब उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू बेनिफिट लाइक प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई एंड एड्स. तो सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ये जो इन्फेक्शंस और एड्स जैसे हैं, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं कॉन्डम्स. और ये कॉन्डम जो हैं, ये फीमेल वाले कॉन्डम भी तो हैं जिनको फेमिडोम कहते हैं. तो ये जो है हमारी एनसीईआरटी में साफ लिखा है, इसमें कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स ये दोनों ही आएंगे. इसका मतलब हमारा आंसर होगा बोथ वन एंड टू. तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब ले सकते हैं. एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को इजीली हम इसमें से देखकर लाइन बाय लाइन पहचान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप इन फीमेल बिकॉज ऑफ. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हार्मोन के कारण डेवलप होता है, फीमेल की फीमेलनेस क्यों है, उसमें जो फेमिनिज्म है, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, वो किस पर्टिकुलर हार्मोन के कारण है. तो ये वाली चीज 11th में आपने पढ़ ली है. 11th में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में जितने हार्मोन्स की बात की थी, उन हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन इनकी बात की थी. ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल को फीमेलनेस देता है, तो फीमेल को फीमेलनेस देने का काम ईस्ट्रोजन का होता है. ये वाली चीज ध्यान रखिएगा. इसमें एंड्रोजन तो आ नहीं सकता, वो तो मेल वाला हार्मोन है, एब्सेंस ऑफ एंड्रोजन से कोई मतलब नहीं है. एंड्रोजन अगर नहीं भी है तो उससे फीमेलनेस आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है, और एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन तो गलत ही हो गया. इस हिसाब से हमारा आंसर ईस्ट्रोजन बेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड विद इन स्क्रॉटम, दिस इज नेसेसरी एज. अब ये क्वेश्चन जो है कि वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं, बताओ क्यों. तो हम सबको पता है कि ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश है, और उनमें अगर टेस्टिस बैठे हुए हैं तो इसका सीधा मतलब है टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तभी हो सकती है जब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो. इस हिसाब से पहली बात, द स्क्रॉटम कैन कंटेन लॉन्ग डक्ट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म. वृषण कोश में शुक्राणु के परिवहन के लिए लंबी वाहिकाएं होती हैं, ये तो बेकार बात हो गई. स्क्रॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी ने ये बात बहुत साफ लिखी है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए टेम्परेचर. वृषण कोश शुक्राणुजन प्रक्रिया के लिए जरूरी तापमान को कायम रखने में सहायक होते हैं. ये सेकंड सबसे बढ़िया लग रहा है. अब अगर स्क्रॉटम रिड्यूस द प्रेशर देखें तो इसकी भी कोई बात नहीं है कि स्क्रॉटम के कारण टेस्टिस पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और स्क्रॉटम कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पर्म्स, तो भाई स्पर्म स्टोर करने के लिए तो एपिडिडाइमिस जैसी जगह है, वहीं पे स्टोर होते हैं वो. और ये जो स्क्रॉटम है उनके अंदर कोई ऐसा नहीं कि स्पर्म भरे रहते हो, ऐसा नहीं है. तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बेस्ट है. नेक्स्ट लेंगे, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिका जो होती है अंदर की तरफ किससे लाइंड होती है, तो शुक्रजनक नलिका के अगर काट को हम देखें, जैसे ये मान लीजिए शुक्रजनक नलिका का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होंगी जो कि क्यूबॉइडल क्यूब जैसी होती हैं, आपको पता है ऐसी इस तरह की, ये देखिए. पर कुछ सेल्स अलग भी तो होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे भी तो होते हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, ये देखो इनको क्या कहते हैं, सर्टोलाई सेल्स. तो शुक्रजनन नलिका के अंदर ये जो रेड कलर की सेल्स थी, इन सेल्स को तो बोल दो स्पर्मेटोगोनिया. ये स्पर्मेटोगोनिया है भाई, ठीक है, ये हैं स्पर्मेटोगोनिया. और ये जो हैं
ब्लैक वाली, ये है सर्टोलाई। ये दोनों ही सेल्स के बेस, आधार, बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना पर टिके हुए रहते हैं। तो ये सर्टोलाई सेल भी यहाँ टिकी हुई है और स्पर्मेटोगोनिया भी यहाँ टिकी हुई है। हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे डायग्राम इसके नहीं दिए हुए हैं, जिससे हम देखकर ये वाली बात पहचान सकें कि सर्टोलाई सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होती है। ये बहुत साफ डायग्राम वहां नहीं दिया हुआ है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि अंदर वाले लेवल पर ये दोनों तरह की सेल्स हैं। सर्टोलाई सेल जो कि कॉलमनर या ऊंची ऊंची खंबे के नुमा है, और दूसरी वाली सेल्स जो कि क्यूब के आकृति यानी घन की आकृति की है, और वो स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोलाई सेल, एक और तीन दोनों। तो स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोलाई है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा बोथ वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग सेल्स या लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल को अंतराली कोशिका भी कहते हैं, ये कहां बैठे हैं? तो ये तो हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया गया है कि शुक्र जनक नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो कुछ भी होता है उसमें ये वाली सेल्स बैठी हुई दिखाई देती हैं, जिनको आप लीडिंग सेल्स कहते हो। और काम क्या करती हैं, ये भी एनसीईआरटी ने साफ लिखा है, एंड्रोजन्स को निकालती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन को। तो साफ है इसमें दे आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो गलत हो गया। शुक्रजनक नलिका के अंदर नहीं है लीडिंग सेल, अभी अभी डायग्राम में हमने देखा था, ये तो शुक्रजनक नलिका के अंदर तो केवल सर्टोलाई सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया है। दूसरा प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर से गलत हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो लीडिंग सेल्स थे ही नहीं। प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सिक्रीट एंड्रोजन, ये सबसे बढ़िया है, एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरॉन को निकालने का काम ये करेंगी, और ये शुक्रजनक नलिका के बाहर जो कोई स्पेस है, जो कोई ऊतक है वहां बैठी होंगी, उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा लिखा है प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड हेल्प इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म मैच्यूरेशन के लिए जरूरी नहीं है, स्पर्म मैच्यूरेशन जो होता है वो प्रोसेस आप ऐसा समझो स्पर्मियोजेनेसिस जब होता है, इसमें आपके FSH हार्मोन और सर्टोलाई सेल्स हेल्प करते हैं, उसमें एंड्रोजन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। उसमें तो सर्टोलाई सेल हेल्प करते हैं, इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बने, तो FSH और सर्टोलाई इनसे होता है काम। इस हिसाब से थर्ड आंसर बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, यानी कि सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनसे निकलने वाला जो भी फ्लूइड है उसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। वो किस में रिच होता है, उसमें क्या चीज ज्यादा होती है? तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे एनसीईआरटी ने साफ लिखा है उसमें फ्रक्टोज होता है, उसमें कैल्शियम होता है, और वो कई एंजाइम्स वाला भी होता है। तो इस हिसाब से सुक्रोज कैल्शियम एंजाइम गलत हो गया, ग्लूकोज सोडियम सर्टेन एंजाइम सही नहीं है, एनसीईआरटी तो ये कह रही है फ्रक्टोज कैल्शियम सर्टेन एंजाइम ये वाला। तो ये वाली चीज सबसे बेस्ट है और यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि ओवरी या अंडाशय जुड़े हुए रहते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय से और हमारी बॉडी वॉल से, किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो हमारे बुक में साफ लिखा है लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, स्नायुओं के द्वारा। तो यहां पर चार ऑप्शन में पेरिटोनियम, एडिपोस टिश्यू, लिगामेंट और एरियोलर टिश्यू, इसमें डायरेक्ट आंसर होना चाहिए लिगामेंट। इसका कारण है एनसीईआरटी ने बिल्कुल साफ लाइन टू लाइन ये वाली बात लिखकर दी है। तो लिगामेंट ही है जो ओवरी को अपनी जगह पर रोक के रखते हैं, क्योंकि उसको यूट्राइन वॉल यानी गर्भाशय दीवार और हमारे शरीर के ये जो बाहर का ये जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं बॉडी वॉल, इसके ठीक पीछे की सरफेस से ले जाकर लिगामेंट जोड़ता है ओवरी को। तो ये हमारा आंसर होगा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अब देखो यहां पर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म, याद रखो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप उसे क्या बुलाते हैं? तो ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा है, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये चीज
आप चाहो तो इस चीज को मैं यहां पर साफ साफ लिखा दिखा देता हूं, बड़ा बोल्ड करके बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, आप देखिए ये वाला, यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। ये डायग्राम देखना, आपके बुक में डायग्राम जहां पर है उसके आसपास कहीं ये चीज आपको मिल जाएगी कि यह द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद यह भी लिख दिया है क्या कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद द स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोलाई सेल। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म अपना सिर सर्टोली सेल्स में घुसा लेता है और उसमें से खाना लेता रहता है, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और फिर जब वो खाप चुका होता है पेट भर, तो अपना सिर वो बाहर निकालता है, सर्टोली सेल से बाहर आ जाता है। तो सर्टोलाई सेल से बाहर आते ही हम उसको कहते हैं ये तो स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर स्पर्मिएशन तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्पर्म जब अपना सिर बाहर निकालेगा उसको कहेंगे, जब वो सर्टोलाई सेल में से बाहर निकलकर फ्री होकर उसमें से आ जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, तब कहोगे स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन हो नहीं सकता, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी नहीं हो सकता, स्पर्मियोजेनेसिस हो सकता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस बहुत साफ लिखा है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। स्पर्मेटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तो होता है नष्ट होना, खत्म होना, पचना, तो ये तो हो नहीं सकता। हमारा आंसर है स्पर्मियोजेनेसिस एज पर एनसीईआरटी बहुत साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिलीज ऑफ स्पर्म फॉर सर्टोलाई सेल्स इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। लीजिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पर ही आ गया, इसे स्पर्मिएशन कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से डायरेक्ट स्पर्मिएशन ये पहला आंसर हमारा हो गया। इसमें एमिशन यानी बाहर निकलना, पतित स्खलन ये कुछ नहीं होगा, स्खलन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, स्पर्मिएशन डायरेक्ट हमारा आंसर है। हाँ, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि सीमेन बाहर जाने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाए, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर सीमेन पहुंच जाता है किसी कारण से, उसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं, पर इससे अभी कोई मतलब नहीं है। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पर्म रिलीज हो जाते हैं जब सर्टोलाई सेल से अपना सिर बाहर निकाल लेते हैं और ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, तब आप उसको कहते हैं स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कॉजेस द स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स। निम्न में से क्या यौवनावस्था के आरंभ होने पर नरों में शुक्र जनन प्रक्रिया शुरू करता है। तो इनमें से क्या चीज ऐसी है जो कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया शुरू करती है, एनसीईआरटी फिर निकाल लो। ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पहली लाइन इसके ठीक नीचे ही लिखी हुई है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। This, if you recall, is a hypothalamic hormone. अगर आपको याद हो तो यह hypothalamic hormone GnRH है, तो जैसे ही मेल में प्यूबर्टी आती है तो GnRH एकदम बढ़ जाता है और उस कारण से ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्ट हो जाती है। ये बात यहाँ साफ लिखी है एनसीईआरटी में। इस हिसाब से हमारा आंसर इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बाय टेस्टिस, ये तो हो नहीं सकता, इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ GnRH बाय हाइपोथैलेमस, ये हो गया भाई। एक बार में एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। तीसरा डिक्रीज इन, डिक्रीज का कोई मतलब ही नहीं है एंड्रोजन से, डिक्रीज का कोई मतलब नहीं है, ये इंक्रीज है सिक्रीशन ऑफ GnRH, ये लिया गया है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो ये क्वेश्चन इजी है, अगले पे आते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म इन इजैकुलेट मस्ट शो विग्रस मोर्टैलिटी। अगर निषेचन अच्छे से होना है, सफल करना है, तो जितने स्खलित हुए शुक्राणु उसका कितना प्रतिशत तीव्र चालन क्षमता वाला होना चाहिए, बहुत तेजी से चलते दिखने चाहिए। तो यहां पर भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप अगर इसको देखोगे तो यहां पर यह चीज साफ लिखी हुई है कि 60% का रूप संरचना नॉर्मल होनी चाहिए और 40% तीव्र चालन क्षमता दिखाने वाले होने चाहिए, ये लिखा हुआ है यहां पर, 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोर्टैलिटी। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, सो आर आंसर शुड बी 40%, ये 40% हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिविजन ऑफ प्राइमरी ओसाइट रिजल्ट्स इन।
अगर प्राथमिक ओसाइट डिवाइड हो रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तो सीधी बात है, प्राथमिक ओसाइट या प्राइमरी ओसाइट मैंने आपको बताया था ये 2N46 क्रोमोसोम वाला है, और इसका जब डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगे, एक बड़ा और एक बिल्कुल छोटा सा। इन दोनों के पास N23 N23, इस तरह से आपको हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये मिलेंगे। तो दोनों में हैप्लॉइड आपको मिलेगा, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड होंगे, लेकिन इनका आकार, इनका साइज अनइक्वल होगा। तो सबसे पहले लिखा है इक्वल साइज, ये गलत हो गया, इक्वल साइज तो होता ही नहीं है। दूसरा टू अनइक्वल, थ्री में भी अनइक्वल, फोर में भी अनइक्वल, तो चलो 2, 3, 4 में से हमारा कोई आंसर होना चाहिए। आई स्मॉलर हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, तो भैया ये सेकेंडरी ओसाइट स्मॉल कहां है, ये तो बड़ा है, पोलर बॉडी है जो कि छोटी है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, स्मॉलर सेकेंडरी ओसाइट नहीं होता, ये गलत हो गया। इसमें लिखा टू अनइक्वल सेल, लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, ये सही लग रहा है। ये देखो ये वाली चीज बिल्कुल सही है, अनइक्वल भी है, लार्जर वाला हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट है और स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, ये बनी हुई दिख रही है, ये सही लग रहा है। और चौथा टू अनइक्वल सेल, लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, ये तो सही लग रहा है, स्मॉलर डिप्लॉइड, ये गलत हो गया। ये देखो पोलर बॉडी डिप्लॉइड नहीं होती, हैप्लॉइड होती है। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए 3। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो भी फेजेस हैं वो कैसे आती हैं, किसके बाद कौन सी आती है। तो आप एक डायग्राम आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जरा इसको भी देख लें भाई, ये दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप नीचे फेजेस लिखी दिख रहे हो, ये जो फेजेस लिखी हैं इसमें सबसे पहली फेज का नाम लिखा है मेंस्ट्रुएशन, तो यहां पर पहली मेंस्ट्रुअल, ये देखो लिखी है, तीन जगह मेंस्ट्रुअल लिख दी है। दूसरा लिखा है फॉलिकुलर, जिसको ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव भी लिखा है, यानी कि फॉलिकुलर फेज को आप प्रोलिफरेटिव भी कहते हो, ये लिखा है सेकंड नंबर पे, तो फॉलिकुलर यहां लिखा है, हाँ फॉलिकुलर इन तीन जगह लिखा है, पर यहां तो हमारा ओव्यूलेटरी लिख गया था, ये तो हम चुन ही नहीं सकते, अब ये दो ही रह गए हमारे चॉइस के। फिर लिखा है सिक्रेटरी और यहां ओव्यूलेटरी, यहां पर देखो इसमें सिक्रेटरी लिखा है, लेकिन ओव्यूलेटरी वाली फेज कहां है, ओव्यूलेटरी फेज के कब आती है, फॉलिकुलर फेज के बाद, यानी फॉलिकुलर फेज जैसे ही खत्म होती है उसी समय ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन। तो ये देखो एक लाइन लंबी सी खींची हुई दिख रही है, ये पतली सी लाइन इन्होंने जो सीधी खींची है वो ठीक 14वें दिन खींची है, और यहां पर इन्होंने लिख दिया ओव्यूलेशन, ये है ओव्यूलेटरी फेज जो कि इस फॉलिकुलर और सिक्रेटरी के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होने चाहिए उसमें पहला आना चाहिए मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल, दूसरा आना चाहिए फॉलिकुलर, तीसरा आना चाहिए ओव्यूलेटरी, क्योंकि फॉलिकुलर खत्म होती है तो ओव्यूलेशन होता है, और फिर चौथा आना चाहिए सिक्रेटरी या ल्यूटियल। तो इस हिसाब से हमारा पहला मेंस्ट्रुअल, दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा सिक्रेटरी, चौथा ओव्यूलेटरी, नहीं ओव्यूलेटरी इधर आना चाहिए जैसा कि सेकंड में लिखा है, ये सही लग रहा है, ये देखो ये बिल्कुल बढ़िया हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, रज चक्र की सभी घटनाएं रुक जाती हैं और कोई रज स्राव नहीं होता है। अब भाई अगर इस चीज को एनसीईआरटी में खोजें तो क्या एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिखा है, तो जरा देख लो ये एनसीईआरटी बुक, ये वही वाला पेज है, ये दिख रहा है आपको, यहां पर मैं वो लाइन पढ़ देता हूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइन टू लाइन देख रहा हूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, साफ वो की वही लाइन लिखी हुई है। तो इसका मतलब जब प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, कोई मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं, और उसका कारण सीधा है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई रहता है, FSH और LH जैसे हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, तो FSH और LH हॉर्मोन्स की कमी के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी रन नहीं कर पाएगी, वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी, एंडोमेट्रियम थिक बनी रहेगी। तो ये जो पहली चीज है ये हमारी एनसीईआरटी बुक की एग्जैक्ट लाइन है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब इसमें बाकी जो लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू तो रहेगी लेकिन मेंस्ट्रुएशन या रजस्राव नहीं होगा, ये बिल्कुल बकवास बात है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो रजस्राव तो होना चाहिए। तो ये वाले 2, 3, 4 इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने बिल्कुल साफ लिख दिया
कि क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सभी रजचक्रीय घटनाएं रुक जाती हैं और कोई रजस्राव नहीं होता है। इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है। अब जरा फिर से एक बार इसी चीज को निकाल लेते हैं और ये देख लीजिए, ये लाइन यहां पर है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। ये देखो, ये लाइन की लाइन एज सच ये क्वेश्चन में है कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम आगे आना चाहिए डीजेनरेट्स। आगे कुछ भी लिखा हमें कोई मतलब नहीं, स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन बट इंक्रीजेस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। अरे भाई, प्रोजेस्टेरोन को रोकेगा तो एस्ट्रोजन को ज्यादा क्यों निकालेगा। दूसरा, स्टॉप सिक्रेशन एस्ट्रोजन इंक्रीज सिक्रेशन, इससे कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बोथ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। जब लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, तो वही चुने। ये देखो चौथे नंबर पर क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। तो आपके एनसीईआरटी की एग्जैक्ट एज सच लाइन उठा के आपको यहां पे मिल रही है। आपने अगर रीडिंग की होगी एक बार में आप आंसर लगा देंगे, दूसरी तरफ देखेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। अबे प्रेगनेंसी के टाइम पे थायरॉक्सिन का क्या होता है, तो सीधी बात है, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो फीमेल के बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हाई हो जाते हैं। ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसके बगल में साफ लिखा हुआ है दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। सेवरल फोल्ड्स, कई गुना मैटरनल ब्लड में बढ़ जाते हैं ये वाले हॉर्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन, साफ लिखा। इस हिसाब से थायरॉक्सिन मात्र रक्त में कई गुना बढ़ जाएगा, लिखा है एनसीईआरटी में। इसमें बाकी कुछ भी किसी काम का नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एज सच हम यहां पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। भ्रूण की पहली गतियां और सिर पर रोमों का देखना सामान्यतः होता है। देखिए, मां के अंदर बच्चा पल रहा है गर्भ में, मां को महसूस होने लगेगा कि अब बच्चा हिल रहा है, पहली गतियां शुरू हो जाएंगी। और हम अगर बच्चे का उस वक्त का डेवलपमेंट देखें तो पता चलता है कि अब बच्चे के सिर पे थोड़े थोड़े बाल भी दिखाई देने लगे हैं। ये वाली चीज कौन से महीने में होती है, तो भाई सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के ये क्वेश्चन है। यहां पर साफ लिखा हुआ है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। पांचवें महीने में ये चीज दिख रही है। तो मेरी गुजारिश है आपसे, कृपया एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ वो थोड़े घूमे हुए होते हैं क्योंकि कई क्वेश्चंस डायग्राम पर होते हैं, तो डायग्राम से रिलेटेड चीजों को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। डायग्राम से क्या कंक्लूजन या इन्फ्रेंस निकल रहा है उसको भी ध्यान से देखें। तो चलिए, ये वाली चीज डायरेक्ट है हमारा आंसर, फिफ्थ मंथ एज पर एनसीईआरटी। Next question, the milk produced during the initial few days of lactation called colostrum is essential for the newborn as colostrum contains. तो सीधी बात है, पहले कुछ दिनों तक प्रसव के बाद जो दूध निकलता है वो गाढ़ा पीला से रंग का होता है, उसे खीस या colostrum कहते हैं, वो नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है। फिर एनसीईआरटी की शरण में आओ तो आपको साफ दिखेगा कि भाई ये जो दूध है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं, देखो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है लैक्टेशन में, जो बच्चे को पूरे जीवन भर उसको इम्यूनिटी देंगी। तो सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट दूध है। इस हिसाब से एंटीबॉडी की बात यहां लिखी हुई है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटी इंफेक्शन एंटीबॉडीज, ये आ गया, ये एंटीबॉडीज की बात आ गई। फैट्स हार्मोन कोई मतलब नहीं, ये हमारा आंसर हो गया एंटी इंफेक्शन एंटीबॉडीज। इसमें जो एंटीबॉडी मिलती है उसका प्रकार होता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप अल्फा, इस तरह की एंटीबॉडीज यहां मिलती हैं दूध में हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज, एक्रोसोम का क्या काम है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत साफ लिखा है कि एक्रोसोम से वो एंजाइम निकलते हैं जो कि एग के अंदर एंटर होने में हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम से वो एंजाइम निकलेंगे जो कि
ऐसे एंजाइम से भरा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है शुक्राणु का चित्र, यहाँ पे स्पर्म का चित्र, यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी एंजाइम यहाँ बैठे हैं, डेफिनेटली ये एंजाइम उसको अंदर जाने में हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं प्रोड्यूस बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तो बेकार है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक उसको न्यूट्रलाइज करने की चीज एक्रोसोम से नहीं निकलती। प्रोपेल द स्पर्म तैरने के लिए शुक्राणु को धकेलने का काम गलत। अगला रिलीज एंजाइम टू ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ एग, एंजाइम को मुक्त करना जो अंडकला को विघटित करता है, ये सही है। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा के ग्राउंड सब्सटेंस यानी हाइल्यूरोनिक एसिड को उसको गलाता हुआ शुक्राणु को आगे बढ़ाता है, यानी आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसको छेदने में, उसको ड्रिल करने में। इसके बाद जोना पेल्यूसिडा के लिए होता है एक्रोसिन, जोना लाइसिन वो फिर अंदर और गला देता है इन जोना लाइसिन इन एंजाइम्स की हेल्प से, शुक्राणु फिर उसको और अंदर चला जाता है। इस तरह का काम एक्रोसोम कर रहा है। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का रूपांतरण है, गोल्जी बॉडी से बनता है। तो ये जो चीज है कि एंजाइम निकालना जिससे एग के अंदर एंटर होने में हेल्प हो, एग मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये चौथा भी गलत है। मेटाबोलाइज द शुगर प्रेजेंट इन सीमेन फॉर एनर्जी, सबसे बेस्ट हमारा आंसर है ये वाला, एंजाइम रिलीज करता है। हाइल्यूरोनिडेज नाम तो आप याद ही रखना, हाइल्यूरोनिडेज इंपॉर्टेंट एंजाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस। तो सेकेंडरी ओसाइट अगर मियोसिस कंप्लीट करेगा तो उसमें क्या होता है? तो भाई ये सेकेंडरी ओसाइट, ये देखिए ये वाला एनसीईआरटी का ये वाला पेज का ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें साफ दिख रहा है सेकेंडरी ओसाइट ये बना हुआ है। ये सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस सेकंड से जब डिवीजन हुआ तो एक तरफ ओवम बन गया, एक तरफ सेकंड पोलर बॉडी बनी दिख रही है, सेकंड पोलर बॉडी बन रही है मियोसिस सेकंड के बाद। तो सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होगा जिससे टू अनइक्वल साइज के सेल बनेंगे जिसमें से एक तो मैच्योर एग यानी ओवम है और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी है। उस हिसाब से अगर देखें व्हाट हैपेंस व्हेन सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस, तो सेकेंडरी ओसाइट में हमेशा कौन सी वाली मियोसिस होती है? मियोसिस सेकंड, और इससे बनता है मैच्योर एग और सेकंड पोलर बॉडी। लेकिन यहां पे तो लिखिए फर्स्ट पोलर बॉडी, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, प्रथम ध्रुवीय काय थोड़ी ना बनती है, द्वितीय ध्रुवीय काय बनती है। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन देखो, मैच्योर एग इज फॉर्म्ड विद एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीय काय बाहर निकलती है, परिपक्व अंडा बनता है, बिल्कुल सही। ये देखो ये दोनों चीजें बन रही है, ओवम भी बन रहा है और सेकंड पोलर बॉडी भी बन रही है, बाकी वन और टू दोनों साथ हो नहीं सकते, और ध्रुवीय काय तो निकलते ही है, पोलर बॉडी तो निकलना जरूरी है। पहले मियोसिस के बाद बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड मियोसिस के बाद बनती है सेकंड पोलर बॉडी। उस हिसाब से आंसर टू बिल्कुल सही है, ऑप्शन टू हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ल्यूटियल प्रावस्था होती है, ल्यूटियल फेज आती है, उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है जो पहले कभी नहीं निकला, मतलब ना वो मेंस्ट्रुअल फेज में निकला, ना वो फॉलिकुलर फेज में निकला, ना वो ओव्यूलेटरी फेज में निकला, वो तो केवल ल्यूटियल फेज में निकलता दिख रहा है। तो भाई हम शरण में आते हैं अपनी एनसीईआरटी की और उस डायग्राम पे नजर डालते हैं, उस डायग्राम से हमें समझ में आएगा कि पहले वो हार्मोन नहीं निकल रहा होना चाहिए और ल्यूटियल फेज शुरू होने पर ही होना चाहिए। ल्यूटियल फेज शुरू होती है ओव्यूलेशन के बाद यानी 15वें दिन से, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर 14वें दिन होता है और 15वें दिन से ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक लाल लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है 14वें दिन तक, 15वें दिन से ऊपर चढ़ गई, ये देखो, और ये लाल लाइन किसको दिखा रही है? ये प्रोजेस्टेरोन को दिखा रही है। प्रोजेस्टेरोन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद ही निकलता है। ईस्ट्रोजन तो पहले भी निकल रहा था, ईस्ट्रोजन तो उससे भी निकलता है थीका इंटरना, तो वो उसको छोड़ो, वो तो पहले भी निकलता है बाद में भी निकलता है। ईस्ट्रोजन तो दो टाइम निकलता है, इसीलिए दो डबल पीक दिखती है आपको। आप अगर ब्लू वाली देखोगे यहाँ पे तो ब्लू लाइन दो बार ऊपर गई है, एक ये शिखर या पीक बनाया फिर दोबारा चढ़ गई, तो दो बार ईस्ट्रोजन इसलिए हाई हुआ है कि एक बार तो वो ओवेरियन फॉलिकल यानी ग्रेफियन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल की थीका इंटरना से निकल रहा था, दूसरी बार वो कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकल रहा था, इसीलिए दो बार आपको ऐसी पीक दिखाई दे रही है। पर प्रोजेस्टेरोन
प्रोजेस्ट्रॉन तो केवल कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलता है, तो ल्यूटियल फेज में ही निकल सकता है। इस हिसाब से LH, FSH ये दोनों तो पिट्यूटरी हार्मोन है, इनसे कोई मतलब नहीं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इवेंट इज करेक्टली मैच विद द टाइम ऑफ इट्स अक्रेंस इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आपको कुछ घटनाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और उसके आगे उनके दिन कौन से दिन से शुरू हुई हैं या कौन से दिन पर हमें दिखती हैं वो लिखा है। इसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो जरा देख लेते हैं कि लिखा क्या है और फिर एनसीईआरटी को खोल के समझेंगे। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी ब्लीडिंग की शुरुआत 5वें दिन से। गलत, पहले दिन से ही तो होती है। आप दिन डे वन वही तो मानते हो जब ब्लीडिंग शुरू होती है, तो जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होती है उसे डे वन मान लेते हैं हम। तो ये फिफ्थ डे लिखा है तो गलत है। दूसरे लिखा है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन 28वें दिन लिख दिया। अब 28वें दिन नहीं होता, वो तो साइकिल के बिल्कुल बीच में 14th डे होता है, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है ओव्यूलेशन, नीचे लिखा है 14th डे पे जाके ओव्यूलेशन होता दिखेगा आपको। और तीसरा लिखा है पीक सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन डे 21, डे 21 पे आके प्रोजेस्टेरोन सबसे हाई हो जाता है। तो ये देखो ये चलता हुआ लाल लाइन, नीचे देखो डे 21 कहां रहा, ये देखो डे 21 पे आके हाई हो गया, ये तो सही लग रहा है। और चौथा लिखा है बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज डे 15, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था का आरंभ 15वें दिन से। अरे भाई प्रोलिफरेटिव फेज किसका दूसरा नाम है, प्रचुरोद्भवन किसको कहते हैं, पुटक प्रावस्था को, पुटकीय प्रावस्था जो होती है ये वाली, जो कि 6 दिन से 13वें दिन तक चलती है। तो 6 से 13वें दिन तक जो चलती है उसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। देखो ये लिखा हुआ है फॉलिकुलर के ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उससे आप कह सकते हैं कि भाई ये तो 6 से 13 डे के बीच चलती है, इसमें डे 15 कहां से आ गया, ये तो गलत है। एक ही चीज सही लग रही है, वो है पीक सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन डे 21। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको डायग्राम्स बार बार देखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूमन मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। मानव नर की कौन सी सहायक जनन वाहिनी में शुक्राशय की नलिका खुलेगी, यानी इन चार में से वृषण जालक, शुक्रवाहक, अधिवृषण, मूत्र नलिका, रीड टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस और यूरेथ्रा, इन चार में से कोई एक ऐसी है जिसमें सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय की नलिका खुलेगी। तो भाई हम अपने उस डायग्राम पे आते हैं जो नर जनन तंत्र का डायग्राम है। ये देखिए ये दो डायग्राम बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए, और इन दोनों डायग्राम्स में दोनों में दिखाया गया है कि वास डिफरेंस या शुक्रवाहक ये चढ़ी ऊपर, और जब ये मूत्राशय के चारों ओर लूप बना के नीचे आई तो शुक्राशय की नलिका आके इससे जुड़ गई। तो यहां पर आप बहुत साफ देख पा रहे हैं कि ये चीज ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना के जब नीचे आती है तो नीचे शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल की डक्ट से वास डिफरेंस जुड़ जाती है, उससे संयुक्त हो जाती है, और संयुक्त होने के बाद फिर वास डिफरेंस को आगे क्या बुलाते हो, स्खलन नलिका। तो चलिए हमारा आंसर होना चाहिए वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। ह्यूमन फीटस में हाथ पांव और उंगलियां कब बन जाते हैं, तो हाथ पांव उंगलियां अगर बन गए तो इसका मतलब उसने कुछ कुछ मानव जैसा रूप ग्रहण कर लिया। अब उसे भ्रूण मत बोलो, अब उसे फीटस कह के बुलाओ, और ये होता है 2 महीने बाद, यानी 2 महीने का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है एज पर एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है। तो 2 महीने का डेवलपमेंट अगर कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसने ह्यूमेनॉइड प्रकार का एक शेप ले लिया है, उसने ह्यूमन जैसा शेप ले लिया है, उसके हाथ पांव उंगलियां वगैरह बन गए। तो ये सब चीज होती है 8 से 9 हफ्ते बाद, यानी 2 महीने के बाद। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा आंसर आफ्टर 2 मंथ्स होना चाहिए, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 5 मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, टू सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 6 महीने बाद। तो नहीं भाई ये तो 2 महीने बाद ही हो जाता है, तो 2 महीने के डेवलपमेंट के बाद हाथ पांव उंगलियां बन जाते हैं, इस कारण से फिर हम उसे एम्ब्रियो नहीं उसे फीटस कहते हैं। तो 2 महीने बाद हम उसको फीटस कह के बुलाने लगते हैं, क्योंकि कुछ कुछ उसने मानव जैसा रूप धारण किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये हमारा एज पर एनसीईआरटी
ये हो गया 2 months. तो 2 months के बाद फिटस हाथ पांव उंगलियों का विकास कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच सेल्स इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर टॉल एंड पिलर शेप. अब मैंने आपको अभी डायग्राम कुछ समय पहले ही बताया है कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनक नलिका को काट के देखो तो अंदर की दीवार पे उसके आपको दो तरह के सेल्स मिलते हैं. एक क्यूबॉइडल यानी घन की आकृति के सेल जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक लंबे लंबे टॉल सेल ऊंचे ऊंचे खंबे नुमा उनको कहते हैं सर्टोली सेल्स या सर्टोलाई सेल्स. तो इस हिसाब से खंबे वाले कॉलमनर सेल्स तो सर्टोलाई हैं. और किसी अगर आपको कोई स्लाइड दे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप उसमें देखो और वो आपको इतना बता दे कि ये ओवरी या टेस्टिस में से एक की स्लाइड है, अब आप पहचानो ये क्या है, तो आप कैसे पहचानते हो? केवल सर्टोलाई सेल जो ऊंचे ऊंचे हैं उन्हें देखकर. सर्टोलाई सेल को देखकर ही आइडिया हो जाता है कि ये फलानी स्लाइड ये पक्का है टेस्टिस की है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऊंचा ऊंचा सेल आपको ओवरी में तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये हिसाब से द सेल इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टॉल हो पिलर या खंबे के नुमा हो वो डेफिनेटली होनी चाहिए सर्टोलाई. तो हमारा आंसर होगा सर्टोलाई सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी पोलर बॉडीज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन के दौरान हर एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका कितनी ध्रुवीय कायों को बनाएगी. तो भाई जरा ध्यान से एक बार पढ़ लो इसे. ये क्या लिखा है? स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट. अब इस ये बताओ स्पर्म बनते समय क्या ध्रुवीय काय मिलती है आपको? ध्रुवीय काय तो अंडाणु बनते समय मिलती है. तो ये स्पर्मेटोसाइट लिखा है, तो स्पर्मेटोसाइट से क्या ध्रुवीय काय बनेगी? नहीं बनेगी. तो इसका मतलब है यहां अगर स्पर्मेटोसाइट लिखा है तो शुक्राणु जनन हो रहा है, इसमें तो ध्रुवीय काय एक भी नहीं मिलेगी. आंसर होना चाहिए जीरो, एक भी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो कि नहीं, इसीलिए ये पूछा गया था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नरिशमेंट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटिड गेट्स अटैच्ड टू. स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान पोषण प्राप्ति के लिए स्पर्मेटिड किससे जुड़ते हैं? अब स्पर्मियोजेनेसिस फिर याद दिला देता हूं. स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया, यानी कि स्पर्मेटिड ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म्स में. स्पर्मेटिड तो गोल है, उनके पास ना टोपी है एक्रोसोम ना एक पूंछ है, लेकिन जब वो अपने आप को बदल लेंगे उस पूरी प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्मियोजेनेसिस चल रहा है या स्पर्मियोजेनेसिस खत्म होने वाला है तो स्पर्म किससे जाकर जुड़ेंगे? तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो अपना सिर किसमें घुसा लेते हैं? सर्टोलाई सेल्स में. एनसीईआरटी ने लिखा है तो सर्टोलाई सेल्स में आंसर होना चाहिए. इंटरस्टिशियल सेल से तो जुड़ेंगे नहीं, स्पर्म मदर सेल से कोई मतलब नहीं है. स्पर्मेटोसाइट वो तो पहले ही अवस्था पहले ही आ चुकी है, अब तो वो स्पर्म बन चुके हैं, तो इसका मतलब अब रह गया सर्टोलाई सेल जो इनको नरिशमेंट देगा, पोषण देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस विद द कास्टिंग ऑफ ऑफ. रज चक्र का आरंभ निम्न के झड़ने से होता है, यानी जो भी ब्लीडिंग होती है वेजाइना से योनि से वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है? तो भाई बहुत साफ साफ हमारे इसमें लिखा हुआ है कि ये मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग का कारण क्या है. ये वाला चित्र आपको जहां दिख रहा हो वो खोल लो अपनी एनसीईआरटी, वहां पर साफ लिखा हुआ है द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स. देखो लिखा है ब्लड वेसल के साथ एंडोमेट्रियम का टूटना, उससे इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है. तो यहां पर आपको प्लेसेंटा के टूटने से हो रहा है? नहीं, पेरिमेट्रियम के. अरे पेरिमेट्रियम तो सबसे बाहर का स्तर है गर्भाशय का, वो थोड़ा ना टूटेगा. अंदर वाला स्तर टूट रहा है, अंदर वाली लेयर टूट रही है, एंडोमेट्रियम टूट रही है. और ये देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अलोंग विद ब्लड वेसल, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन आ गई. तो ये वाला आंसर हमारा डायरेक्ट है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मोस्ट राइप एंड फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. ये बेहद आसान क्वेश्चन है. फॉलिकुलर फेज जब चल रहा होता है तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से सबसे अंतिम अवस्था आती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो.
एनसीईआरटी बुक में ये सारे फॉलिकुलर फेज बताई गई है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी वाली आ गई, और उसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल सबसे राइपन्ड स्टेज है, एनसीईआरटी ने न केवल डायग्राम में दिखाया है बल्कि यहाँ पे साफ लिखा भी है कि वो राइपन्ड फाइनल स्टेज होती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल हमारा डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, प्राइमरी से कोई मतलब नहीं। फॉलिकुलर सिस्ट, ये सिस्ट क्यों बनेगी भाई, सिस्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं है हमें। सिस्ट तो वो होती है जो कि फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाते, जो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए उनको सिस्ट बुलाते हैं हम। और लिकर फॉलिकुलाई यानी वो पानी जैसी चीज जो कि ग्रेफियन फॉलिकल के या टर्शरी फॉलिकल की गुहा में बैठा है उसे कहते हैं लिकर फॉलिकुलाई, है ना। एंट्रम गुहा होती है, आपको पता होगा एंट्रम गुहा जो होती है उसके अंदर जो भी तरल या द्रव भरा होता है, जो लिक्विड होता है, उसे लिकर फॉलिकुलाई कहते हैं। पर हमें तो ये बताना है कि उसका नाम क्या है, सबसे ज्यादा पकी हुई अवस्था का जो कि होती है, क्या वो प्राइमरी है या वो ग्रेफियन है। तो ग्रेफियन फॉलिकल शुड बी द आंसर। ग्रेफियन फॉलिकल को नाम मिला था रेग्नर डी ग्राफ वैज्ञानिक के नाम पर, रेग्नर डी ग्राफ वैज्ञानिक ने इसको डिस्क्राइब किया है, इसीलिए इसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल फटता है, इसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइड बाहर आ जाता है, इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं, और ग्रेफियन फॉलिकल के बचे खुचे हिस्से बन जाते हैं फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर तक तो हम पहुंच गए। द सब्सट्रेट ऑन व्हिच स्पर्म फीड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, भाई वो वाला पदार्थ जिससे शुक्राणु या स्पर्म खाना खाता है उससे उसको एनर्जी मिलती है, वो वाली चीज एनर्जी वाली कौन निकाल रहा है। तो ये ध्यान रखिए फ्रक्टोज से वो एनर्जी लेता है, आपको पता होगा कि सीमन में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम भी होता है, एंजाइम भी होते हैं। अब फ्रक्टोज कौन निकाल रहा है, फ्रक्टोज निकलता है सेमाइनल वेसिकल्स से, शुक्राशय ग्रंथि से, और कैल्शियम और एंजाइम वगैरह निकालती है प्रोस्टेट ग्रंथि। हम तो केवल उस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं जो शुक्राणु को पोषण देगा, स्पर्म को नरिश करेगा। तो स्पर्म फीड किस पे करते हैं, फ्रक्टोज पे, और वो निकलता किससे है, सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय से। ये चीज याद करने लायक है, इसे याद रख लेना। तो सेमाइनल वेसिकल हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म अपने खाने के लिए एनर्जी के लिए फ्रक्टोज पर निर्भर है जो कि सेमाइनल वेसिकल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच हॉर्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोलाइज सेल्स टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखो मियो लिखा है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करने के लिए बताइए कौन सा हार्मोन सर्टोली सेल्स या सर्टोलाई सेल पे अपना असर दिखाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस को अगर पूरा करना है तो जो हेल्प होगी या जो काम करेगा वो हमारी एनसीईआरटी ने बहुत साफ लिखा है। ये देखो ये वाले पेज पे, ये वाला डायग्राम को पहले देखो अपनी एनसीईआरटी निकाल के, इस डायग्राम के आसपास कहीं पे आप लिखा देखोगे, पढ़ मैं देता हूं। ये देखिए लिखा हुआ है FSH, ये देखो सबसे अंतिम लाइन, सबसे लास्ट में पढ़ रहा हूं, FSH acts on sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। ये देखिए ये पूरी की पूरी लाइन एस सच एनसीईआरटी से निकाल ली गई है, आपको क्वेश्चन के रूप में परोस दी गई है। इस हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, एफएसएच के बारे में लिखा है तो एफएसएच आंसर है हमारा, बाकी सबको देखने की ही जरूरत नहीं है आपको। जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आंसर पे डायरेक्ट नजर जाती है और हम बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेंपरेरीली हियर टू अटेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि कार्य की परिपक्वन प्राप्त करने के लिए निम्न संरचना में शुक्राणु का अस्थायी संचयन होता है। यानी जो शुक्राणु है वो कुछ समय रुकेंगे किसी एक विशेष भाग में और वहां पर वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होंगे, आप कह सकते हो अपनी पूंछ हिलाना सीखेंगे। तो वो अपनी पूंछ हिलाएंगे, वो सीखना कहां पर होता है, तो सीधी बात है जब शुक्राणु बनते हैं उस वक्त उनको अपनी पूंछ हिलाना नहीं आता, वो तो टेस्टिकुलर फ्लूइड में बहकर एपिडिडाइमेस या अधिवृषण में पहुंचते हैं और वहां पर लगभग 2 हफ्ते बिताते हैं, और उन 2 हफ्तों के दौरान वो पूंछ कैसे हिलाई जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए इसे सीखते हैं। एपिडिडाइमेस में ही बनता होता है मैच्यूरेशन, कारिकी वाला मैच्यूरेशन, क्योंकि आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल मैच्यूरेशन तो पहले ही हो चुका है, बन तो वो पूरे चुके हैं,
बस उनको पूंछ हिलाना नहीं आता, कार्य की मैच्यूरेशन या फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन इसे ही कहते हैं, वो एपिडिडाइमिस में जाकर होता है, ये हमें पता है। तो इस हिसाब से सेमिनल वेसिकल में पहुंच के शुक्राशय में, गलत, सर्टुलाई सेल के साथ नहीं, सर्टुलाई सेल में तो केवल उनका क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल मैच्यूरेशन, आकारी के रूप से परिपक्वन होगा, कार्य के रूप से नहीं, फिजियोलॉजिकल या कार्य की परिपक्वन तो उनका एपिडिडाइमिस में होता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, एपिडिडाइमिस। रीटेस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, ये वृषण जालक से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर है एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स ड्यू टू सडन डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ, निम्न के स्तर में अचानक आई कमी से रजस्राव आरंभ हो जाता है, कि भाई कौन सी चीज है जो कि रजस्राव को शुरू कराएगी। तो आपको पहली बात याद करा दूं, रजस्राव या मेंस्ट्रुएशन किसके टूटने से होने वाली ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का अंतःस्तर जो होता है, जब वो टूटता है तो उसके संग ब्लड वेसल्स वो भी टूटती हैं, इसीलिए ब्लीडिंग होती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हो। अब आपकी एनसीईआरटी में एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है कि एंडोमेट्रियम या गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने का काम है, कायम रखने का काम है प्रोजेस्ट्रॉन का। प्रोजेस्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम तब तक नहीं टूटेगी जब तक प्रोजेस्ट्रॉन हाई है, और जहां प्रोजेस्ट्रॉन लो हुआ, जहां उसका स्तर गिरा, एंडोमेट्रियम टूटेगी, मेंस्ट्रुएशन होगा। तो सीधी बात है, कौन से हार्मोन की कमी से रजस्राव या मेंस्ट्रुएशन आरंभ होता है, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी से, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने साफ लिखा है प्रोजेस्ट्रॉन के कारण ही एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है। इस हिसाब से प्रोजेस्ट्रॉन कम होगा तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, उसकी ब्लड वेसल्स टूटेंगी, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीसिबल इफ, मानव में निषेचन क्रिया व्यावहारिक रूप से संभव हो सकती है यदि। तो भाई व्यावहारिक रूप से निषेचन कब सफल होगा, फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल होगा या सफल होने की संभावना होगी, ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली रीच इन एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये तो बिल्कुल बढ़िया है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एम्पुला में होना चाहिए। एम्पुला में अगर स्पर्म पहुंच गया और वहां ओवम बैठा है तो फर्टिलाइजेशन 99.99% हो ही जाता है। तो एम्पुला भाग फैलोपियन ट्यूब का, इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सभी स्तनधारियों में वहीं पर होता है निषेचन। तो ये पहला सबसे बढ़िया लग रहा है। आगे लिखा है ओवम और स्पर्म एक साथ पहुंचे सर्विक्स में, सर्विक्स में थोड़े ना होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो एम्पुला पार्ट फैलोपियन ट्यूब तो पहले में ही लिखा है, दूसरे में सर्विक्स गलत हो गया, तीसरे में सर्विक्स गलत हो गया, चौथे में यूट्रस गलत हो गया। तो सीधा है हमारा आंसर होना चाहिए वन, आसान क्वेश्चन है। तो ये है हमारा आंसर वन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मे बी द रिजल्ट ऑफ, एक्टोपिक गर्भावस्था किसके कारण हो सकती है। अब एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है, जुड़ना चाहिए भ्रूण को किससे, एम्ब्रियो को जाके किससे जुड़ना चाहिए, यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, यूट्रस में। ठीक है, तो यूट्रस में कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर एंडोमेट्रियम अच्छी खासी थिक होती है, और वहां पर जाकर अगर एम्ब्रियो बैठता है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हम इसे मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल जगह जाके जुड़ जाता है, जैसे बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब के पास जाके जुड़ जाएगा, सर्विक्स के बिल्कुल पास जाके जुड़ जाएगा। तो आपको पता होगा कि गर्भाशय या यूट्रस के सबसे नीचे वाला बिल्कुल नैरो सा पार्ट होता है सर्विक्स, अगर उसके पास अगर एम्ब्रियो जाके जुड़ गया तो वो तो एबनॉर्मल जगह है। ऐसी फैलोपियन ट्यूब के बिल्कुल पास जाके अगर मान लीजिए वो इम्प्लांट हो गया, वो भी एबनॉर्मल जगह है। ऐसी जगह को हम बोलते हैं, ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक गर्भावस्था बुरी चीज है, इसका मतलब तो बुरी चीज है तो किसके कारण हो सकती है, ये इन्होंने कुछ कारण दिए हैं। पहला, कोइटस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी जब ब्लीडिंग हो रही हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस दौरान कोइटस या मैथुन करने से होता है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज यानी यौन दुर्व्यवहार हो जाए उसके कारण इस तरह की प्रेगनेंसी आ जाती है, या फिर अनट्रीटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी जो यौन रोग या एसटीडी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अगर ना हो तो ऐसा हो सकता है। और चौथा है यूजिंग एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रीक्वेंटली, बार बार आकस्मिक गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना, यानी कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो कई बार अगर औरत खा लेती है तो ऐसा हो सकता है। हमारी एनसीईआरटी की हम सहायता लेंगे, और इसमें एसटीडी यहां लिखा है
वहां पे अगर आप देखो एसटीडी रोगों को अगर हमने टाइमली डायग्नोज नहीं किया, टाइमली इनका पता नहीं लगाया और इनको छुपाया, इनका इलाज नहीं कराया, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, पूरा इन्होंने लाइन से लिखा हुआ है कि इससे हो सकता है बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या फिर एबॉर्शन हो जाए यानी कि मिसकैरेज हो जाए, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, या अलग अलग तरह से पूरे पेल्विक रीजन में स्वेलिंग आ जाए, सारी यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स में स्वेलिंग आ जाए, ये सब लिखा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से इन्होंने चूंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी शब्द भी यहाँ दे दिया है, हमारा आंसर अनट्रीटेड यानी जिसका इलाज नहीं हुआ है ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होना चाहिए। एनसीआरटी के हिसाब से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाए, यही हमारा आंसर होगा, उपचार नहीं कराया जाए, तो यौन रोगों का उपचार नहीं हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही स्टेटमेंट चुनिए। पहला, पक्षियों और सरीसृपों में बाह्य निषेचन होता है। कहां होता है बाह्य निषेचन? अंदर होता है भाई। जो मेल बर्ड है वो फीमेल के अंदर स्पर्म को डालती है, बिल्कुल ऐसा ही रेप्टाइल में भी यही होता है। रेप्टाइल में भी मेल जो रेप्टाइल, चाहे वो सांप हो चाहे छिपकली हो, वो फीमेल के अंदर अपने स्पर्म को डालते हैं। तो ये पहली चीज गलत हो गई, हमसे सही पूछा है, पहला गलत हो गया। दूसरा, कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीजन और एंटीबॉडी। अरे भाई, कोलेस्ट्रम नाम का जो खीस या दूध होता है जो कि पार्चुरेशन के बाद कुछ दिनों तक गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसमें एंटीबॉडीज तो होती हैं, पर एंटीजन थोड़ी ना होता है। ये एंटीजन की बात तो गलत हो गई, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन गलत हो गया, एंटीजन गलत हो गया। अगला, पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमन इज प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल एंड मैकेनिकल चेंजेस इन एग सरफेस। मानव में अंड सतह पर होने वाले वैद्युत रासायनिकी और यांत्रिकी परिवर्तन बहुशुक्राणुता को रोकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एक से ज्यादा स्पर्म एग के अंदर ना चले जाएं, इसको रोकने के लिए कौन से तरकीब हैं या कौन से उपाय हैं, तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के, तो उस समय हम क्या देखते हैं, स्पर्म की सरफेस पर चार्जेस बदल गए, स्पर्म की सरफेस पर, सॉरी, ओवम की सरफेस पर, एग की सरफेस पर, एग की सरफेस पर पहले बार पॉजिटिव चार्ज था, वहां नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव आ गया, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल गतिविधि हो रही है, और उस डीपोलराइजेशन के कारण हम देखते हैं फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी कि तुरंत ही और कोई शुक्राणु और कोई स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि डीपोलराइज हो गई है उलेमा यानी एग की मेम्ब्रेन। तो ये चीज सबसे पहले दिखती है, पर डीपोलराइजेशन कोई बहुत देर तक रहेगा नहीं, तो एक परमानेंट वाली चीज भी चाहिए जो कि पक्का ही सुनिश्चित कर दे कि और कोई स्पर्म आएगा ही नहीं, एक ही आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर बैठी जोना पेल्यूसिडा से चिपक जाती है। और कैसे चिपकती है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल अपने चीज को, अपने पदार्थ को, अपने सब्सटेंस को डाल देते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बाहर आएंगे या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो भी सब्सटेंस बाहर आएगा, वो सब्सटेंस इस उलेमा को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की जो है उसको ऊपर बैठे जोना पेल्यूसिडा से चिपका देगा। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से निकला सब्सटेंस एक गोंद की तरह काम करता है, और वो दोनों को आपस में जब चिपकाता है तो उससे एक नई मेम्ब्रेन एग के चारों ओर बन जाती है, जिसको कहते हैं निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और वो मोटी होती है, वो स्ट्रांग होती है, वो टफ होती है, इसी कारण से और कोई स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। तो नई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो मोटी है उसका बनना एक तरह से यांत्रिकी परिवर्तन हुआ है। तो पहले तो डीपोलराइजेशन एग मेम्ब्रेन का यानी कि वैद्युत रासायनिकी परिवर्तन हुआ, दूसरा यांत्रिकी परिवर्तन यानी मैकेनिकल चेंज हुआ। तो ये मैकेनिकल चेंज क्या हुआ है, यहां बन गई नई मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ उलेमा, उलेमा का डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन तुरंत हो जाता है पर बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसको कहते हैं फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो कि मोटी सी मेम्ब्रेन बन गई कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण, वो कहलाता है स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो वो स्लो ब्लॉकेज है पर वो परमानेंट है, ये फास्ट ब्लॉकेज है लेकिन ये टेम्परेरी है, पर पॉलीस्पर्मी रुक जाएगी
एक से ज्यादा स्पर्म अब एंटर नहीं करेंगे, तो ये होना वो हमारा आंसर होना चाहिए। और ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांटेशन किसके बाद होता है? 7 दिन बाद, पर किसके? ब्लास्टोसिस्ट बनने के। ये तो गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के 7 दिन बाद नहीं। तो ये वाली चीज गलत है कि फीमेल में अगर भ्रूण का आरोपण होता है तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के 7 दिन बाद नहीं होता। तो ये वाली चीज, ये वाली आफ्टर फॉर्मेशन वाली बात गलत हो गई है। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है। पहला, हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन कॉजेस हाई पिच वॉइस इन मेल। नरों में एंड्रोजन का उच्च स्तर तीव्र स्वर मान का कारण है। अब इसमें पहला पढ़ के हंसी आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के कारण मेल वाले करेक्टर जब आते हैं तो मेल वाले करेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में आता है लो पिच वॉइस, तीव्र नहीं निम्न स्वरमान, जो आदमियों की आवाज होती है ना, पुरुषों की, पुरुष की आवाज वो भारी होती है, लो पिच की होती है, और स्त्रियों की जो आवाज होती है वो हाई पिच की होती है, हाई ऊंची। तो आप खुद सोचिए, हाई पिच ये फीमेल में है भाई, लो पिच होता है मर्दों में या पुरुषों में। तो ये जो पहला लिखा है ये गलत लिखा है, एंड्रोजन बढ़ेगा तो हाई पिच नहीं होगी बल्कि लो पिच होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो पहला गलत है, ये हाई पिच तो फीमेल में होती है भाई। दूसरा है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल, कि स्पर्म जब सेमिनिफेरस शुक्रजनक नलिका से निकलते हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं। अरे उनको चलना आता ही नहीं है उस समय, वो तो टेस्टिकुलर फ्लूइड में बहकर एपिडिडाइमिस तक पहुंचते हैं, वहां पर अपनी पूंछ हिलाना सीखते हैं। तो इस हिसाब से सेकंड भी गलत हो गया। तो ये थर्ड देखते हैं, ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय बोथ ओवेरियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल में होता है वो दो अलग अलग संरचनाओं से निकलता है, एक है ओवेरियन फॉलिकल और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। ये चीज मुझे सही लग रही है, क्योंकि आपने अगर ये डायग्राम देखा हो, ये वाला फिगर, इसमें आप ईस्ट्रोजन को नीले रंग से दिखाया है और इसके दो शिखर दिख रहे हैं। आप देख रहे हो ये दो बार ऊपर चढ़ा है। ये ईस्ट्रोजन की दो पीक का बनने का कारण ही है कि एक बार थीका इंटरना से निकल रहा है जो कि ओवेरियन फॉलिकल में मिलती है थीका इंटरना, दूसरी बार वो निकल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, इसीलिए आपको दो बार पीक नजर आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है। अंत में, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन स्टार्ट्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन के हाई होने से होता है? बिल्कुल नहीं, LH सर्ज के कारण होता है, LH के हाई होने से होता है। तो ये हमारे NCERT में पहले से लिखा है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। तो ये वाली चीज गलत है, ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, LH ज्यादा होगा तो होगा ओव्यूलेशन। इस हिसाब से ये जो चीज है सबसे बेस्ट है हमारी, तभी दो बार ईस्ट्रोजन हाई होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पॉट द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र से संबंधित विषम को पहचाने। तो इनमें चार चीजों में से 3 चीज आपको एक दूसरे से रिलेटेड दिखेगी, एक चीज ऐसी होगी जो थोड़ी अलग होगी, उसी को पहचान कर निशान लगाना है, करेक्ट लगाना है। पहला स्पर्मेटिक कॉर्ड, दूसरा स्पर्मेटिड सेल, तीसरा स्पर्मेटोगोनिया और चौथा जर्मिनल एपिथीलियम। अब इसमें से जर्मिनल एपिथीलियम क्या होती है? जनन उपकला क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से बनी है। जनन उपकला शुक्र जनन नलिका की अंदर की सतह पर जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, उसी से बनी हुई लेयर को कह रहे हैं। तो इसका मतलब जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला स्पर्मेटोगोनिया से रिलेटेड है। दूसरा, स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड हो गए, ये तीनों सेल की बातें चल रही हैं। लेकिन ये जो लिखा है स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक रज्जू, ये तो एक लंबी रस्सी जैसी संरचना है जो कि हमारे टेस्टिस को पकड़कर हमारी एब्डोमिनल कैविटी ये एब्डोमिनल वॉल उधर की भित्ति से जाके जोड़ती है। तो एक रस्सी जैसी चीज टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से से लेकर जाती है और जाके उधर भित्ति एब्डोमिनल वॉल के पिछली सरफेस पे जाके चिपक जाती है। वो रस्सी जैसी चीज को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। वो कोई सेल की बात तो नहीं हो रही, वो तो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इस हिसाब से ये थोड़ा अलग लग रहा है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, बाकी ये तीनों आपस में रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. केमिकली पीएच ऑफ सेमिनल प्लाज्मा इज, सेमिनल प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? तो भाई सीधी बात है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में से ये जो सेमिनल प्लाज्मा बन रहा है, ये बॉडी फ्लूइड जो उससे निकल रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं शुक्राशय से निकल रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकल रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से निकल रहा है. इसमें से प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ये दोनों एल्कलाइनिटी के लिए जिम्मेदार है. एल्कलाइनिटी, क्षारीयता. एल्कलाइनिटी भी उतनी नहीं हाई कि बहुत हाई कर दी, 11, 12, 13 कर दी, ऐसा नहीं, हल्का सा एल्कलाइन. जैसे हमारा ब्लड होता है ना एल्कलाइन, जैसे बाइल जूस एल्कलाइन है, पित्तरस, बस उतनी एल्कलाइनिटी. तो एल्कलाइनिटी 7 से 8 के बीच, 7.4, 7.5, 7.6, कभी कभी 7.2, पर ये सब एल्कलाइन ही है, भले स्लाइट एल्कलाइन हो. तो उस हिसाब से ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, वीर्य तरल या वीर्य प्लाज्मा, ये 7.2 से लेकर 7.6 तक होता है. तो ये 7.2 से 7.6 के बीच है, यानी हमारा आंसर होना चाहिए पीएच 7 to 8. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. स्पर्मिएशन कौन सा प्रोसेस है? स्पर्मिएशन में स्पर्म कहां से बाहर आते हैं? तो मैंने आपको बताया है, पढ़ के बताया एनसीईआरटी में, ये स्पर्म अपने सिर को अंदर डाल लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, और खाना खाते रहते हैं सर्टोली सेल से. बाद में जब वो पूरा खा पी के आराम से हो जाते हैं, पूरा बन जाते हैं अच्छे से, उसके बाद वो अपना सिर बाहर निकालते हैं सर्टोलाई सेल से, और वो सिर को बाहर निकालना ही कहलाता है स्पर्मिएशन. तो सर्टोलाई सेल से बाहर आ रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर नहीं आ रहे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तो कैविटी में आएंगे. सर्टोली सेल से जब सिर बाहर निकालेंगे तो वो शुक्र जनन नलिका की गुहा में आ जाएंगे ना. तो ये चीज रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस, वास, डिफरेंट सेमिनल वेसिकल. नहीं, इस वाले क्वेश्चन में सर्टोलाइज सेल्स तो दिया ही नहीं आंसर. इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इससे बाहर आने को हम कहेंगे, हम अपनी एनसीईआरटी का की सहायता लेते हैं इसमें, कि उसमें क्या लिखा हुआ है. तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने को कह रहे हैं स्पर्मिएशन. इस हिसाब से स्पर्मिएशन प्रोसेस सर्टोली सेल से बाहर आना ही नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर आने को कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. अगर ये यहाँ पे सर्टोली सेल होता एक ऑप्शन तो बेस्ट तो वो होता, लेकिन सर्टोली सेल इन्होंने दिया नहीं, यानी इसका सीधा मतलब है कि ये वाले में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के दी हुई है, और हमारा आंसर होना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सर्टोली सेल्स यहाँ पर कहीं दिए ही नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन पहला बेस्ट है, क्योंकि इसमें टेस्टिस, वास, डिफरेंट सेमिनल वेसिकल, वृषण, शुक्रवाहक और शुक्राशय, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है. साफ साफ लिखा हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त होना या बाहर आने को स्पर्मिएशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज फाउंड अराउंड. सबसे पका हुआ जो ग्रेफियन पुटक अवस्था है, ग्रेफियन फॉलिकल, वो कब बनती है? तो आ जाओ भाई फिर से इस वाले चित्र पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसमें आप नीचे डे देखते रहना, कौन से दिन क्या चीज मिल रही है. तो यहां पर आप देखोगे 13वें दिन के आसपास एकदम नहीं, 13वें दिन के आसपास आपको ग्रेफियन फॉलिकल बना हुआ दिख रहा है. तो ग्रेफियन फॉलिकल 13th डे के आसपास दिख रहा है, बस इतना याद रखो. बाकी हम देख लेते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कब किसके आसपास मिलता है. रज चक्र के पहले 5 दिनों में मिलता है, रज चक्र के 6 से 8 दिन में मिलता है. अब आप देख रहे हो 11 से 17 दिन के बीच मिलता है, तो हमें तो डायग्राम में दिख रहा है ना 13वें दिन बना हुआ, तो 13वां दिन कहां आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा. इसीलिए हमारा आंसर 3 होना चाहिए. 18 to 28 डे के बीच तो ग्रेफियन फॉलिकल मिलेगा नहीं. इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा आंसर होना चाहिए 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हेन स्पर्म कम्स इनटू द कांटेक्ट विद जोना पेल्विसिडा ऑफ एग, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स. जब स्पर्म या शुक्राणु अंडे की जोना पेल्विसिडा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? अब आप एनसीईआरटी को अगर देखोगे तो 2 घटनाएं होती दिखाई देगी. यहां पर साफ लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इनटू द कांटेक्ट विद जोना पेल्विसिडा इन द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. तो सबसे पहली बात ये लिखी है कि जोना पेल्विसिडा के कांटेक्ट में आते ही वो पहला वो काम करेगा जिससे और कोई स्पर्म अंदर नहीं एंटर हो.
अब आपको मैंने बताया था, एक होता है फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, एक स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। तो ये एक वाली घटना तो ये हो गई, इसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और दूसरा क्या होता है, डज इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज। अब आगे देखो क्या लिखा है, द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक्रोसोम का सीक्रेशन स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जाने में हेल्प करेगा, यानी एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। तो एक कॉर्टिकल रिएक्शन होगी जिससे पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता रुकती है। यहां पर कहीं पर लिखा है क्या कॉर्टिकल रिएक्शन? कहीं नहीं लिखा, कॉर्टिकल रिएक्शन लिखा नहीं है, नहीं तो कॉर्टिकल रिएक्शन अगर यहां लिखा होता तो हमारा आंसर होता। लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्रोसोम वाली रिएक्शन होगी जिससे कि स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा, उस हिसाब से एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि इसमें कैपेसिटेशन हो नहीं सकता। कैपेसिटेशन क्या होता है? क्षमतायन, यानी कि मादा जनन पथ में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे ही स्पर्म इजैकुलेट होते हैं तुरंत कुछ घंटों में वो ये कैपेसिटी प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। वो कैपेसिटी उनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ही मिलती है। उस हिसाब से पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी तक जोना पेलियोसिटा के कॉन्टैक्ट में थोड़ा ना आए हैं। जोना पेलियोसिटा के कॉन्टैक्ट में आने पर तो एक होगी कॉर्टिकल रिएक्शन, दूसरी होगी एक्रोसोमल। अब कॉर्टिकल याद ही नहीं है तो आंसर हमारा एक्रोसोमल ही है, क्योंकि नीचे मैच्यूरेशन रिएक्शन और सिनगैमी ये सब कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट है एज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुला इज द पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी मिल्क डक्ट, ऑप्शन सी सर्विक्स और ऑप्शन डी वन एंड टू। अब देखो एम्पुला भाग है, नंबर एक फेलोपियन नलिका का, नंबर दो दुग्ध वाहिका का, नंबर तीन गर्भाशय ग्रीवा का और एक और दो दोनों। तो फेलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ये हमें अच्छे से मालूम है। आप अगर वहां पे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी एक जगह एम्पुला नाम आया हुआ है। ये देखो यहां पर लिखा है, ये देखो सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, ये लिखा हुआ है, यानी यहां पर भी एम्पुला है। तो मेमोरी डक्ट्स कई सारी फूल कर बन जाती है एम्पुला। इसका मतलब है कि यहां मिल्क डक्ट्स जो दूध ले जा रही है उन डक्ट्स में और फेलोपियन ट्यूब, इन दोनों में आपको ये दिखेगा, ये दोनों में, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए वन एंड टू। तो ये आंसर है फोर्थ हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको एक सही बात चुननी है कि सही क्या है। अब इसमें से इस डायग्राम की हेल्प से हम चुन सकते हैं, यह डायग्राम हमारी बड़ी हेल्प करता है। कैसे? पहला, स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो हमेशा मियोटिक डिवीजन करता है। ये गलत हो गया भाई, मियोटिक डिवीजन नहीं करता, स्पर्मेटोगोनिया तो हमेशा माइटोसिस करता है। ये देखो लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, ये लिखा हुआ है माइटोसिस, केवल माइटोसिस करते हैं। वो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा जो कि मियोसिस करेगा। तो ये पहली वाली चीज मियोटिक वाली बात गलत है, ये तो माइटोसिस होना चाहिए। दूसरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस, ये फिर गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो मियोसिस करेगा भाई। ये देखो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इसके आगे लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इस हिसाब से ये वाली चीज भी गलत हो गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, देखो यहां लिखा है, ये सही है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ये बात सही लिखी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया लग रहा है, ये हमारा आंसर होना चाहिए थर्ड वाला। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, अरे भाई स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म ही तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये तो पर्यायवाची हैं, यहां पे स्पर्मेटिड होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, केवल थर्ड सही है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग मैच बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पर्म एंड देयर फंक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें इन्होंने चार वो दिए हैं, आमने सामने लिखा है, इनमें से एक ही चीज सही है स्पर्म के हिसाब से, स्पर्म का सोचना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक्सोनीम, आगे लिखा है एनर्जी, एक्सोनीम से एनर्जी नहीं मिलती, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है। यहां पर बहुत क्लियरली ये चीज यहां पर मैंशनड है,
तो ये आप अगर देखोगे कि पहला वाली चीज एक्सोनेम, ये एनर्जी गलत है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। दूसरा एक्रोसोम, अब ये एक्रोसोम वो एंजाइम्स निकालता है जिससे आप स्पर्म पहुंच पाएगा अंडे के अंदर, तो इसका मतलब ये एक्रोसोम स्पर्म मोर्टैलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये वाली चीज यहां पर गलत हो गई। अब है न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है क्योंकि न्यूक्लियस में हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस इसको प्रोवाइड करता है एग को। इस हिसाब से ये जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल वाला है, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये चीज परफेक्ट लग रही है। तो हो ना हो हमारा आंसर थर्ड होना चाहिए क्योंकि लास्ट में जो टेल लिखा है उसमें एंजाइम लिख दिया, टेल में एंजाइम नहीं होते, एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम्स। इस हिसाब से ये वाली चीज भी गलत हो गई है, हमारा आंसर होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स, तो 23 क्रोमोसोम इनमें से किसमें है, तो 23 क्रोमोसोम यही वाला डायग्राम काम आएगा। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में स्पर्मेटोगोनिया में बिल्कुल नहीं, 2n बराबर 46 होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n 46 है, सेकेंड प्राइमरी ऊसाइट, यहां पर प्राइमरी ऊसाइट में भी देखो 46, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी ऊसाइट इन सब में 46 क्रोमोसोम यहां दिखाए हुए हैं, तो 2n 46, पोलर बॉडी बस अकेली रह गई जिसमें होते हैं 23। ये पोलर बॉडी जो बनी है इसके आगे देखिए 23 लिखा हुआ है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि ध्रुवीय गायन में से अकेले ऐसे हैं जिसमें 23 n बराबर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेल्ट, इनमें से सही चीज कौन सी है भाई, करेक्ट है, तो सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट पार्ट ऑफ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, अरे भाई ट्रोफोब्लास्ट तो ब्लास्टोसिस्ट का बाहरी हिस्सा था, ये ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण यानी एम्ब्रियो, इसका बाहर वाला ये पार्ट ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, तो ये कोई ओवेरियन फॉलिकल थोड़ी ना है, ये तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का बाहर वाला हिस्सा ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, तो ये वाली चीज तो गलत हो गई, ये तो सही नहीं है। दूसरा क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट, जायगोट के माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने ये वाली लाइन बहुत साफ साफ लिख कर दी हुई है। ये देखो डिप्लॉइड जायगोट ये बन गया, यहां पर क्लीवेज स्टार्ट होगा, ये लिखा हुआ द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव थ्रू द स्थमस इज कॉल्ड क्लीवेज, ये देखिए ये लिखा है, तो इस हिसाब से ये हमारा परफेक्ट मैच लग रहा है। यहां पर आगे लिखा है इम्प्लांटेशन अटेनमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, आरोपण का मतलब होता है निषेचन हेतु क्षमता, अरे नहीं, आरोपण का मतलब होता है भ्रूण जाके एम्ब्रियो जाकर यूट्रस की दीवार में चिपक जाए, वहां पर प्लेजेंटा बनाए, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और इनर सेल मास, ये रहा इनर सेल मास प्लेजेंटा फॉर्मेशन, इससे प्लेजेंटा नहीं बनता, ये तो गलत हो गया, इससे क्या बनता है, इससे एम्ब्रियो की बॉडी बनती है, प्लेजेंटा किससे बनता है, इससे बनता है ट्रोफोब्लास्ट से बनता है प्लेजेंटा, और इससे बनती है बॉडी ऑफ एम्ब्रियो, बॉडी ऑफ एम्ब्रियो, तो याद रखना इनर सेल मास से एम्ब्रियो की बॉडी बनेगी, ट्रोफोब्लास्ट से प्लेजेंटा बनेगा, क्लियर है। तो ये वाला जो हमारा चल रहा है इसमें केवल एक चीज क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन से जायगोट में होने वाला, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बड़ी आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए, आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजेंटा कैन नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम मदर्स ब्लड इन टू फीटल सर्कुलेशन, देखो जो प्लेजेंटा अपरा होता है ना वो एक तरह का बैरियर होता है, वो बैरियर ऐसा होता है जो कि आमतौर पर मदर की ब्लड में जो भी हार्मफुल चीजें हैं उनमें से अधिकतर को तो रोक लेता है कि जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो बैरियर फुल प्रूफ नहीं होता, उस बैरियर से कुछ हार्मफुल चीजें पार करके जा सकती है, यूजफुल चीजें तो करती है जैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज ये सब तो जाता ही है, कुछ हार्मफुल चीजें भी कई बार पहुंच जाती है, तो बताइए ये बैरियर किसको नहीं रोक सकता, कौन सी चीजें मदर ब्लड से फीटल सर्कुलेशन में आ सकती हैं, उनमें से आपको चुनना है, एड्स का वायरस आ सकता है, तो आंसर है बिल्कुल आ सकता है भाई, चांसेस होते हैं कि अगर मदर इन्फेक्टेड है एचआईवी पॉजिटिव है तो बेबी में भी एचआईवी के आने के 25-33% चांस होते हैं, तो ये वाली चीज ग्लूकोज, ग्लूकोज तो अच्छी चीज है, मदर के ब्लड में से ग्लूकोज तो जाना चाहिए बेबी के अंदर,
तो ये तो जाएगा बिल्कुल, ये बैरियर नहीं कर रोक नहीं सकता प्रेजेंट है इसको। सिफिलिस बैक्टीरिया, हाँ सिफिलिस एक एसटीडी डिजीज है, ये सिफिलिस डिजीज के बैक्टीरिया को भी प्लेजेंटा नहीं रोक पाता, सिफिलिस चला जाता है और बेबी को भी अफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ को। और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, अब तो यही चुनना पड़ेगा क्योंकि तो तीनों की तीनों बात सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75, इजेक्युलेटरी डक्ट एंटर्स इनटू ए, वी हैव टू फिल समथिंग हियर, ये ए में कुछ भरना है, एंड ओपन्स इनटू बी, यानी बी में भी कुछ आएगा, हियर ए एंड बी आर, ए और बी यहां पर है। अब इजेक्युलेटरी डक्ट क्या होती है पहले तो ये समझिए, स्खलन वाहिनी, जब शुक्रवाहक या वास डिफरेंस बनती है निकलती है और उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होती है, उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर एक लूप बनाती है, मूत्राशय के चारों ओर ऐसे घूमती है और यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर लूप बना के जब वो नीचे आती है तो सेमाइनल वेसिकल यानी कि ये शुक्राशय ग्रंथि की नलिका या ट्यूब से जुड़ जाती है। तो वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब ये दोनों एक दूसरे से यूनाइट हो जाती हैं और उसके आगे वास डिफरेंस का नाम हो जाता है इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है जो कि सेमाइनल वेसिकल ट्यूब से मिलने के बाद वास डिफरेंस को ही कह रहे हैं, वो इजेकुलेटरी डक्ट कहां एंटर करेगी, किसके अंदर जाएगी और फिर किसमें खुलेगी। तो अगर इस चित्र को आप देखें एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम, डायग्राम 3.1, इस डायग्राम में बहुत साफ नजर आ रहा है हमें कि ये वास डिफरेंस निकली, स्क्रॉटम से बनके शुरू होती है, स्क्रॉटम से शुरू होकर ये आई एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में और यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर एक लूप बना रही है, लूप बना के जब वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ आती है तो यहां पर सेमाइनल वेसिकल, ये ग्लैंड पिंक कलर का दिखाया है, उसकी ट्यूब से जुड़ जाती है, उसकी डक्ट से यूनाइट हो जाती है और उस डक्ट से यूनाइट होने के बाद उसका नाम हो जाता है इजेकुलेटरी डक्ट, ये लिखा हुआ है इजेकुलेटरी डक्ट। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे इजेकुलेटरी डक्ट कहां एंटर कर रही है तो ये पता चलता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जा रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंटर हो रही है और प्रोस्टेट बैठा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे तो उसके अंदर जा रही है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक बीच में से निकलती है यूरेथ्रा यानी यूरिन कैरिंग डक्ट, मूत्र नलिका बिल्कुल बीच में से होके गुजरती है। तो ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली यूरेथ्रा या मूत्र नलिका उसी प्रोस्टेट के बीच में से होती हुई निकल रही है और इजेकुलेटरी डक्ट इसी प्रोस्टेट में एंटर होगी और फिर यूरेथ्रा में खुल जाएगी। तो प्रोस्टेट में जाना है और यूरेथ्रा में खुलना है इजेकुलेटरी डक्ट को। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस हिसाब से हमारे ए वाली जगह आना चाहिए प्रोस्टेट और बी वाली जगह खुद किसमें खुल जाती है वो आना चाहिए मूत्र नलिका। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां पर ए में आना चाहिए प्रोस्टेट और बी में आना चाहिए यूरेथ्रा। अब ए में तो नहीं लिखा, ये वाला पहला ऑप्शन सही नहीं लग रहा, दूसरा ऑप्शन सही नहीं लग रहा, तीसरे में देखिए ये प्रोस्टेट और ये यूरेथ्रा, इसका सीधा मतलब है कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, यहां पर आना चाहिए प्रोस्टेट, यहां पर आना चाहिए यूरेथ्रा। तो ये डायग्राम की स्टडी करके आपको ये चीज समझ में आती है, एनसीईआरटी का हर डायग्राम हर टेबल हर चार्ट महत्वपूर्ण होता है, तो उसे देखकर ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन दूसरा है यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, यूरेथ्रल मीटस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यूरेथ्रल मीटस असल में एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, मूत्र नलिका का बाह्य द्वार है। जिनके पास नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये वाले शब्द हटा दिए गए। तो एनसीईआरटी जो दो एडिशन पुरानी है या एक दो एडिशन पुरानी है उसमें ये वाला क्वेश्चन है कि यूरेथ्रल मीटस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है या यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, वैसे मीटस का मतलब कैनाल होता है,
मीटस का मतलब होता है ऐसी कैनाल जो बाहर की ओर खुल जाए, तो इस मीटस में कैनाल वाली चीज बात छुपी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा को कहती है। और ये यूरेथ्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूरेथ्रल मीटस की बात हो रही है। जैसे कान के अंदर भी हमारे क्या गई हुई है, ऑडिटरी मीटस, तो ये मीटस एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी ये कैनाल यहां पर भी है, उसे भी मीटस ही कह रहे हैं, ये भी बाहर की ओर खुल रही है। तो जो कैनाल बाहर की ओर बॉडी के खुल जाती है उसे मीटस कह सकते हैं। इस हिसाब से ये जो पहला है ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है। इंटरनल ओपनिंग या भीतरी द्वार से कोई मतलब ही नहीं है, बॉडी के बाहर खुलनी चाहिए, ध्यान रखिए। और यूरेटर से कोई मतलब नहीं है, यूरेटर तो वो ट्यूब होती है जो किडनी से चलकर यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, उन्हें कहते हैं यूरेटर या मूत्रवाहिनी। और लास्ट में मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये डक्ट है DUCT, तो ये डक्ट जो कि मूत्रजनन वाहिनी को घेरे हुए है, उस मसल का कोई रिलेशन मीटस से नहीं है। मीटस तो उस नलिका को या उस कैनाल को कहते हैं जो बॉडी के बाहर एक चौड़े से छेद से खुल जाती है। तो हमारा होना चाहिए आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोरुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो लाइज बिटवीन, मोरुला स्टेज किसके बीच में आती है, लाइज इन बिटवीन। तो मोरुला स्टेज दो स्टेजेस होंगे जिनके बीच में आती होगी, तो वो कौन सी दो स्टेजेस हैं उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज मोरुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो लाइज बिटवीन, भ्रूण विकास की मोरुला अवस्था निम्न के मध्य आती है। तो भाई मोरुला स्टेज होती है जो 8-16 सेल्ड होती है, 8-16 कोशी की अवस्था होती है। और इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज के बीच, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट होता है सिंगल सेल, क्लीवेज शुरू हुए, तो क्लीवेज शुरू हुए तो पहले सिंगल सेल जायगोट बनेगा 2 सेल 4 सेल, तो इसका सीधा मतलब है मोरुला जो कि 8-16 सेल्ड है इन दो के बीच में तो अभी नहीं आ सकती। फिर आता है क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट। अब क्लीवेज चल रहे हैं 2 सेल 4 सेल 8 सेल होते ही हम देखेंगे मोरुला स्टेज आ गई। उसके बाद मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है, और जिसमें हमेशा 32 सेल से या 32 सेल से ज्यादा ही होता है, तो 32 सेल या उससे ज्यादा सेल्स, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई, उसके अंदर एक कैविटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, मोरुला में तो कैविटी होती नहीं है। तो क्लीवेज हुए, पहले सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरुला बना, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आया, जैसे कि एनसीईआरटी में ये देखिए साफ लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी में अगर ये वाला डायग्राम देखें कि ये डायग्राम क्या है, उसके हिसाब से आप समझ सकेंगे कि लिखा हुआ है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव्स, दीज आर कॉल्ड क्लीवेज, और इसमें आगे लिखा है फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, द एम्ब्रियो विद 8-16 सेल ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। तो 8-16 सेल होता है वो मोरुला होता है। एंड आगे लिखा हुआ है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। इस हिसाब से ऑब्वियस है हमारी चॉइस, हम साफ साफ कह सकते हैं कि हो नाउ ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, उसके बाद तो गैस्ट्रोला या ऑर्गेनोजेनेसिस, न्यूरूला, ये सारी स्टेजेस आती है, ये मोरुला स्टेज तो ब्लास्टोसिस्ट के पहले ही आती है। और सीधी बात है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट नहीं है, दिस वन इज करेक्ट, क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 78, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, ऑप्शन 1 जोना पेलुसिडा, ऑप्शन 2 कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन 3 जोना एडियरेंस, और ऑप्शन 4 जोना ग्लोमेरुलोसा। उसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एग बाहर आता है ओवरी से, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग, उसमें अंडाणु के बाहर की जो झिल्ली है जो कि आवरण के रूप में, जो कि कवरिंग के रूप में, क्योंकि अंडाणु की झिल्ली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे ऊलेमा कहते हैं या एग मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन उसके बाहर भी एक झिल्ली है जो उसे कवर कर रही है, तो बताइए वो झिल्ली कौन सी है। तो देखिए
झिल्ली जो कि ठीक ओवम के बाहर बैठी होगी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और आपको पता है ओव्यूलेशन के अगले 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, फर्टिलाइजेशन 24 घंटों के दौरान। तो आप अगर ये वाला डायग्राम देखेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले वाला, इसका सीधा मतलब है कि यहां पर ओव्यूलेशन 24 घंटे के पहले ही हुआ है। तो 24 घंटे के आसपास पहले ओव्यूलेशन होने के कारण हमको अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन इसी तरह का हुआ होगा। ओव्यूलेशन के समय इस एग में क्या क्या होता है, बीच में बैठा ओवम दिख रहा है, इसके बाहर आप एक रेड या पिंक कलर की एक मेम्ब्रेन देख रहे हो, और वो पिंक मेम्ब्रेन को इन्होंने नाम दिया है जोना पेल्यूसिडा। ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये डेफिनेटली वो मेम्ब्रेन है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, शर्करा प्रोटीन से। तो ये शर्करा प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये सेल से नहीं बनी है, हाँ जोना पेल्यूसिडा के और बाहर सेल से बनी हुई एक और मेम्ब्रेन मिलेगी, एक और लेयर मिलेगी जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये सब कुछ निकल कर आ जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो उसमें खाली एक ओवम या एग ही नहीं निकलता, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, ये सब भी ओवरी से बाहर आ जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में बहुत साफ दिख रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन के 24 आवर्स के अंदर ही आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये डायग्राम फर्टिलाइजेशन होने के टाइम का है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बाहर ठीक आपके मिल रही है जोना पेल्यूसिडा, दिस शुड बी द आंसर। अब अगर हम बाकी की नाम है कोरोना रेडिएटा, तो भाई कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन जैसी नहीं है, यहां पर आपको यह भी तो ध्यान रखना है कि वो मेम्ब्रेन जैसी होनी चाहिए, तो ये झिल्ली समान होना चाहिए, ये भी तो ध्यान दो। कोरोना रेडिएटा झिल्ली जैसा नहीं होता है, और कोरोना रेडिएटा झिल्ली जैसा अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली हमारा आंसर जोना पेल्यूसिडा होना चाहिए, क्योंकि वो ग्लाइकोप्रोटीनस मेम्ब्रेन है। अब यहां पर जोना एडियरेंस भी वर्ड लिखा हुआ है, तो जोना एडियरेंस जैसी कोई चीज नहीं है, जोन्यूला एडियरेंस जरूर होता है, एपिथेलियल टिश्यू आपस में जुड़े रहते हैं एडियरिंग जंक्शन डेस्मोसोम जैसों से, तो वो मैक्यूला एडियरेंस, जोन्यूला एडियरेंस, इस तरह के उनके नाम होते हैं, ये सेल टू सेल जंक्शन वाले नाम हो सकते हैं। और जोना ग्लोमेरुलोसा, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक सेल लेयर का नाम है। ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इससे मिनरलो कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स निकलते हैं, लेकिन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है उसके एक सेल लेयर का नाम है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए जोना पेल्यूसिडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एक ऐसा है जो दूसरों से थोड़ा अलग है, तो उसमें से ऑड वाले को आपको अलग करना है। इन चार नाम में से तीन नाम एक ही किसी बात से रिलेटेड है, चौथी बात थोड़ी अलग है। अब इसमें लिखा है स्थमस, वेजाइना, हाइमन और सर्विक्स। अब आपको याद होगा कि स्थमस भाग फेलोपियन नलिका का है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में तीन भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो ये स्थमस दिख रहा है, इसके बाद वेजाइना, योनि, हाइमन और सर्विक्स। इसमें हाइमन वो झिल्ली है जो कि पार्शियली वेजाइना को कवर करती है, यानी आंशिक रूप से ढकती है वेजाइना को। अब इनमें से सर्विक्स आपको मालूम है गर्भाशय यानी यूट्रस का नीचे नैरो पार्ट, तो स्थमस, वेजाइना, सर्विक्स, ये जो तीन भाग है इन तीन भागों से फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो गुजरता है, यानी ये तीन भाग जो है ये एक्सेसरी डक्ट्स में आते हैं, एक्सेसरी जेनाइटल डक्ट्स इन फीमेल ऑफ फीमेल, इसमें आते हैं। ये थोड़ा अलग है भाई, और ये अलग कैसे है, क्योंकि ये हाइमन जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग का भाग है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर ये आता है तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि ये बाकियों से अलग हो गया, हमारा आंसर होना चाहिए हाइमन। नेक्स्ट लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग द एब्डोमिनल कैविटी वासा डिफरेंशिया टर्न अराउंड विच ऑर्गन टू मीट द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। क्वेश्चन है कि उदर गुहा में पहुंचकर किस अंग के चारों ओर घूमकर शुक्रवाहक अंततः शुक्राशय नलिका से जुड़ती है। तो भाई वास डिफरेंस जो होती है या वासा डिफरेंशिया जो होते हैं वो स्क्रॉटम या वृषण गुहा से शुरू होकर उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है नलिकाएं, और फिर एक ऑर्गन ऐसा है जिसके चारों ओर लूप बनाती है। इनके चारों ओर लूप बनाने वाली बात एनसीईआरटी में लिखी है, और वो ऑर्गन जिसके चारों ओर ये लूप बनाएंगी और फिर नीचे आकर सेमिनल वेसिकल की डक्ट से जुड़ जाएंगी, वो ऑर्गन जिसके चारों ओर लूप बनेगा वो है यूरिनरी ब्लैडर, और उसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं और वो लिखा भी है। तो डायग्राम में भी देख सकते हो और लिखा भी है, इसका सीधा मतलब है कि हमारा ये वाला डायग्राम रेलेवेंट है। इसमें हमें दिख रहा है कि ये वास डिफरेंस किसके चारों ओर चक्कर खा रही है। इसमें येलो कलर वाला पार्ट को देखो, इसमें येलो कलर भरा हुआ है, वो येलो वाला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। इसके चारों ओर वासा डिफरेंशिया यानी दोनों की दोनों वास डिफरेंस घूम रही है, लूप बना रही है। इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि इट, ये लिखा है, एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड यानी ऊपर चढ़ती है टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन में ऊपर चढ़ जाती है एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर चारों लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के मूत्राशय के। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्वियस चॉइस है हमारी, स्टमक हो नहीं सकता, लिवर हो नहीं सकता, यूरिनरी ब्लैडर और टेस्टिस में यूरिनरी ब्लैडर होगा। ये लीजिए, दिस शुड बी द आंसर, मूत्राशय आंसर होगा। तो एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम समझ के और फिर उनका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन अ मेल, इन अ ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल में प्रोस्टेट ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, कितने मिलते हैं आखिर। तो यहां पर बहुत साफ लिखा है कौन कौन से ग्लैंड मिल रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय तो पेयर में दो हैं, अप्रोस्टेट, देखो आ लिखा है आगे, ए प्रोस्टेट का मतलब है एक प्रोस्टेट, अप्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होते हैं, वो भी दो होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय दो हो गए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो हो गए, लेकिन अप्रोस्टेट, प्रोस्टेट केवल एक है। तो इस हिसाब से साफ साफ यहां दिख रहा है कि प्रोस्टेट एक है, पेयर में नहीं है। नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन अ मेल ह्यूमन, आंसर होना चाहिए वन, टू हो नहीं सकता, वन पेयर, पेयर में तो है ही नहीं वो, पेयर का मतलब भी दो होता है और टू पेयर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, टू पेयर का मतलब हो जाएगा चार, तो चार तो है नहीं यहां पर, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेल आर। क्वेश्चन है वयस्क मानव नर के वृषणों में शुक्रजनक नलिकाओं की संभावित संख्या क्या होगी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर स्पेलिंग टेस्टिस की देखो पहले, तो इसका मतलब ये प्लूरल में, प्लूरल यानी बात हो रही है टू टेस्टिस की। देखो TESTIS अगर लिखा हो तो ये एक वचन होता है और TESTES लिखा हो तो बहुवचन होता है, इसका मतलब यहां दो टेस्टिस की बात चल रही है। यहां पर तो बहुत साफ लिखा है वृषणों, बहुवचन में लिखा दिख रहा है, तो एक एक वृषण में कितनी होती है, तो पता चलता है हर एक टेस्टिस 250 चैम्बर या कोष्ठ में बटी होती है, 250 कमरों में बटी है एक एक टेस्टिस। हर कमरे या कोष्ठ यानी लोब्यूल के अंदर आपको मिलेंगी लगभग तीन नलिकाएं, तीन तीन हो सकती हैं, कभी एक भी दो भी, आमतौर पर तीन होती हैं। तो अगर तीन तीन मान ले अपन हर कमरे में, तो एक टेस्टिस के 250 चैंबर्स और हर चैंबर में तीन तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इस हिसाब से 250 कमरों में 750 हो जाएंगी। पर ये तो एक टेस्टिस की बात है, यहां तो दोनों टेस्टिस के लिए पूछा हुआ है, तो आसान है, एक टेस्टिस में 750 तो दो टेस्टिस में मिला के 1500। ये ये हमारे ऑब्वियस चॉइस हो गए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिकाएं जब दोनों टेस्टिस या दोनों वृषणों की टोटल काउंट करोगे तो 1500 के आसपास आते हैं। तो ये आंसर इस तरह से हमको पता चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में वेजाइनलाइज टू इन बिटवीन यूरेथ्रा एंड रेक्टम, वेजाइनलाइज वेंट्रल टू यूरेथ्रा बट डॉर्सल टू रेक्टम, वेजाइनलाइज वेंट्रल टू बोथ यूरेथ्रा एंड रेक्टम, और यूरेथ्रालाइज इन बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। अब यहां पर पूरा खेल डॉर्सल वेंट्रल का ही है, और ये वो कर सकता है वो वाला क्वेश्चन जिसे ना केवल डॉर्सल वेंट्रल पता हो बल्कि इस डायग्राम को भी जो स्टूडेंट देख कर आया हो। ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से आपको तीन ट्यूब्स या नलिकाएं मिलती हैं, एक होती है यूरेथ्रा, एक होता है रेक्टम, रेक्टम बाहर खुलता है एनस से, ये एनस है, ये है रेक्टम, ठीक है, और ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और इन दोनों के बीच में दिखाया गया है वेजाइना, तो इन दोनों के बीच में ये है वेजाइना, तो ये वेजाइना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बॉडी में जो फीमेल की बॉडी है उस फीमेल की बॉडी में ये वाले हिस्से में नेवल है, नेवल मतलब बेली बटन, जिसको टुंडी कहते हैं ना, बेली बटन यहां पे होता है, इसका सीधा मतलब है ये वाला पार्ट होता है वेंट्रल, वेंट्रल, और ये पीठ वाला साइड है ये हो जाएगा डॉर्सल, तो डॉर्सल को कहते हैं हिंदी में पृष्ठ, तो पीठ हमारी पृष्ठ या डॉर्सल होती है, और ये वेंट्रल को कहते हैं अधर, अधर, ये लीजिए। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भाई ये तीन ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको, और इन तीन ट्यूब्स के हिसाब से कहां क्या है, शुरुआत करते हैं, वेजाइना लाइज इन बिटवीन यूरेथ्रा एंड रेक्टम, वेजाइना लाइज इन बिटवीन यूरेथ्रा एंड रेक्टम, रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में वेजाइना है, पहला ही देख लो और ये चित्र देख लो, और ये वाला डायग्राम पढ़ के आना चाहिए इसके लिए, ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सी चीज कहां बैठे, तो पहला ही सही है भाई, ये पहला ही सही हो गया, लेकिन बाकी क्यों गलत है उसको देख लीजिए। वेजाइना लाइज वेंट्रल टू यूरेथ्रा, वेजाइना जो है वो यूरेथ्रा के वेंट्रल है, तो हो ही नहीं सकता, वेंट्रल तो इस तरफ होता है, ये तो कहना चाहिए डॉर्सल है, यूरेथ्रा के डॉर्सल तरफ है, तो ये वाली बात गलत हो गई वेंट्रल वाली, यहां तो डॉर्सल लिखा होना चाहिए था, ठीक है, तो ये शुरुआत की लाइन ही गड़बड़ हो गई, वेजाइना लाइज वेंट्रल टू यूरेथ्रा बट डॉर्सल टू रेक्टम, डॉर्सल टू रेक्टम अगर होती वेजाइना तो इस तरफ होनी चाहिए थी, तो इस हिसाब से पूरा गलत है। दूसरा, वेजाइना लाइज वेंट्रल टू बोथ, वेजाइना जो होती है वो यूरेथ्रा और रेक्टम के वेंट्रल तरफ होती है, तो गलत है, क्योंकि ये यूरेथ्रा के तो डॉर्सल साइड है, तो ये भी गलत हो गया भाई। यूरेथ्रा लाइज इन बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, यूरेथ्रा जो होता है यानी मूत्र नलिका जो होती है वो वेजाइना और रेक्टम के बीच में होती है, गलत, वेजाइना और रेक्टम के बीच में ये इधर थोड़ी ना है बीच में, ये तो इस तरफ है यानी वेंट्रल साइड, तो ये आपको देखकर समझ में आ रहा है कि ना केवल डॉर्सल वेंट्रल बल्कि ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडस इज अ पार्ट ऑफ, फंडस किसका भाग है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 11th में जो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक का स्ट्रक्चर याद होगा, स्टमक याद करो इस तरह का था, इस तरह का, ये स्टमक जो है, ये आमाशय जो है स्टमक, आप देखोगे कि इस स्टमक का ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इसे कहते हैं फंडस, फिर बाकी हिस्से भी आपने पढ़े होंगे, ये है कार्डियक, ये है पाइलोरिक, याद आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे कि फंडस शब्द हमने अब 12th में किस वाली चीज में देखा या पढ़ा है, तो ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये देखो, ये इसमें वूम्ब या यूट्रस का डायग्राम है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो इस चीज को, ये ऊपर लिखा हुआ है यूट्राइन फंडस, ये देखो यूट्राइन फंडस, तो इसका मतलब यूट्रस या गर्भाशय को अगर हम बनाएंगे ऐसे बनाते हैं, ये लीजिए, ये है यूट्रस गर्भाशय, तो इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है
ये वाला, ये ऊपरी हिस्सा कहलाता है फंडस, ये यूट्राइन फंडस है, बस इतना अंतर है। तो यहां भी फंडस, यहां भी फंडस, इसका सीधा मतलब है स्टमक में भी मिलेगा, दूसरा यूट्रस, तीसरा बोथ वन एंड टू, और चौथा फेलोपियन ट्यूब। आंसर होना चाहिए बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपके 11th वाले एनसीईआरटी में भी है और भैया 12th वाले में भी आ गया एक जगह पे फंडस, तो आपको दोनों को रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेस्ट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ, स्तनों में विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत साफ सीधा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जहां पर मेमोरी ग्लैंड का चित्र दिया है। ये देखिए, ये मेमोरी ग्लैंड्स है, स्तन है, दूध ग्रंथियां, तो मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट एक ही बात है। तो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट, ये देखो लिखा हुआ है, मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बहुत साफ लिखा है और मैं पढ़ देता हूं जस्ट फॉर यू से, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स और ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये देखो साफ लिखा है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसका मतलब फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज जो अलग अलग होता है वो फैट्स के कारण होता है। तो फैट्स जो है, वसा जो है, उसके कारण हमको दिखता है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट किसी के थोड़े ज्यादा बड़े हैं, किसी के थोड़े छोटे हैं, केवल फैट्स के कारण। क्योंकि ग्लैंडुलर जो टिश्यू है उसमें तो 15-20 मेमोरी लोब सबके मिलेंगे, 15-20 मेमोरी लोब्स के आसपास ही होते हैं हर फीमेल में, लेकिन क्योंकि फैट्स की मात्रा अलग अलग होती है इसीलिए स्तनों का आकार, ब्रेस्ट का साइज अलग अलग हो जाता है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का है ये, ब्रेस्ट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स, वसा या चर्बी अलग अलग अमाउंट की होती है, बाकी तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं, ना प्रोटीन ना ग्लैंडुलर टिश्यू, बोथ वन एंड थ्री गलत हो गया। याद रखना ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, केवल फैट्स के लिए ये चीज लिखी है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड ओपन्स इनटू निप्पल, स्तन ग्रंथि का निम्न में से एक भाग सीधे चुचुक में खुल जाता है। तो भाई ठीक है, सीधे चुचुक या निप्पल में खुलने वाले पार्ट को देखना है, डायग्राम देख लो। ये डायग्राम जो है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा हिस्सा निप्पल है, या निप्पल किससे नामांकित किया गया है, इस हिस्से को, यह लिखा है निप्पल, यहां इस निप्पल के ठीक पीछे, यानी कि इसमें कौन सा हिस्सा खुलता हुआ इन्होंने दिखाया है, तो पता चलता है ये लिखा है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध जन्य वाहिनी, ये वाली जो चीज है ये साफ डायग्राम में दिख रही है, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ निप्पल, निप्पल पर सीधा खुल जाती है। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं कि लैक्टिफेरस डक्ट वो चीज है जिससे बच्चा सक करता है मिल्क को, वो लैक्टिफेरस डक्ट सीधे निप्पल पे खुल रही है। इस हिसाब से डायग्राम से साफ समझ में आ रहा है कि लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल पे खुलती है, तो मेमोरी डक्ट हो नहीं सकता, लैक्टिफेरस डक्ट ही आ गया, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसके लिए हमें डायग्राम को ध्यान से देखना था, तो लैक्टिफेरस डक्ट शुड बी आवर आंसर, और कोई हो नहीं सकता, मेमोरी एम्पुला हो नहीं सकता, क्योंकि कई सारे मेमोरी एम्पुला मिलकर एक लैक्टिफेरस डक्ट को बनाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो दूर होगा निप्पल से, मेमोरी एल्वियोलर या दुग्ध कूपिका, ये भी गलत है। तो सीधी बात है, हमारा आंसर है आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सेल्स लाइंग क्लोजेस्ट टू द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर, वे कोशिकाएं जो शुक्रजनक नलिका की भीतरी भित्ति के बिल्कुल पास बैठी है, बताइए वो कौन सी है। तो भाई शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसकी क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें, जैसा कि ये बताया गया है, ये देखो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का देखिए, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल कहां है, ये रहे, ये है वॉल, और इस वॉल के सबसे नजदीक की कोशिकाएं, सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास की, जरा देखो क्या लिखी है, स्पर्मेटोगोनियम, इसे चिपकी हुई दिख रही है इसकी वॉल से, इसकी भित्ति से, यह लिखा है स्पर्मेटोगोनियम।
यानी हमारा आंसर तो भाई सबसे हिसाब से स्पर्मेटोगोनिया होना चाहिए। उससे दूर चलते जाओ तो क्या दिख रहा है, उससे दूर जाएंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। सबसे दूर तो स्पर्मेटोजोआ है, सबसे दूर, सबसे पास है स्पर्मेटोगोनिया एज पर दिस डायग्राम। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम अगर ध्यान से देखा होता तो ये आंसर सीधे पहुंच सकते थे। इसमें स्पर्मेटोजोआ हो नहीं सकता क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का मतलब तो स्पर्म ही होता है जो कि सबसे दूर है। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम ये सही लग रहा है, डायग्राम में साफ दिख रहा है हमको कि वो सबसे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वॉल के और स्पर्मेटिड नहीं है, स्पर्मेटिड दूर होते हैं। लेडिक सेल तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भी बाहर होते हैं, वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट ही नहीं है। तो सीधी बात है कि ये भी हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर होना चाहिए स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड। एक परिपक्व मानव शुक्राणु में प्लाज्मा झिल्ली निम्न के चारों ओर मिलती है। तो भाई क्यों ना डायग्राम की सहायता फिर से ली जाए एनसीईआरटी के, कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख तो पाएंगे। जरा देखो ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में स्पर्म या शुक्राणु दिखाए गए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या यहीं का यहां की लेबलिंग की गई है? तो हां भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबसे बाहर दिख रही है जो एक्रोसोम को भी ढक रही है। तो एक्रोसोम को ढककर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ेगी, न्यूक्लियस के चारों ओर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते जाइए और उसकी पूंछ की तरफ जब आ जाएंगे तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। हां बस पूंछ का सबसे अंतिम सिरा लास्ट एंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकल गया, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं ढक रही है, बाकी पूरी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक भाग को स्पर्म के ढक रही है सिवाय टेल के लास्ट छोटे से पार्ट को छोड़कर। इस डायग्राम को देखो, उससे आइडिया हो जाएगा। तो टेल का लास्ट पार्ट बस थोड़ा सा बाहर निकला है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं ढक रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक्सटेंड होना वाला जो पार्ट है छोटा सा, उसको छोड़ दो, बाकी सब जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे ढकती है? ओनली न्यूक्लियस ऑफ हेड, केवल न्यूक्लियस को जो हेड में, गलत, बोथ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम ऑफ हेड बट नॉट अराउंड नेक एंड मिडिल पीस। नेक और मिडिल पीस को नहीं, केवल हेड को और नेक को ही ढकती है। तो पता चलता है नहीं भाई, नहीं, हेड और न्यूक्लियस और एक्रोसोम को ही ढकती है। तो ये भी गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो केवल पूंछ के लास्ट हिस्से को, छोटे से हिस्से को छोड़ के बाकी सबको ढक रही है। Head, neck, middle piece and tail, but not around acrosome. Acrosome को नहीं ढकती, बाकी सब चीजों को ढकती है। तो ये भी गलत है। हमारे डायग्राम में तो acrosome के ऊपर से जो गुजर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको पूरा लेबल किया गया है सीधा। तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब लास्ट बचा है whole sperm except the last portion of tail. पुच्छ के अंतिम भाग को छोड़कर संपूर्ण शुक्राणु पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यही सही है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू नीड टू गो थ्रू ऑल द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी रिलेटेड टू स्पर्म। तो ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, अगर वो डायग्राम में ध्यान से देखा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां नहीं है उसको आप एकदम नोटिस कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A large bulging on the ovary surface indicates growing. अंडाशय सतह पर एक विशाल उभार इसके विकास का सूचक है। नंबर वन रक्त वाहिकाओं के यानी ब्लड वेसल के, नंबर टू कॉर्पस एल्बिकेंस के, नंबर थ्री ग्रेफियल फॉलिकल के और नंबर फोर कैंसर ट्यूमर के। तो भाई सीधी बात है कि अगर ओवरी की बाहर की तरफ एक बहुत मोटा उभार नजर आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ऐसी फॉलिकल डेवलप हो रही है जो बहुत बड़ी हो चुकी है, जो लगभग 18-20 मिलीमीटर हो चुकी है। 18-20 मिलीमीटर साइज की हो जाती है जब वो ग्रेफियल फॉलिकल स्टेज में आती है और तब जाके ओव्यूलेशन होता है। तो जो लोग इनफर्टिलिटी से पीड़ित होते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग टेक्निक है, आपने पढ़ा होगा ART, है ना। तो ART या ये वाली जो चीज है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वाली, उसमें फीमेल कब ओव्यूलेशन करने वाली है, ओव्यूलेट कब होगी, उसके लिए ओवरी की वॉल कितनी उभरी हुई है इसको देखा जाता है।
तो ओवरी की वॉल को पालपेट करते हैं, यानी छू कर देखते हैं, महसूस करते हैं कि भाई कितनी ओवरी कहीं से फूली हुई है क्या। तो जैसे आप किसी कारपेट के नीचे एक ईंट रख दो, है ना, एक कालीन है उसके नीचे एक ईंट में रख दो, तो कारपेट का वो वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। अपन ऊपर से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कारपेट के नीचे या कालीन के नीचे कोई चीज रखी है, तभी तो कालीन का वो हिस्सा उभरा हुआ। एग्जैक्टली यही बात होती है ग्रेफियन फॉलिकल के मामले में। जब ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होता है ओवरी में, तो ओवरी का एक हिस्सा जहां ग्रेफियन फॉलिकल बैठा है वो हिस्सा बहुत बाहर उभर के आ जाता है, जैसे कि कालीन के नीचे हम ईंट रख दें वैसा कुछ हिस्सा। तो ये वाली चीज इस डायग्राम को देखकर समझ में आ जाएगी आपके। ये देखो ये डायग्राम, इसमें ओवरी में थोड़े बहुत उभार इधर उधर है, लेकिन जहां ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है जरा उस उभार पर नजर तो डाल लो। ये देखो ये वाला हिस्सा कितना ज्यादा उभर के आ गया है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल बनने को इंडिकेट करती है, ये इसका सूचक है। अगर ओवरी की बाहर की सरफेस पे एक मोटा सा बल्ज दिख रहा है, एक मोटा सा उभार दिख रहा है, तो ग्रेफियन फॉलिकल वहां डेवलप हो चुका है, हो ना हो कुछ घंटों में ओव्यूलेशन भी होने वाला है, ये आइडिया हो जाता है। तो ये यहां पर लार्ज बल्जिंग ये डायग्राम में दिख रही है हमको। उस डायग्राम में जहां पे बल्ज दिख रहा है उसके नीचे क्या बैठा है जरा वो भी आप देख लेते तो ये वाला क्वेश्चन कर पाते। तो इसमें ब्लड वेसल का कोई मतलब नहीं, कॉर्पस एल्बिकेंस तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और फिर वो काम करना खत्म करेगा तब बनेगा, ये किसी काम की बात नहीं है। ये है हमारा आंसर ग्रेफियन फॉलिकल, एक मेच्योर एक राइपन ओवेरियन फॉलिकल स्टेज आ रही है ये इंडिकेट हो रहा है। तो ग्रेफियन फॉलिकल ग्रेफियन पुटक हमारा आंसर होना चाहिए। कैंसर ट्यूमर से कोई रिलेशन नहीं है, कैंसर ट्यूमर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे हमें दिखाई देगा, वो किसी और जगह भी हो सकता है। हो सकता है वो जो कैंसर ट्यूमर है वो पूरी ओवरी पे असर डाले, ऐसा भी हो सकता है, उसके छोटे पार्ट पे भी असर डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे बल्ज वाली बात कहाँ आई, बल्जिंग वाली जो बात है वो तो ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलप होने का इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड द सेल्स दैट डिवाइड ओनली बाय माइटोसिस आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा उलझाया गया है। सबसे पहले आपको उन सेल्स को चुनना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में है, जो कि क्या नहीं करेंगे, डू नॉट डिवाइड, जो कि डिवाइड नहीं होते आगे चल के, फिर उनमें ना माइटोसिस होगा ना मियोसिस होगा। पहले तो उन सेल का नाम चुनना है, और दूसरे वो है जो कि डिवाइड ओनली बाय माइटोसिस, दूसरे ऐसे जो केवल माइटोसिस ही करते हैं, मियोसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बताइए वो दोनों तरह के सेल्स का नाम इनमें खोजना है हमें। तो एक वो है जो कि डिवाइड ही नहीं होंगे आगे चल के, और एक वो है जो केवल माइटोसिस करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं स्पर्मेटिड। अब भाई स्पर्मेटिड तो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि आगे चल के स्पर्मेटिड डिवाइड नहीं होते, स्पर्मेटिड तो स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, तो पहली चीज तो सही जुड़ रही है। क्या दूसरी भी सही जुड़ रही है, डिवाइड बाय माइटोसिस, हाँ ये भी सही है। स्पर्मेटोगोनिया तो माइटोसिस ही करते हैं, मियोसिस तो करते ही नहीं है, मियोसिस कौन करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन से वो सेल्स हैं जो मियोसिस करते हैं, तो सुनो ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड करता है। तो स्पर्मेटोसाइट वर्ड अगर आएगा तो होगी मियोसिस, तो इसका मतलब ये पहला सबसे बढ़िया लग रहा है, स्पर्मेटिड जो कि कोई डिवीजन नहीं करते डू नॉट डिवाइड, और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया जो केवल माइटोसिस करते हैं, ये पहला सबसे बढ़िया आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसमें लिखा है डू नॉट डिवाइड, ये तो गलत हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो मियोसिस सेकंड करेंगे, तो ये हमारा तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा स्पर्मेटोगोनिया, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या डू नॉट डिवाइड, ये तो गलत है, स्पर्मेटोगोनिया तो डिवाइड करते हैं ना, माइटोसिस करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अगला स्पर्मेटोजोआ, ये सही है, स्पर्मेटोजोआ जो है वो डिवाइड नहीं करते, स्पर्मेटोजोआ इज अनदर नेम फॉर स्पर्म्स, स्पर्म का एक दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ होता है, तो ये तो डिवाइड नहीं करते, पर दूसरे वाले स्पर्मेटिड ये भी तो डिवाइड नहीं करते, तो दोनों जगह डिवाइड नहीं करने वाले आ गए, ये भी हम चुन नहीं सकते। हमें ऐसा चुनना था जिसमें पहले उस सेल का नाम लिखा हो जो डिवाइड नहीं करता है,
और दूसरी जगह पर उसका नाम लिखाओ जो केवल माइटोसिस करता है, उस हिसाब से हमें चूज करना। तो हमारा पहला ऑप्शन बेस्ट है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीमेल्स द सेल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ बिफोर बर्थ आर, तो बर्थ के पहले, जन्म के पहले फीटल लाइफ में कौन से सेल्स बनते हैं? अब ये देखने के लिए इस डायग्राम पर दोबारा आ जाओ। ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको बहुत साफ साफ लिखा रहेगा इन फीटल लाइफ, ऐसे करके बताएंगे। ये जो फीटल लाइफ, ये लिखा हुआ है फीटल लाइफ, इसके आगे कौन से सेल्स के नाम लिखे हैं? तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एक ऊगोनिया यहां लिखा दिख रहा है, और दूसरे नंबर पर ये देखो प्राइमरी ऊसाइट लिखा है। तो ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट जैसे सेल केवल भ्रूणी अवस्था या फीटल लाइफ में ही बनते हैं। इसके आगे फिर प्राइमरी जो ऊ साइट है वो आगे चल के जरूर, जब वो 13-14 साल की हो जाएगी फीमेल, तो भले ही आगे चल के डिवाइड होंगे, अभी तो प्राइमरी ऊ साइट हमको दिखाई देंगे जब उसका जन्म होगा, क्योंकि ऊगोनिया और प्राइमरी ऊ साइट जन्म के पहले ही बन चुके हैं। तो इस तरह से प्राइमरी ऊ साइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी गलत हो गया, ये गलत। पोलर बॉडी वगैरह तो तब बनेगी जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है? जब प्यूबर्टी एज आ जाती है, यानी 13-14 साल की एज आ जाती है, उसके बाद हर महीने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और एक पोलर बॉडी बनती है, हर मंथ एक होता है। तो ये चीज सही नहीं है। दूसरा ऊगोनिया एंड प्राइमरी ऊसाइट, ये सही लग रहा है, ये देखो ऊगोनिया एंड प्राइमरी ऊसाइट, ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल्स हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऊगोनिया एंड प्राइमरी ऊसाइट। तो ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट, इसके आगे लिखा है फीटल लाइफ, यानी फीटल जीवन, भ्रूणीय जीवन में ये बन चुके हैं। तीसरा ऊगोनिया एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, तो पोलर बॉडी की बात तो गलत ही है ना, पोलर बॉडी तो बाद में ही बनती है। ऊगोनिया एंड ओवम, ओवम भी बाद में बनेगा। ओवम का मतलब है पूरी तरह मेच्योर, जिसने की मियोसिस सेकंड भी पूरी कर ली हो, इस तरह का अंडाणु या इस तरह का एग। तो ये सब चीजें तो और आगे चल के होंगी, केवल फीटल लाइफ में तो ऊगोनिया बनते हैं, ऊगोनिया मल्टीप्लाई होते हैं, फिर वो अपने आप को मियोसिस के लिए तैयार करते हैं, तब हम उनको कहते हैं ये है प्राइमरी ऊसाइट। उन्होंने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं की होती है, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में अटक के रह जाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। और जन्म के समय हमें दिखता है फीमेल की हर ओवरी में लगभग 20 लाख प्राइमरी ऊसाइट या प्राइमरी फॉलिकल बैठे हुए। तो ये हमारा आंसर यहां पर टू सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हार्मोन दैट शोज अ स्लाइट डिक्लाइन इन लेवल ड्यूरिंग डेज 8-11 बट अगेन राइजेस क्लोज टू डे 13 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, वह हार्मोन जिसका स्तर 8 से 11 दिनों के बीच थोड़ा गिर जाता है किंतु 13वें दिन के निकट आने पर पुनः बढ़ जाता है। तो 8 टू 11 में थोड़ा सा नीचे जाएगा, स्लाइट लिखा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, स्लाइट डिक्लाइन, थोड़ा सा नीचे जाएगा, और 13वां दिन आने पर फिर चढ़ जाएगा। तो भाई जब क्यों ना ये हमारा जो जाना माना एक चित्र है उसकी सहायता लें। ये देखो इन चार हार्मोनों की जो लाइन गई हुई है उनमें से कौन सा ऐसा है जो डिक्लाइन होता दिखेगा 8 टू 11 डे के बीच? तो आप नीचे डेज का नाम लिखा है, नंबर लिखा है, या 8 से 11 के बीच, तो 8 से 11 के बीच अगर ऊपर चढ़ोगे तो प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, कोई अंतर नहीं, ईस्ट्रोजन की तरफ चलो थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, और ऊपर चलो ये देखो ये लाल वाली लाइन देखिए, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है एफ एस एच की, और ये आपको थोड़ी नीचे गिरती हुई नजर आ रही होगी। आप FSH को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, नीचे जाकर जब 13वां दिन या 14 दिन के ठीक पहले ये फिर चढ़ गया। इसमें रेड वाली लाइन पे ध्यान दो, ब्लू वाली लाइन तो LH की है, LH के हिसाब नहीं है, LH कम होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ ये रेड लाइन नीचे जरूर जा रही है 8 टू 11 डे के दौरान, और 8 टू 11 डे के दौरान नीचे जाकर और फिर 13वें दिन पे आके फिर ऊपर चढ़ गई। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है। तो 8 टू 11 डे के दौरान थोड़ा सा नीचे गया, 13 डे आने पे फिर ऊपर चढ़ गया, ऐसा तो केवल FSH ही दिख रहा है। इस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन नहीं हो सकता, एस्ट्रोजन है नहीं, FSH शुड बी आवर आंसर। LH में ये वाला डिक्लाइन नहीं हुआ था,
13वें दिन के पास आगे चढ़ा तो था ये, पर 8 से 11 दिन के बीच डिक्लाइन नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन ये है, डिक्लाइन क्यों हुआ है 8 टू 11 डे के दौरान? इसका आंसर है क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, जो अंडाशय कुटक बन रहा है, सेकेंडरी ओसाइट, टर्शियरी सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल वगैरह जैसे जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उनके ग्रेन्यूलोसा सेल से एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन, और उस इनहिबिन के कारण FSH कम होता नजर आता है। इनहिबिन जो है वो FSH प्रोडक्शन पे ब्रेक लगाता है, वो रोकता है थोड़ा, तो इस कारण से ये FSH थोड़ा नीचे गिरता हुआ आपको नजर आएगा इनहिबिन हार्मोन के एक्शन के कारण, जो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रेन्यूलोसा सेल से निकलता है। तो ये क्लियर हो गया कि FSH हमारा आंसर होना चाहिए, बहुत साफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट शोज अ स्लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज साइज ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज ड्यू टू, ग्रेफियन फॉलिकल के लार्ज साइज का कारण बताना है। तो ग्रेफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल इनमें लगभग सेम नंबर के सेल्स होते हैं, टर्शियरी फॉलिकल जो होता है और ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है, इन दोनों में नंबर ऑफ सेल्स अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर साइज में बहुत अंतर है, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल का साइज अगर हम देखें तो वो 10 मिलीमीटर के आसपास होता है, 10 मिलीमीटर से भी थोड़ा कम ही होता है, 9 मिलीमीटर ऐसा कुछ, और ग्रेफियन फॉलिकल वो 18 टू 20 मिलीमीटर बड़ा हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है साइज। तो भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया है, जबकि सेल के साइज में तो बहुत अंतर आया नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट जो अंदर बैठा है उसके साइज में भी बहुत अंतर नहीं आया, फिर ऐसा क्या है? तो सीधी बात है, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है एंट्रम कैविटी अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है। एंट्रम के अंदर क्या भरा हुआ है, एक तरल भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसको कहते हैं लिकर फॉलिक्यूलाई। तो लिकर फॉलिक्यूलाई से भरी हुई कैविटी अपने साइज को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, इस कारण ग्रेफियन फॉलिक्यूल इतना बड़ा नजर आता है, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल से अगर कंपैरिजन करें तो कैविटी ही सब वही चीज है जो इन दोनों के बीच अंतर का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी, अन्यथा अगर देखें तो नंबर ऑफ सेल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इस हिसाब से अगर देखो कि थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बड़ी होती है इसलिए ग्रेफियन फॉलिकल बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है, थीका एक्सटर्ना इंटरना के साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में। दूसरा लार्ज सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट बहुत बड़ा हो जाता है, गलत, टर्शियरी फॉलिकल में जितना बड़ा सेकेंडरी ओसाइट है उतना ही बड़ा ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। तीसरा लार्ज साइज ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स, ग्रेन्यूलोसा सेल्स का साइज बढ़ जाता है, साइज नहीं बढ़ता, हाँ नंबर ऑफ लेयर एक दो बढ़ सकते हैं पर साइज नहीं बढ़ता, ये भी गलत हो गया। और लास्ट है लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये बात सही है, इसे हम कहते हैं लार्ज एंट्रम, तो ये एंट्रम कैविटी बहुत बहुत बड़ी हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। इस तरह से हमारा आंसर होना चाहिए फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है शेप ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्री ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस, गर्भाशय ग्रंथियों की आकृति अंडो उत्सर्ग के पहले और अंडो उत्सर्ग के बाद कैसी होती है? तो गर्भाशय ग्रंथियां यानी यूट्राइन जो वो है ग्लैंड्स हमारी, उनकी क्या उनको हमारे एनसीईआरटी ने दिखाया? तो फिर इसकी शरण में आते हैं भाई। इस डायग्राम में सबसे नीचे क्या दिखाया गया है आपको, ये दिख रहा है ये क्या चीज है, ये एंडोमेट्रियम की मोटाई दिखाई गई है, एंडोमेट्रियम के इसमें कैसा चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाए गए हैं, और एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स को इन्होंने दिखाया है यहाँ पर, ये जो व्हाइट कलर के अंदर गड्ढे दिख रहे हैं ना, वो गड्ढे जो है वो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स के शेप को दिखा रहे हैं। अब अगर आप 14 डे से पहले देखो तो 14 डे के पहले यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज अंडोत्सर्ग से पहले की अवस्था, तो यहां पर ये जो ग्लैंड दिखेंगे वो आपको इस तरह के दिखेंगे ऐसे ऐसे, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज है और ये 14 डे के पहले है। अब 14 डे के बाद इन्हीं ग्लैंड का क्या हाल होगा, तो इन्हीं ग्लैंड को फिर ऐसे दिखाया है, इस तरह से। इसका मतलब ये ग्लैंड्स कैसे हो गए,
14 दिन जब पूरे हो गए 15वें दिन से ये इस तरह के हो गए, असल में ये ऐसे स्पाइरल हो गए ऐसे, इनको कहते हैं कॉर्क स्क्रू शेप। ये कॉर्क स्क्रू शेप हो जाता है, ग्लैंड यही है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का असर ऐसा हो रहा है। यहां से अगर वो इस तरह के हैं तो म्यूकस निकलेगा, यहां से भी म्यूकस निकलेगा प्लस ग्लाइकोजन निकलेगा, तो म्यूकस और ग्लाइकोजन ये दोनों चीजें निकलने लगेंगी अगर ये ग्लैंड, ये वाले ग्लैंड जो सीधे थे स्ट्रेट ट्यूब जैसे स्पाइरल या कुंडलित हो जाएंगे। ग्लैंड वही है, असर बस देखना है। ये ईस्ट्रोजन का असर दिख रहा है इस जगह पर, ये 14 दिन के पहले वाली चीज है, यहां से लेके यहां तक ईस्ट्रोजन का असर के कारण हमें जो भी दिख रहा है, जो भी एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है वो दिख रहा है। फिर 14वां दिन आया, 14वें दिन के बाद से प्रोजेस्ट्रॉन का असर शुरू हो गया। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का असर है उसके कारण ये कैसे हो गए, कुंडलित हो गए। क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो, आपको ग्लैंड के आकार आकृति में बदलाव दिखेगा, शेप और स्ट्रक्चर और साइज सब बदल रहा है। तो आप यहां पे देखोगे कि ये ग्लैंड शुरू में सीधे बनाए गए हैं, 14 डे के बाद फिर ये ऐसे 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 बनाए गए। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था अगर एनसीईआरटी का ये डायग्राम हम ध्यान से देख लेते। तो इस हिसाब से इन दोनों टाइम में यूट्राइन ग्लैंड में क्या चेंज आता है, नंबर वन डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता, रिमेन स्ट्रेट ट्यूब्यूलर, सीधी नली जैसे रहते हैं, गलत। दूसरा ट्यूबुलर शेप इन प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड बिकम स्पाइरल शेप्ड इन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो भाई ये जो लिखा है ये मुझे बहुत सही लग रहा है, अंडोत्सर से पहले नली जैसे नलिकाकार और अंडोत्सर पश्चात सर्पिलाकार, बिल्कुल सही, सर्पिल यानी ऐसे ऐसे कॉर्क स्क्रू शेप, ये मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है इस समय। आगे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगला है स्पाइरल शेप्ड इन प्री ओव्यूलेटरी एंड बिकम ट्यूबुलर इन पोस्ट ओव्यूलेटरी। ये तो उल्टा लिख दिया, इसमें तो प्री ओव्यूलेटरी में स्पाइरल लिख दिया जबकि ऐसा नहीं है, हमने अभी अभी डायग्राम देखा है। और लास्ट है डज नॉट चेंज एंड रिमेन स्पाइरल शेप, बदलते नहीं और स्पाइरल ही रहते हैं, गलत। आपको यहां दिख रहा है पहले ये ट्यूबुलर स्ट्रेट ट्यूबुलर है, बाद में ये हो गए स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू शेप। तो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स में बदलाव आ जाता है, इसका केवल एक ही कारण है कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रिपेयर हो रहा है, मतलब प्रिपेयर कर रहा है एंडोमेट्रियम को कि इस अपेक्षा में कर रहा है, इस एजम्पशन में कर रहा है कि भ्रूण आएगा और आके जुड़ेगा। तो इस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन का असर हमें होता हुआ इधर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन remains attached to the trophoblast and face towards। अब यहां पर face towards जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, इसके लिए। इनर सेल मास किसकी तरफ फेस करेगा जब ट्रोफोब्लास्ट जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब ट्रोफोब्लास्ट जाकर एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा, तो जो इनर सेल मास है वो किसकी तरफ फेस किया होगा, क्या एंडोमेट्रियम की तरफ, क्या यूट्राइन कैविटी की तरफ, क्या फेलोपियन ट्यूब की तरफ, या सर्विक्स की तरफ। तो सीधी बात है, मैं चाहूंगा कि यहां पर दो डायग्राम बना के मैं आपको इस चीज को समझा सकूं। ये देखिए ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम का छोटा सा हिस्सा बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा, ये वाला, ये देखिए ये इनर सेल मास मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। यहां पर ये कोरियोनिक विलाय और यहां पर मैं ठीक उल्टा बनाऊंगा, ये कोरियोनिक विलाय है। अब आपको बस ये बताना है कि इनर सेल मास, इनर सेल मास ये इस तरह इसके यूट्राइन कैविटी की तरफ मुंह किया होगा या एंडोमेट्रियम की तरफ किया होगा, ये बता। तो दोनों में से कौन सा सही है, तो भाई डायग्राम जो हमारा दिया हुआ है इम्प्लांटेशन का उसको देखना पड़ेगा, ये इम्प्लांटेशन का डायग्राम, इस इम्प्लांटेशन के डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा धुंधला सा है लेकिन अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला डायग्राम सही है। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, यानी ये आईसीएम हमेशा
किसकी ओर निर्दिष्ट होता है, किसकी ओर स्थित होता है, एंडोमेट्रियम की तरफ होता है। तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार यहां पर है और ये एंडोमेट्रियम की तरफ आईसीएम फेस किया हुआ है, उसकी ओर निर्दिष्ट है। देखो आइए, ये वाला हिस्सा तो यूट्राइन कैविटी की तरफ दिखा रहा है, ये तो गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से एंडोमेट्रियम की ओर निर्दिष्ट होता है, फेस टुवर्ड्स एंडोमेट्रियम। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के समय रिमेन अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा है। अब ट्रोफोब्लास्ट कहाँ है, ट्रोफोब्लास्ट ये बाहर का है, ये बाहर बाहर का हिस्सा ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये हिस्सा ट्रोफोब्लास्ट है पूरा, ये तो इस ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा है। एंड फेस टूवर्ड्स, और किसकी तरफ फेस किया इनर सेल मास, तो इनर सेल मास की एक बात हो गई कि ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा, दूसरी बात हो गई ये फेस किसकी तरफ किया हुआ है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं इट इज फेसिंग टुवर्ड्स एंडोमेट्रियम, इट इज नीदर फेसिंग टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी और टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब और टुवर्ड्स सर्विस। तो ये सीधी बात है, एंडोमेट्रियम की तरफ फेस किया हमें दिख रहा है इनर सेल मास। तो ये पूछा गया था, इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना था कि असल में पूछा क्या गया है, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते थे एज पर डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या बैठा है, नंबर वन यॉर्क सैक, नंबर टू म्यूकस प्लग, नंबर थ्री ब्लड वेसल्स और नंबर फोर, सभी ऑप्शन सही। तो भाई इसमें पीतक कोश, श्लेष्मी प्लग, रक्तवाहिका, सभी विकल्प सही है। तो क्यों ना फिर से डायग्राम की सहायता ली जाए, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड ये दिखाई गई है और क्या लिखा है पूरा पढ़ देता हूं आपके लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड के संग वेसल लिखा है। क्या इसमें यॉक सैक यानी ये पीतक कोश दिखाए गए इसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो इसका आंसर है नहीं दिखाया गया है। यॉर्क सैक तो ये रहा, ये देखो बाहर है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बाहर निकला दिखाया गया, तो ये तो है नहीं इसका पार्ट। इसके बाद यहां पर है म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग तो ये रहा सर्विक्स में, ये देखो सबसे नीचे है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट ही नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है रस्सी जैसी संरचना, रोप लाइक स्ट्रक्चर, जो बेबी के नेवल या बेली बटन से अटैच होकर उसका दूसरा सिरा प्लेसेंटा को बना रहा होता है या प्लेसेंटा तक गया हुआ होता है, वो रस्सी जैसी चीज के अंदर केवल ब्लड वेसल्स है। ये डायग्राम बहुत साफ हमें दिखा रहा है कि इसमें म्यूकस प्लग इसका भाग नहीं है, यॉर्क सैक इसका पार्ट नहीं है, इसमें तो साफ लिखा है अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ब्लड वेसल, ये है हमारा आंसर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेरियल डिजीज इंक्लूड, वेनेरियल डिजीज क्या होते हैं, यौन रोग यानी कि जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं ऐसी बीमारियां, तो इसमें कौन सा शामिल है। तो आपके कई सारे एसटीडी डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, उन एसटीडी डिजीज में आप एक ट्रिपैनो, इसमें ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस नाम भी लिखा होगा, ट्राइकोमोनियसिस, वो ट्राइकोमोनियसिस यहाँ लिखा दिख रहा है हमको, बाकी ट्रिपैनोसोमियसिस ना, ट्रिपैनोसोमियसिस तो क्या होती है स्लीपिंग सिकनेस, और ये किससे फैलता है, इसको फैलाने वाला कोई उससे थोड़ा ना होता है, ट्रिपैनोसोमा किस कौन ले जाता है, एक मक्खी ले जाती है जिसको कहते हैं सेट सी फ्लाई या सी सी फ्लाई, ये इसका वेक्टर है, इसके काटने से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हमारे बॉडी में आ जाता है जिससे होती है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ट्राइकोमोनी ये लिखा ट्राइकोनिम्फियसिस, ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो टर्माइड या दीमक के पेट में रहने वाला क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो उसके अंदर रहता है और उसको सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता है। तो टर्माइड्स गट सिम्बायोंट है, गट का मतलब होता है आहार नाल, सिम्बायोंट मतलब सहजीवी, सिम्बायोंट प्रोटोजोआ, तो सिम्बायोंट प्रोटोजोआ है टर्माइट का ट्राइकोनिम्फा, तो ये कोई बीमारी थोड़ा ना करता है, तो जबरदस्ती नाम बना दिया है ट्राइकोनिम्फियासिस, ये जरूर सही लग रहा है ट्राइकोमोनियसिस।
क्योंकि ये ट्राइकोमोनियसिस जो है ये हमारी एनसीईआरटी बुक ने नाम दिया हुआ है, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे नाम एसटीडी के अंदर दिए हुए हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ये पूरा नाम है उस परजीवी या पैरासाइट का जो इस बीमारी को करता है। ट्राइकोमोनियसिस में स्वेलिंग आ जाती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स में, स्वेलिंग होती है तो यूरिन पास करना मुश्किल होता है और फीमेल में खासकर एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है वेजाइना से। वो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज चूंकि निकलता है तो इस बीमारी को हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं और ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से इधर से उधर पैरासाइट जा सकता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ट्राइकोमोनियसिस। और ये ट्राइकोडर्मेटाइटिस ये भी जबरदस्ती का बनाया गया नाम है, इस तरह की कोई बीमारी होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ लीगल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। निम्न में से कौन गर्भ निरोध का एक वैध उपाय नहीं है, यानी लीगल मेथड नहीं है, इनमें से हमें चुनना है। तो सबसे पहले है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन तो है, स्टरलाइजेशन का मतलब सीधा होता है वासा डिफरेंशिया को काटना या फेलोपियन ट्यूब को काटना। तो आपने वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी ये तो पढ़ा है, ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, ये तो वैध है, गवर्नमेंट इवन सर्टिफिकेट देती है इसका कि आपने स्टरलाइजेशन कराया हुआ है, तो ये तो वैध है। दूसरा आता है कास्ट्रेशन, अंडकोश निष्कासयन, बधिया करना, ये वैध नहीं है ह्यूमंस में। भैया आप ये सोचो कि हम किसी को अगर कॉन्ट्रासेप्शन देना चाह रहे हैं तो उसके टेस्टिस पकड़ के काट के हटा देंगे, टेस्टिस को निकालना, इसे कहते हैं कास्ट्रेशन। तो टेस्टिस को काट के निकाल के फेंक दें, ये वाली चीज तो वैध नहीं है, ये चीज तो गैर कानूनी हो गई, गलत हो गई ये चीज। तो इस हिसाब से ये बधियाकरण या अंडकोश को निकाल के फेंकना, निष्कासित कर देना, ये चीज गलत है। हमारा आंसर यही होना चाहिए क्योंकि स्टेरॉइड गोलियों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, मालाडी वगैरह, और बैरियर मेथड जैसे कंडोम ये भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब तो वैध है, स्टरलाइजेशन, स्टेरॉइड पिल और ये बैरियर मेथड बाकी, लेकिन ये बधियाकरण वाली बात तो गलत है, ये कास्ट्रेशन नहीं है सही चीज, क्योंकि इसमें तो आप पूरे के पूरे अंडकोश यानी टेस्टिस को निकालकर फेंक रहे, ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ये जो डायग्राम है जिसकी सहायता हम कितनी बार ले चुके हैं इस पेपर को सॉल्व करने में, ये ही हमें बता देगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, किस दिन होता है। सबसे पहले एट द मिड सिक्रीटरी फेज, तो सिक्रीटरी फेज के बीच में, तो भाई सिक्रीटरी फेज ये लिखा है ल्यूटियल फेज, इसके बीच में तो होता नहीं है, या तो ये है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब दिखाया इसमें इन्होंने? ओव्यूलेशन होता दिखाया है जब प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज खत्म हो रही है। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज जब खत्म हो जाती है, यानी पुटक प्रावस्था या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था जब समाप्त हो जाती है, उस समय दिखाया ओव्यूलेशन। और ल्यूटियल फेज उस तब तक शुरू नहीं होती, ल्यूटियल फेज के पहले और प्रोलिफरेटिव फेज के बाद, इसके बीच में हो रहा है ओव्यूलेशन। तो ये डायग्राम की हेल्प अगर हम लेते हैं तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन द मिडिल ऑफ सिक्रेटरी फेज, गलत है, सिक्रेटरी फेज के बीच में तो हो ही नहीं सकता, सिक्रेटरी फेज शुरू होती है 15th डे से, इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। तो 15 डे से शुरू होकर 28 डे तक जाएगी, तो इसके बीच में तो ये होता नहीं है। ओव्यूलेशन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, तो सिक्रेटरी फेज खत्म होने वाली हो, 28वां दिन आने वाला हो, उसके ठीक पहले, नहीं ये भी गलत है, सिक्रेटरी फेज खत्म होने वाली हो, 28वां दिन आने वाला हो, उसके पहले थोड़ी ना होता है। ओव्यूलेशन तो 14वें दिन होगा, सिक्रेटरी फेज तब तक शुरू भी नहीं हुई होगी, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। अगला है एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होने वाली है तब, तो प्रोलिफरेटिव फेज देखिए शुरू कब होती है, डायग्राम के हिसाब से प्रोलिफरेटिव फेज जब ब्लीडिंग खत्म हो जाती है उस दिन से शुरू हो जाती है। आपको पता है ब्लीडिंग 1 से 5 दिन चलती है, तो 6 दिन से ये शुरू होगी, तो क्या 6 दिन होता है ओव्यूलेशन, 14वें दिन होता है, तो इस हिसाब से एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज ये बढ़िया है, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज 13वें दिन तक चलेगी और 14वें दिन ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग हो जाएगा। हमारा आंसर होना चाहिए प्रचुरोद्भवन अवस्था के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर ओव्यूलेशन रेफ एंड फॉलिकल रिग्रेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू,
अंडोत्सर के बाद ग्रेफियन पुटर पतित होकर निम्न रूप में संगठित हो जाता है। तो भाई ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा तो डेफिनेटली उसका टुकड़े हो जाएंगे, वो पतित हो जाएगा, टूट जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा। तो ये जो है पतित हो जाएगा, टूट जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, इसका मतलब शुरू में वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, शुरू में संगठित नहीं हो पाएगा, टूट गया है अभी, उससे बनेगा कॉर्पस हेमरेजियम, और बाद में कॉर्पस हेमरेजियम के जो ये टुकड़े हैं ये धीरे धीरे आपस में जुड़कर संगठित किसमें होंगे, साफ नजर आ रहा है, आप देखिए ये वाला डायग्राम। इन डायग्राम्स को अगर आप देखोगे तो दिखेगा ग्रेफियन फॉलिकल फटा, ठीक है, अंडाणु बाहर निकल गया, एक बार आ गया, पीछे रह गया पतित भाग, रिग्रेस्ड भाग, और ये रिग्रेस्ड भाग आगे चल के येलो कलर की एक स्ट्रक्चर को बना रहा है, और उस येलो स्ट्रक्चर पे लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम शुड बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम पहले ही दे दिया है हमारा आंसर। कॉर्पस एल्बिकेंस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कॉर्पस एल्बिकेंस जो होता है वो तो जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, ये देखिए जब वो कोई हार्मोन नहीं निकाल रहा होता उसका छोटा सा रूप उसे कहते हैं, तो इस हिसाब से कॉर्पस एल्बिकेंस तो बिल्कुल अंत में आएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम पहले काम करेगा, 10 दिन काम करने के बाद जब वो धीरे धीरे अपना काम खत्म करेगा तब कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा। तो कॉर्पस एल्बिकेंस कैन नॉट बी आवर आंसर, हमारा आंसर नहीं हो सकता, कॉर्पस कैलोसम हो नहीं सकता, ये तो ब्रेन में मिलने वाला स्ट्रक्चर है जो हमारे दोनों प्रमस्तिष्की अर्ध गोलार्धों को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका पट्टी है। तो हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं राइट एंड लेफ्ट, उनको आपस में जोड़ने वाली न्यूरल पट्टी, न्यूरल ट्रैक, तो इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये पीनिस यानी शिश्न में मिलता है, तो मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे पीनिस या शिश्न कहते हैं उसके अंदर एक इरेक्टाइल टिश्यू बंडल है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो कॉर्पस ल्यूटियम ऑब्वियस चॉइस है हमारी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवरी से क्या बाहर आता है। तो मैंने अभी अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था कुछ समय पहले, ये देखो ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि एक एग के चारों ओर स्पर्म्स झुंड बना रहा है। तो ये पता है आपको कब हुआ है, ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर ये घटना हो गई है। इसका मतलब ओव्यूलेशन जब हुआ होगा तो एग इसी तरह का दिख रहा होगा जैसा इसमें दिखाया है, इसमें आपको एग दिख रहा है, एग के चारों ओर पिंक कलर की एक उन्होंने लाइन बनाई है, एक कवरिंग बनाई है जिसे नाम दिया जोना पेलियोसिडा, और उसके बाहर सेल्स बनाए हैं कई सारे, वो सेल्स मिलकर बना रहे हैं कोरोना रेडिएटा। तो इसका मतलब जब एग ओव्यूलेट होता है तो जोना पेलियोसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, अंडोत्सर के दौरान अंडाशय से कौन सी संरचना मुक्त होती है, एग विद जोना पेलियोसिडा ओनली, केवल जोना पेलियोसिडा को घेरा, मतलब इसे घिरा हुआ एग होता है, या एग विद जोना पेलियोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ये बिल्कुल सही है, जोना पेलियोसिडा, कोरोना रेडिएटा, इन दोनों के कवरिंग के साथ एग बाहर आ रहा है। और तीसरा, एग विद जोना पेलियोसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड थीका लेयर, तो थीका लेयर तो सही नहीं है भाई, थीका लेयर क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये थीका तो पीछे रह गई है, ये तो ग्रेफियन फॉलिकल के सबसे बाहर थी, तो ग्रेफियन फॉलिकल के सबसे बाहर की चीज तो नहीं आएगी, ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा उसके अंदर का हिस्सा बाहर आएगा जिसमें शामिल है एग, जोना पेलियोसिडा, कोरोना रेडिएटा। तो ये हमारा आंसर सबसे बेस्ट है, एग विद जोना पेलियोसिडा, कोरोना रेडिएटा। चौथा है ओनली एग विदाउट एनी सराउंडिंग मेम्ब्रेन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि एग अकेला नहीं आता, जोना पेलियोसिडा और कोरोना, कोरोना रेडिएटा के साथ आता है। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम रीजेनरेट्स इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग टाइम पीरियड। अब यहां पर आप देखेंगे वर्ड रीजेनरेट लिखा है, एक सामान्य रज चक्र में एंडोमेट्रियम का पुनर्उद्भवन, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो उसमें एंडोमेट्रियम टूटती है, उसकी ब्लड वेसल रप्चर होती है, उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और एंडोमेट्रियम टूटती हुई बिल्कुल पतली रह जाती है। ये 5 दिन तक चलता है, 5 दिन के बाद 6 दिन से ये दोबारा बनती है, उस दोबारा बनने को आप कहते हैं रीजेनरेशन। तो ये रीजेनरेट किसके कारण हो रही है,
कौन से दिन से हो रही है, बस यही सब हमें बताना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर वर्ड आप देखोगे, ये जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है बस उसको पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप होता है एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। और कौन से टाइम लिखा है, फॉलिकुलर फेज, ये देखिए लिखा है फॉलिकुलर फेज में ये सब हो रहा है। और फॉलिकुलर फेज कब से कब तक चलती है, छठे दिन से तेरहवें दिन तक, सिक्स्थ डे से थर्टीन डे के बीच। तो सिक्स से थर्टीन डे के बीच इसका रीजेनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो रीजेनरेशन यानी दोबारा बनना, तो पहले पांच दिन वो टूट गई, छठे से तेरहवें दिन के बीच बन गई, और फिर तेरहवें दिन के बाद पंद्रहवें दिन से वो पूरी तरह प्रिपेयर करेगी खुद को कि एम्ब्रियो आए और उसमें इम्प्लांट हो। उस हिसाब से 3 to 5 days सही नहीं है, ये फिर भी ठीक लग रहा है 5 डे के आगे चलकर। 5th to 10th day, ये 5th से 10th day के बीच रीजेनरेट हो रही है, क्योंकि आगे हम अगर 11 को ले लेंगे तो आगे 18 डे तक पहुंच जाएंगे, और 18 डे तक रीजेनरेट नहीं होती, वो केवल प्रिपेयर होती है उसके आगे, खुद को प्रिपेयर करती है। तो इस हिसाब से अगर हम डायग्राम को भी देखें तो ये रीजेनरेशन वाला प्रोसेस जो चल रहा है, इट इज स्टार्टेड राइट फ्रॉम डे 6, छठे डे से ही शुरू हो गया है। उस हिसाब से हमारा ये तीसरा ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 11वें दिन से ये रीजेनरेट हो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 5वें दिन से ही होगी। हमारा आंसर 5th to 10th day है, बाकी ये तो बेकार ही है, 18th to 24th day, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2nd। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, ह्यूमन फीमेल में मेनोपॉज कौन से आयु या एज में आता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 50 years। ये वाला डायग्राम जो बना है उसके देखो पूरा पढ़ के आप, 50 साल के आसपास किसी फीमेल में आ जाता है, डेफिनेटली ये पहला हमारा आंसर होना चाहिए, बाकी 15, 17, 25 ये चॉइस नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखेंगे, विच रिएक्शन एंश्योर श्योर ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, कौन सी अभिक्रिया बहुशुक्राणुता को सुनिश्चित रूप से निषिद्ध करती है। तो भाई सीधी बात यह है कि बहुशुक्राणुता यानी एक स्पर्म से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाए किसी एग के अंदर, तो एक स्पर्म से ज्यादा अगर एंटर कर रहे हैं वो पॉलीस्पर्मी कहला रही है, वो चीज कैसे रोकी जाएगी। तो मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि इसके दो तरीके होते हैं, स्पर्म जब जोना पेलोसिटा के कॉन्टेक्ट में आता है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर आते हैं, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के कारण हम देखते हैं कि ऊलेमा जोना पेलोसिटा से चिपक कर एक नई मेम्ब्रेन को बना रही है जिसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे कहते हैं स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, लेकिन ये परमानेंट होता है काम। इसके अलावा इससे एक और तरीका होता है जिसमें स्पर्म आता है एग को एक्टिवेट करता है, ऊलेमा डीपोलराइज हो जाती है, यानी उसके चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो रिवर्स हो जाते हैं, तो वो होता है फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। दोनों तरीके होते हैं, पर इसमें से श्योर लिखा है, इंश्योर श्योर होना चाहिए, तो श्योरिटी अगर होगी तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वाली रिएक्शन की, तो कॉर्टिकल रिएक्शन शुड बी आवर आंसर। इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन हो नहीं सकता, एक्रोसोमल रिएक्शन में तो एक्रोसोम अपने एंजाइम को निकालता है जिससे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है और एग के अंदर स्पर्म की एंट्री सुगम हो जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन बिल्कुल सही लग रहा है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का बाहर निकलना जिससे कि एक नई मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाए, तो ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का श्योर शॉट है, बिल्कुल पक्का रुकेगी, सुनिश्चित है। और एक्रोसिन रिएक्शन, एक्रोसिन तो एंजाइम का नाम होता है जो इसी एक्रोसोम के अंदर होता है, जोना पेलोसिटा को गलाता है। और बाइंडिन रिएक्शन, बाइंडिन अभिक्रिया का मतलब है स्पर्म जाके एग की सरफेस से चिपक जाए, तो हमारा आंसर होना चाहिए केवल कॉर्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी टू एग, कि भाई देखो एग को एक्टिवेट करना तो काम है जिससे मियोसिस सेकंड पूरी हो सके, स्पर्म का एक काम क्या है, एग को एक्टिवेट करे जिससे कि वो मियोसिस सेकंड को पूरा करे, क्योंकि जब तक स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करता है एग को तब तक मियोसिस सेकंड पूरी नहीं होती है। पर स्पर्म का एक और काम भी तो है, एग को कुछ देता भी तो है वो, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज देता है, तो बहुत आसान है, वो एग को अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, मेल का जेनेटिक मटेरियल जायगोट में स्पर्म के माध्यम से ही तो आएगा। तो सीधी बात है कि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए की, डीएनए को देगा, जीन्स को देगा मेल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं दे आर द कैरियर ऑफ जीन्स, जीन्स को ले जाने वाले कैरियर गैमेट्स होते हैं। तो इस हिसाब से डीएनए और जीन एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेडोट्रोपिन नॉट रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई सीधी बात है, गोनेडोट्रोपिन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एफएसएच एंड एलएच, एलएच और एफएसएच आने चाहिए। पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं हो रहा है, नहीं, नॉट, तो भाई ये दोनों तो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, तो हमें तो ऐसा चुनना है जो गोनेडोट्रोपिन भी हो, इसका मतलब है वो गोनेड पे अपना असर भी दिखाता हो, ओवरी के ऊपर कुछ काम भी करता हो और पिट्यूटरी से भी नहीं निकलता हो। तो बहुत आसान है, एचपीएल हो नहीं सकता, ये तो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक यानी दूध बनाने वाला, इसका ओवरी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब गोनेडोट्रोपिन ये तो है नहीं। दूसरा एफएसएच, एफएसएच तो हमें मालूम है पिट्यूटरी से निकलता है, इसे चुन ही नहीं सकते। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कोई गोनेडोट्रोपिन नहीं है, ईस्ट्रोजन को आप गोनेडोट्रोपिन में नहीं शामिल करते, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये है हमारा आंसर, इसके फुल नाम क्या है इसका, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। देखा गोनेडोट्रोपिन नाम आ रहा है इसमें, इसका काम बिल्कुल एलएच जैसा होता है गोनेडोट्रोपिन। तो ये गोनेडोट्रोपिन है लेकिन ये प्लेजेंटा से निकलता है, फ्रॉम प्लेजेंटा, तो इसका मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकल रहा है, ऐसा गोनेडोट्रोपिन है। इसका काम होता है ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को कम से कम 3 महीने तक सरवाइव कराना, उसको स्टेबलाइज करना। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा इस एचसीजी के कारण जो प्लेजेंटा से निकल रहा है। ये गोनेडोट्रोपिन है जो पिट्यूटरी से नहीं निकल रहा, प्लेजेंटा से निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन ऑफ एवरेज ड्यूरेशन इज, मानव में गर्भकाल की औसत अवधि क्या होती है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि 9 महीने होती है। अब 9 महीने के हिसाब से हर 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 3 महीने में 13 हफ्ते होते हैं, और पूरे गर्भकाल को, पूरे जेस्टेशन पीरियड को 3 महीनों के 3 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर में 13 हफ्ते होते हैं, तो 13 हफ्ते प्लस 13 हफ्ते प्लस 13 हफ्ते, तो 13 × 3 = 39 हफ्तों की होती है। 39 इसके बीच में ही आ रहा है, ये देखो, बाकी तो है नहीं, 32 35 हो नहीं सकता, 40 to 42 हो नहीं सकता, 42 to 46 हो नहीं सकता, सबसे बेस्ट तो यही है हमारा आंसर, 36 to 40 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सपल्शन ऑफ फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय, गर्भावस्था के अंत में विकसित भ्रूण का निष्कासन निम्न के कारण होता है। तो बेबी क्यों बाहर आता है, कौन उसे धक्का मार रहा है, यूट्रस की मसल्स, तो गर्भाशय की दीवार में जो मसल्स है वो धक्का मार रही है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, ये गलत हो गया, स्ट्रिएटेड नहीं होती, रेखित पेशी थोड़ी ना है, रेखित पेशी तो हमारी इच्छा से चलती है, गर्भाशय की मसल्स पे हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है, तो वो स्ट्रिएटेड नहीं है, वो तो स्मूथ है, वो तो नॉन स्ट्रिएटेड है, तो इसका मतलब ये चीज तो गलत हो गई, स्ट्रिएटेड वाली बात। दूसरा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, गलत हो गया, एंडोमेट्रियम का थोड़ा ना कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है मायोमेट्रियम लेयर का, जो स्मूथ मसल से बनती है। तीसरा आता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये आ गया, देखो करेक्ट, स्मूथ मसल ऑफ यूट्राइन वॉल, ये आ गया आंसर हमारा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, क्योंकि स्मूथ मसल है जो कि मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस में होती है, तो उसके कॉन्ट्रेक्शन से बेबी बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस इफ द ओवरीज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन आर रिमूव्ड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहले ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आपने एक प्रेग्नेंट लेडी की ओवरी को हटा दिया, अब बताइए क्या असर होगा उसके बच्चे पर, तो कोई असर नहीं होगा। शुरू के 3 महीने वो ओवरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस 3 महीने के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था और वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण प्रेगनेंसी टिकी हुई थी। शुरू के 3 महीने में प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और वो ओवरी में होता है, पर 3 महीने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन निकालने की पूरी जिम्मेदारी प्लेजेंटा की हो जाती है।
तो 3 महीने बाद अगर ओवरी को निकाल भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन फिर प्लेजेंटा से निकलेगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना पूरे कर देगी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो इस हिसाब से ओवरी की जरूरत शुरू के 3 महीने तो है पर आगे नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी विल टर्मिनेट इमीडिएटली, प्रेगनेंसी तुरंत खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 3 महीने बाद आप निकाल रहे हो, 3 महीने के पहले थोड़ा ना निकाला है आपने। दूसरा, प्रेगनेंसी विल टर्मिनेट आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी 6 महीने बाद वो खत्म हो जाएगी, ये भी गलत है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की कोई बात ही नहीं है, प्रेगनेंसी विल टर्मिनेट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने पूरे होने के पहले खत्म हो जाएगी, गलत है। लास्ट देखो, प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू एंड नो हार्म वुड हैपन टू द फीटस, देखो गर्भावस्था कायम रहेगी, भ्रूण को कोई हानि नहीं होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं वो प्लेसेंटा निकाल रहा है। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिसाइडेड एट, यानी जो भ्रूण का लिंग होगा यानी वो फीमेल बनेगा कि मेल होगा, उसका डिसीजन कब लेते हैं या कब होता है वो डिसाइड? तो वो डिसाइड होता है जब स्पर्म आता है और ओवम से मिलता है। अब आपको अच्छे से पता है ये स्पर्म 2 तरह के हो सकते हैं, एक एक्स को उठाए हुए, एक वाई को उठाए हुए। तो इनमें से कौन सा स्पर्म जाके ओवम के एक्स वाले, ओवम के पास तो एक्स ही होता है, ये जाएगा या ये जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा कि भविष्य में जो एम्ब्रियो बनेगा उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये वाली जो घटना हो रही है कौन सी है? फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के टाइम में तो डिसाइड हो रहा है। तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन शुड बी आवर आंसर, क्योंकि कैपेसिटेशन हो नहीं सकता, यानी कि शुक्राणु का क्षमता प्राप्त करना, शुक्राणु की कैपेसिटी हो जाना जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, उस समय डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के टाइम यानी आरोपण, जाके गर्भाशय की दीवार से या यूट्राइन कैविटी से, यूट्राइन वॉल से वो जुड़ रहा है, ये नहीं हो सकता। कोइटस के टाइम या मैथुन करते समय नहीं होता, ये तो इस समय होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा आंसर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन। तो ये कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन, आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। अब ध्यान ये रखेगा कि एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ा कीजिए, कोई भी एग्जाम आपका होता है, ठीक है? थैंक यू।